चलिए शुरू करते हैं। कोई सवाल है क्या लास्ट क्लास का? कुछ सवाल आगे बढ़े, अभी तो शुरू ही हुआ है ना? ठीक है, शुरू करते हैं। दो तीन क्लास और है, अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद फिर एक एक इश्यूज में गहराई से उतरेंगे, है ना। कई बार परमाणु के बारे में चर्चा करूंगा, थोड़ी बहुत चर्चा होगी, गंभीरता से गहराई में आने वाले समय में विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा 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 हर इशू के बारे में मालूम होना चाहिए, मतलब एक ओवरव्यू। तो हमारी क्लास अभी जो चल रही है आईआर का, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आने वाले समय में जब एनालिसिस करें, जब जोड़ें कि आज ये हो रहा है और पहले ये हुआ था, तो आप उसको रिलेट कर पाएं कि हाँ एक कहानी है, एक कहानी के बारे में मेरी समझ है। तो इसलिए बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों को मैं मतलब आपको सुना रहा हूं ताकि पिछले 70 सालों के इतिहास को आप समझ पाएं कि विदेश नीति का इतिहास हमारा क्या रहा है। ठीक है, सवाल ज्यादा नहीं आएंगे इससे, या सवाल डायरेक्ट इससे नहीं आएंगे, लेकिन डेफिनेटली आपकी कलम की ताकत बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ कहां तक चर्चा किया था? मैंने आपके साथ भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों की चर्चा की थी। उस सिद्धांत में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों या कुछ भूगोल से रिलेटेड, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप उससे अलग नहीं हो सकते, उसके संदर्भ में आपसे चर्चा किया था। इतिहास और परंपरा के संदर्भ में आपसे, या हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कल्चर, उसके संदर्भ में बहुत सारी चीजों के बारे में आपसे चर्चा किया था। जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो सिद्धांत है, कैसे अहिंसा के स्वरूप में, नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल, वही अनेकांतवाद का जो दर्शन है, वही नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल है ना, वो कैसे हमारी विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में चर्चा आपसे की है कि अनेकांतवाद का दर्शन भारत का एक सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत। उसकी पूरी प्रक्रिया में मैंने पूर्ण स्वराज के भी कॉन्सेप्ट की चर्चा आपसे की है ना, कि पूर्ण स्वराज का कैसे कॉन्सेप्ट विदेश नीति में हम लोगों ने उसको इंक्लूड किया है, उसकी चर्चा भी आपसे की थी। तो इस तरह से मैंने इतिहास और परंपरा के संदर्भ में कुछ बातों की चर्चा आपसे की थी। चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है या जो उनकी किताब है, उसके संदर्भ में मैंने आपसे बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट की भी चर्चा की थी कि हमेशा आदर्शवादी ही नहीं होना है, कई बार यथार्थवादी होने की भी जरूरत है। गांधी आदर्शवाद है, अहिंसा आदर्शवाद है, लेकिन जो आपके सामने एक चुनौती है, एक चैलेंज है, केवल आदर्शवाद से हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान ना हो। सामने वाला लड़ना चाहता है और आप कितना भी अहिंसा का पाठ उसको कई बार समझाएं, सिखाएं। यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है कि उस व्यक्ति को कई बार अहिंसा की जगह टिट फॉर टैट, जो वो चाहता है उसी की भाषा में उसको जवाब देना पड़े। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को अहिंसा के पाठ के माध्यम से सिखाया समझाया नहीं जा सकता है, देश के लिए चुनौती है। ऐसी स्थिति में चाणक्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण, कि आप कश्मीर को ब्रेक करना चाहते हैं, आप भारत के आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देते हैं, तो आपका भी बलूचिस्तान है ना। हम करते कुछ नहीं है, मतलब ऑफिशियली कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अनऑफिशियली तो कर ही सकते हैं, है ना। तो भारत का कभी ये नीति नहीं रहा है कि किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें, ये हमारा नीति है, ऑफिशियल नीति है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं करेंगे। हाथी के दांत खाने और दिखाने के लिए अलग अलग होते हैं ना, तो कुछ वैसी है बात है कि हमारा सिद्धांत है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो हमको भी मैसेज आपको देना पड़ेगा। आज का पेपर किसी ने पढ़ा है? दलाई लामा के बारे में क्या स्टेटमेंट आया है, सुना, पढ़ा उसको थोड़ा सा? प्रधानमंत्री ने विश किया है दलाई लामा को, और उसके बारे में क्या लिखा था उसमें, गए और पढ़े कि हमारे देश में प्रधानमंत्री या ऑफिशियल पोजीशन से दलाई लामा को विश नहीं किया जाता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स विश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि दलाई लामा को अगर हम विश करते हैं तो चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन अब हम विश कर रहे हैं तो चीन को एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि अब तो हम विश करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे, वो लंबा जिए, ये तो हमारी कामना ही है ना। तो एक तरीके से हम उसको मैसेज दे रहे हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो चीन क्या कहता है कि आप आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दलाई लामा चीन के दुश्मन है, मतलब सिसेशनिस्ट है, ऐसा चीन का मानना है कि चीन को ब्रेक करना चाहते हैं, और हम उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो कुल मिला के एक तरह से चीन को क्या मैसेज दे रहे हैं? चीन को यही मैसेज दे रहे हैं कि हम तो करेंगे अब। क्यों? क्योंकि आप हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते हैं। कश्मीर पे आप स्टेटमेंट देते हैं, आर्टिकल 370 हटाते हैं, तब आप उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का संप्रभु क्षेत्र है, वहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लेकर के जाते हैं। तो हम यथार्थवादी दृष्टिकोण से हम भी उसमें आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। भविष्य में जिनजियांग के मामले में भी हम कुछ बोलेंगे, अभी तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो बोलेंगे। तिब्बत में मानवाधिकार के मुद्दों पे भी आने वाले समय पे बोलेंगे, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है।
जब आप हमारे कश्मीर के इशू पे अननेसेसरी में बोलेंगे तो यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, हम ऐसा करेंगे। तो धीरे धीरे करके कैलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि हम चीन को मैसेज दे रहे हैं कि हम अपनी नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि आप भारत के विरुद्ध, भारत के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? तो लगातार इसको देखना है। कहने का मतलब है, देखिए विदेश नीति कहता है, विदेश नीति का जो फाउंडेशन है वो ये है, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। और आगे इसमें एक शब्द जुड़ जाएगा, उसका नाम है प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित, इनलाइटेंड नेशनल इंटरेस्ट। इन दो शब्दों के अंतर बस इतना अंतर है। राष्ट्रीय हित सुने ना कि फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति का मूल पर्पस क्या है, राष्ट्रीय हितों को साधना, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामरिक रूप से हो, सैन्य दृष्टिकोण से हो, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो, जो भी भारत के हितों के अनुसार होगा उनको साधना ही विदेश नीति है, वही हमारा फॉरेन पॉलिसी है। उसी में हम अलग अलग रणनीतियां बनाते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि हम अपने राष्ट्रीय हितों को साध पाए। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास हुई है ना, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ है ना, और जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी बोला कि मैं अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए कार्य करूंगा। उस पूरी प्रक्रिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया कि आपके भी उपनिवेश हैं, मेरे भी उपनिवेश हैं, मैं अपने उपनिवेश को एक्सपेंड करूंगा, आप भी अपने उपनिवेश को एक्सपेंड करिए। एक स्थिति आई जब उपनिवेश बचा ही नहीं है ना, तो टकराव की स्थिति आ गई। तो जर्मनी कह रहा था मेरा राष्ट्रीय हित, यूके कह रहा था मेरा राष्ट्रीय हित, फ्रांस कह रहा था मेरा राष्ट्रीय हित, यानी कि राष्ट्रीय हितों का टकराव युद्ध को जन्म दे सकता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर राष्ट्रीय हितों का टकराव है, नेशनल इंटरेस्ट का टकराव है। यानी कि राष्ट्रीय हित हर देश अगर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करे, हर देश, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जब दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसे में चुनौती होगा, चैलेंज होगा। तो इसमें क्या करें, यहां पर एक शब्द जुड़ जाता है, प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित। प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित का मतलब है कि मैं अपने हितों को साधूंगा लेकिन आपके हितों के विरुद्ध भी कार्य नहीं करूंगा, लेकिन ये तब तक होगा जब तक आप मेरे राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करेंगे। अगर हर देश प्रबुद्ध राष्ट्रीय हितों के अनुसार अपने हितों को बढ़ाता रहे और जहां टकराव की स्थिति आए दो देशों के बीच में, वहां दोनों देश समझौते से, सहयोग से अपने हितों को संरक्षित कर पाए, यानी कि आपके हित भी सुरक्षित रहे और मेरे हित भी सुरक्षित रहे, ताकि टकराव या युद्ध जैसी स्थिति ना आए, जैसे यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा, ऐसे युद्ध की स्थिति ना आए। यह है प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित, इनलाइटेंड नेशनल इंटरेस्ट। तो भारत कहता है कि मैं राष्ट्रीय हितों को नहीं साधना चाहता हूं, मैं प्रबुद्ध राष्ट्रीय हितों को साधना चाहता हूं, मतलब कि मैं अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहता हूं, लेकिन अपने हितों को सुरक्षित रखने की उस पूरी प्रक्रिया में आपके हितों को असुरक्षित भी नहीं करना चाहता, लेकिन ये तब तक लागू होगा जब तक आप मेरे राष्ट्रीय हितों को भी संरक्षित करेंगे। कश्मीर के इशू पे अगर चीन बयान नहीं देता तो क्या फर्क पड़ जाता, कुछ फर्क पड़ जाता, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसने कहा। तो कुल मिलाकर हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध उसने एक स्टेटमेंट दिया। तो हमारा प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित क्या कहता है कि हम चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन कब तक नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखेंगे। तो भारत कहता है प्रबुद्ध इनलाइटेंड नेशनल इंटरेस्ट कि हम आपके हितों की भी रक्षा करेंगे, अपने हितों को भी एक्सपेंड करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे हितों को रक्षा या उसकी सुरक्षा नहीं की तो ऐसी स्थिति में तो नहीं साधा जा सकता है। तो प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित कब काम करेगा, जब आप भी वैसा ही मेरे साथ व्यवहार करें। क्लियर है? और नहीं करेंगे तो चाणक्य तो जिंदा है, उनका किताब जिंदा है, 1200 तक वो किताब था, 1200 से लगभग 19वीं शताब्दी तक 700 सालों में उनकी किताबों पे कोई काम नहीं हुआ। 19th सेंचुरी में दोबारा उनकी किताब पे काम हुआ, यानी कि उनकी किताब को पहले इंग्लिश में लिखा गया, फिर अर्थशास्त्र को ट्रांसलेट किया गया। तो वो किताब आज भी हमारा आधार है, एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है ना। अगर मौर्य साम्राज्य आज से 2500 साल पहले एक विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट साम्राज्य बन सकता था और चंड अशोक को धम्म अशोक में तब्दील कर सकता था, तो वही अर्थशास्त्र आज भारत को भी एक महत्वपूर्ण और मजबूत सशक्त राष्ट्र के रूप में आज भी एक दिशा दे सकता है। तो हम चाणक्य को नहीं भूल सकते, यथार्थवादी दृष्टिकोण हमारा रहेगा। बैलेंस ऑफ पावर के बिना कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकता है, कि चाइना बहुत मजबूत होता जाए और हम कमजोर होते जाएं, ये असुरक्षा का भाव है। और भविष्य में इन्हीं सब स्थितियों से कोई देश दूसरे देश पर अटैक करता है। आज यूक्रेन अगर न्यूक्लियर पावर होता, यूक्रेन के पास में मिसाइल की क्षमता होती, कैपेबिलिटी होती, तो रशिया उस पर अटैक नहीं करता। बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ था, रशिया को मालूम था अटैक कर भी लूंगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसाइमेट्रिकल पावर है। अगर मेरे पास 4000 टैंक्स हैं तो उसके पास 200 टैंक्स भी नहीं है, तो ये एसाइमेट्री है। बैलेंस ऑफ पावर जब तक मेंटेन रहेगा तब तक कोई देश दूसरे देश पर अटैक नहीं करेगा।
1962 में चीन ने अगर भारत पर अटैक किया तो इम्बैलेंस ऑफ पावर था, है ना, उसने लगातार अपने फौज को सशक्त किया और हम उस समय फौज की जगह गुट निरपेक्षता, शांति, सुरक्षा, इन सब मामलों पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन आज भारत बैलेंस ऑफ पावर में एक मजबूत राष्ट्र है, दुनिया के एक सशक्त राष्ट्रों में है, भले ही दोनों के बीच में एसाइमेट्री है, लेकिन न्यूक्लियर पावर दोनों देशों को बराबर करता है। आज हमारे पास 2 किलो 4 किलो 5 किलो से लेकर बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, हमारे पास मिसाइल है जिसके माध्यम से चीन के जितने भी शहर हैं उस मिसाइल से हम उस न्यूक्लियर बॉम्ब को उसके किसी भी शहर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। भले ही हमारे पास आर्सेनल कम है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाइना की तुलना में कम है, बट चीन के सारे शहर हमारे रेंज में है। यह है बैलेंस ऑफ पावर। कहने का मतलब है कि अगर आप हमको क्षति पहुंचाएंगे तो हम भी आपको उतनी ही क्षति पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जब भी कहे कि इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हो सकता है तो नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं। छोटे छोटे स्क्रिमिशेस हो सकते हैं लेकिन लार्ज स्केल पे युद्ध होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। रशिया और यूएस क्या कभी डायरेक्ट युद्ध लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। बैलेंस ऑफ पावर है, क्लियर है। हमेशा एक देश मजबूत रहता है, एक देश कमजोर रहता है, तभी युद्ध की स्थिति बनती है। जब दोनों देश सशक्त हो, मजबूत हो, तो वैसी स्थिति में युद्ध नहीं होता है। बैलेंस ऑफ पावर उस युद्ध को टालता है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दुनिया का ऐसा क्राइसिस जिसमें यूएस और यूएसएसआर बिल्कुल आमने सामने थे, थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति थी 1970 में, लेकिन दोनों लड़े नहीं क्योंकि मालूम था लड़ेंगे तो क्षति दोनों को ही होगी। क्लियर है ना। तो इस पूरी प्रक्रिया में बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लगातार बैलेंस ऑफ पावर में अगर हम पिछड़ रहे हैं तो लगातार हम कोशिश करेंगे। अगर हम स्वयं कोशिश नहीं कर सकते तो अलायंस सिस्टम पे काम करेंगे, मित्र देश बनाएंगे, अलायंस क्रिएट करेंगे। जो काम अकेले नहीं किया जा सकता है वो मिलजुल करके करेंगे। तो चीन की एसाइमेट्री, या चीन अगर ज्यादा सशक्त है और भारत उसकी तुलना में आर्थिक और मान लेते हैं कि डिफेंस की कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पीछे है, तो हमको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, हमको स्ट्राइड, लंबी छलांग लगाने की जरूरत है। इसराइल से एडवांस टेक्नोलॉजी लेंगे, यूएस से एडवांस टेक्नोलॉजी लेंगे, रशिया से एडवांस टेक्नोलॉजी लेंगे, जापान के साथ कैपिटल या पूंजी में सहयोग करेंगे ताकि उस पावर गैप को कम किया जा सके। क्लियर है। तो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और विदेश नीति में ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। और भारत को बैलेंस ऑफ पावर में पहले तो हमको एक जो विंडो है, यानी कि जो चीन और भारत के बीच में गैप है, उस गैप को साधने की जरूरत है। ठीक है। और बाकी विस्तार से और इंडिया चाइना की क्लास में चर्चा करूंगा कि इंडिया चाइना के बीच में जो गैप है उसको गैप करने का क्या रणनीति हो सकता है, किस तरीके से उसको साधे, किस तरीके से भारत एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में इमर्ज करे। ठीक है। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ बताइए। देखिए, दो पहलू है, दो धारी तलवार है बैलेंस ऑफ पावर। अगर डिफेंस में खर्च कर देंगे तो शिक्षा वाले या विकास वाले आपके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और अगर आप सुरक्षा को कमजोर करेंगे तो वैसे स्थिति में आप कितना भी विकास कर लें उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकते। तो बैलेंस का मतलब है कि आपका विकास भी हो और आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। 1962 में भारत पे इसीलिए अटैक हुआ क्योंकि हम केवल और केवल विकास पे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, भारत का प्रथम प्लान, सेकंड प्लान, ध्यान है, एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे थे फर्स्ट प्लान पे, और सेकंड प्लान पे इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे थे। लेकिन सुरक्षा को लेकर के हमारा मानना यह था कि हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील बोलने से चीन हम पे अटैक नहीं करेगा। 1954-55 में पंचशील, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हमने चीन के साथ दिया। पंचशील का सिद्धांत दुनिया को हम लोगों ने चीन के साथ, दुनिया के साथ, या चीन के साथ चौहान लाई जब इंडिया आए तो हमने दुनिया के सामने पंचशील का सिद्धांत दिया, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाग। और उसके 5-6 साल के बाद क्या हुआ, चीन ने हम पे अटैक किया। यानी कि आदर्शवाद को हमने ट्राई किया है, ऐसा नहीं है। 1954-55 में आदर्शवाद ही था जिसके माध्यम से चीन को हमने कहा हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन क्या आदर्शवाद या केवल एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे आगे बढ़ने से देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है? अगर हो जाती तो 1962 में चीन हमारे एक बड़े क्षेत्रफल को हथियाता नहीं, अक्साई चीन भारत के क्षेत्र से नहीं जाता। तो दोधारी तलवार है, हमको ये भी करने की जरूरत है और ये भी करने की जरूरत है। लेकिन एक को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करेंगे ना तो ये एक पक्षीय पहलू है। यानी कि अगर मैं कहूं कि हमको केवल डिफेंस पे खर्च करना चाहिए तो ऐसा नहीं है, केवल हमको विकास एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे खर्च करना चाहिए तो ऐसा भी नहीं। इसका सिंपल पंचशील में इसका आंसर छुपा हुआ है। हमको डिफेंस पे कम से कम बजट पे तब खर्च करेंगे जब एशिया पे शांति और सुरक्षा को साधा जा सके। और भारत यही कहता है,
कि कोई भी देश तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक उसका क्षेत्र सुनिश्चित नहीं है। तो भारत का यही मानना है कि अगर शांति स्थापित करनी है तो एशिया में शांति स्थापित होगी तो दुनिया के देश एशिया में जो भी हैं वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के भाव से आगे बढ़ पाएंगे। कोई एक देश शांति स्थापित करने की कोशिश करे उससे एशिया में शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो शांति की जिम्मेदारी केवल भारत पे नहीं है, पाकिस्तान चीन जैसे देशों पे भी है। अगर उनकी नीतियां भारत के विरुद्ध जाती हैं तो संप्रभुता सोवर्निटी फर्स्ट आता है ना, कि देश के अखंडता को आप पहले सुनिश्चित करें, रेस्ट ऑफ द थिंग्स बाद में आते हैं। तो भारत को कहा जाता है कि एक ऐसे समुद्र में है, एक ऐसे आइलैंड के रूप में, एक ऐसे समुद्र में है जिसके चारों तरफ अराजकता की स्थिति है, उसके बीच में एक शांति का एक द्वीप है भारत। तो अगर चारों तरफ आपके सामने अराजकता है या एक अनसर्टेनिटी है, जापान के चीन के संदर्भ में, म्यांमार के संदर्भ में, नेपाल में भी पॉलिटिकल क्राइसिस वाली स्थिति है, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी सिक्योरिटी को महत्वपूर्ण मानना पड़ेगा, उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। थर्ड वर्ल्ड का मतलब ही होता है दो देश, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश। तो दुनिया में सबसे ज्यादा 1945 से 90 के बीच में तो जो चला, आप कह सकते हैं कि जो रेस चला हथियारों का, वो तो यूएसएसआर और यूएस के बीच में चला। दुनिया में आज भी दोनों के पास जितने हथियार हैं उसका 5% भी दुनिया के अन्य देशों के पास नहीं है। तो 90-95% देखेंगे, जब परमाणु की चर्चा करेंगे तो देखेंगे, इन दोनों देशों के पास से दुनिया का लगभग 85-90% हथियार है। तो आर्म्स रेस तो लगातार इन्होंने किया है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। थर्ड वर्ल्ड वॉर बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के संदर्भ में है, जब दोनों पावर शक्तियां बराबर होती हैं तब वहां पर वॉर होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। अगर आज सोचें कि चीन भारत पर अटैक कर देगा तो इसकी पॉसिबिलिटी न के बराबर है, क्योंकि चीन को मालूम है कि भारत एक सशक्त राष्ट्र है, हमारे पास डिफेंस की कैपेबिलिटीज इनहेंस्ड है, कौन सा मिसाइल नहीं है हमारे पास, शॉर्ट रेंज जैसे मीडियम से लॉन्ग रेंज तक के हमारे मिसाइल्स है, यानी कि चीन के सारे शहर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM पढ़ा होगा आपने साइंस टेक्नोलॉजी में, तो चाइना के शहर हमारे जद में है, हमारे रेंज में है, और न्यूक्लियर बम हमारे पास है ही। करना क्या है, मिसाइल ट्रांसपोर्ट का काम करता है और बम फोड़ने का काम करता है, दोनों ही चीजें हैं, तो सिक्योर नहीं है, है ना। एयर डिफेंस सिस्टम उसके पास भी, चीन के पास भी स्ट्रांग नहीं है, और हमारे भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो 3-लेयर सिस्टम है वो भी हमारा बहुत प्रभावी नहीं है ना। हम काम तो कर ही रहे हैं उस पे, लेकिन कहने का मतलब है कि आप सब सुपरसोनिक और बहुत सारे जो ऐसे मिसाइल्स हैं जो साउंड से भी ज्यादा स्पीड से चलते हैं, वैसे स्थिति में चुनौती है, मतलब चैलेंजेस है, ठीक है। तो मैं, जैसे इनका स्टेटमेंट है, आने वाले समय में और इस पे चर्चा होगी ना तो आपकी समझदारी और भी बढ़ेगी। अगर जब भी डिप्लोमेसी की बात हो, जैसे आप यहां बैठे हैं, आप फौज के अफसर नहीं बनने जा रहे हैं, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में आप ही में से कुछ लोग फॉरेन पॉलिसी को चूज या इंडियन फॉरेन सर्विस को चूज करेंगे। अगर एक क्या कहते हैं, राजदूत है ना, डिप्लोमेट है ना, आप क्या हैं, आप फॉरेन पॉलिसी हैं या डिप्लोमेट हैं। डिप्लोमेट का मतलब क्या होता है, डिप्लोमेट का मतलब है शांतिपूर्ण तरीके से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। लड़ने के लिए फौज है ना, आपके इशारों पे फौज गोली चलाने के लिए जमीन पे है, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि बिना गोली चलाए किसी प्रॉब्लम का समाधान कैसे निकल जाए। तो हमेशा आपको युद्ध के बारे में चर्चा नहीं करना है, युद्ध को कैसे टाला जा सकता है उसके बारे में रणनीति बनानी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि युद्ध से हमको भयभीत होना है या उससे हमको डरना है। अगर कोई देश आपकी संप्रभुता को चुनौती दे रहा है तो वहां पर कोई च्वाइस आपके पास नहीं बचता है, वैसे में युद्ध ही एक रास्ता बच जाता है। संप्रभुता मतलब सोवरेनिटी को क्वेश्चन कर रहा है, आप पे अटैक कर रहा है, गलवान वैली आपके एरिया में एंटर कर गया, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, पीछे हटेंगे तो वो एरिया चीन के पास चला जाएगा, तो वैसी स्थिति में आई टू आई कॉन्टेक्ट तो होना पड़ेगा, मतलब आपको वहां पर खड़े रहना पड़ेगा। लेकिन खड़ा करने के बाद आपको डिप्लोमेटिक बैक चैनल से आपको इंगेज करना पड़ेगा कि आइए बैठते हैं, बात करते हैं, आप अपनी फौज को पीछे लेकर के जाइए। लेकिन अगर आप वहां से पीछे हटते हैं तो यही क्रीपिंग नीति है, क्रीपिंग पॉलिसी, रेंगते हुए चीन धीरे धीरे करके आपके क्षेत्र को या देश के क्षेत्र को हथिया रहा है। तो वैसे में हमको दोनों की जरूरत है, बट डिप्लोमेसी हमेशा जीतता है। डिप्लोमेसी का मतलब है बातचीत का रास्ता हमेशा समाधान को लेकर के जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद कितनी सारी बातें निकली, यूनाइटेड नेशंस बना, बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं बनी, यूरोप बदला, यूरोपियन यूनियन बना,
यूरोपियन स्टील कम्युनिटी बना, यूरोपियन कमीशन बना, आगे चल के 90 के दशक में यूरोपियन यूनियन बना। ये सब क्या था? समाधान, कि कोयले के लिए क्यों लड़ रहे हैं, आपस में बांट लेते हैं कोयले को, लोहे के लिए क्यों लड़ रहे हैं, अल्शेस लॉरेन के क्षेत्र के लिए आपस में बांट लेते हैं उसको, है ना, जो संसाधन है उसको बांट करके आपस में सहयोग करते हैं, आप भी ग्रो करें हम भी ग्रो करें। तो हमेशा जो बातचीत है, चैनल जो है, डिप्लोमेसी जो है, वही समाधान होता है। बट यथार्थवाद, यानी कि जो सामने चुनौती है, उस चुनौती को साधने के लिए कई बार आपको हार्ड पावर की भी जरूरत पड़ती है। तो यहां पर जैसे इनका सवाल है, तो इस सवाल के संदर्भ में एक कॉन्सेप्ट आपके सामने चर्चा करते हैं। आगे दोबारा मतलब 3-4 क्लासेस इधर उधर से चलेंगी, है ना, जहां मन करेगा उधर उधर से चलेंगे, फ्री है हम लोग। जैसे भारत को आप क्या लगता है कि भारत एक सशक्त राष्ट्र है? क्या लगता है, भारत एक मजबूत देश है? ठीक है, जोसेफ नाई का नाम सुना है आप लोगों ने? कोई पॉलिटिकल साइंस है किसी का ऑप्शनल? जोसेफ नाई एक व्यक्ति हैं, उन्होंने पावर का कॉन्सेप्ट दिया। तो पावर का मतलब ये नहीं होता है कि बंदूक रखे हुए हैं किसी को मार दिया, ये पावर ऐसा नहीं, मतलब हार्ड पावर नहीं, सॉफ्ट पावर भी होता है। कहने का मतलब है सांस्कृतिक विरासत, वो भी आपका एक धरोहर है, उसके आधार पर भी आप दुनिया के देशों के साथ सहयोग कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे देश आपसे पीछे हैं, उनको कुछ आर्थिक जरूरत है, उनको एड दे करके, जरूरत पड़ने पे उनको सहयोग करके आप उनके साथ भी प्रभावी रूप से सहयोग कर सकते हैं, यानी कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं। सांस्कृतिक है ना, भारत का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, 2500-3000 साल पुराना एक सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, कार्बन डेटिंग करें तो और पुराना है। तो सोच करके देखे कि इतनी पुरानी सभ्यता है, और जब भारत में सभ्यता पलवित पुष्पित हो रही थी तो इराक में उसी समय मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हो रहा था, और इन दोनों सभ्यताओं के बीच में आपस में व्यापार होता था। पूर्वी अफ्रीका में, तंजानिया में, मोजम्बिक में भी सभ्यताओं का विकास हो रहा था, इन दोनों के बीच में आपस में व्यापार होता था। इसके बहुत सारे उदाहरण है, जैसे घोड़ा है ना, लोथल में मिला है ना शायद, घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? लोथल शायद, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है लोथल, लेकिन किसी सिंधु घाटी की सभ्यता के में हमको घोड़े के अवशेष मिले, और घोड़े दुनिया भर में पश्चिमी एशिया से और सेंट्रल एशिया से भेजे जाते थे। तो अपने आप में बताता है कि हमारे व्यापारिक संबंध इससे रहे। तो अगर 2500-3000 का सांस्कृतिक विरासत है, और अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे हमको इमारतें मिली हैं जो 2500-2500 साल पुरानी है, यानी कि उसके अवशेष हमको मिले हैं, क्या उनको आधार बना करके आज हम अपने सांस्कृतिक संबंधों को या अपने संबंधों को बेहतर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, चर्चा करूंगा आगे बारे इसके बारे में। इसी को प्रोजेक्ट मौसम का नाम दिया गया है, आगे चर्चा करें। यानी कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो सकती है, सांस्कृतिक रूप से हम सहयोग कर सकते हैं, है ना। किसी को डिफेंस की जरूरत है तो डिफेंस का सहयोग उसके साथ कर दिया। वियतनाम परेशान है, चीन उसको तंग करता है दक्षिणी चीन सागर में, तो हमने कहा कि ले लो मिसाइल ले देते हैं, ब्रह्मोस दे दिया उसको, और ब्रह्मोस देने के बाद अब उसको न्यूक्लियर सिखा रहे, न्यूक्लियर से बिजली बनाना सिखा रहे, और बिजली बनाना और बम बनाने में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। 20% तक जब आप यूरेनियम को इनरिच करते हैं तो बिजली बन जाता है, उसी को 90% तक यूरेनियम को इनरिच कर देते हैं तो बम बन जाता है। तो जब इनरिचमेंट सिखा दिया कि 20% तक कर लो तो बाकी का रास्ता खुद तय कर लो, हम क्या कहेंगे? हमने तो बिजली बनाना सिखाया था, हम तो शांतिपूर्ण सहयोग कर रहे थे, आगे का रास्ता वियतनाम खुद तय कर लेगा, ब्रह्मोस दे ही दिया है, ब्रह्मोस मतलब मिसाइल, ऊपर न्यूक्लियर की तकनीक शेयर कर ही रहे हैं, बिजली बनाने तक का आगे का रास्ता खुद तय कर लेगा, लगा देगा, चीन के करीब है। पाकिस्तान और साउथ कोरिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर किसने दिया? चीन ने दिया, और आज जब जरूरत पड़ता है उनको इस्तेमाल करता है। जापान यूएस के पास जाता है तो नॉर्थ कोरिया मिसाइल की टेस्टिंग करा देता है, न्यूक्लियर का परीक्षण करा देता है, बेचारे जापानी उठते हैं परेशान हो जाते हैं, सुबह उठे पता चला कि उनके ऊपर से एक मिसाइल उधर जो है पैसिफिक ओशन में गिर गया, येलो सी में गिर गया, सी ऑफ जापान में गिर गया। बेचारे यूएस को भूल करके अपने सुरक्षा पे फोकस कर देते हैं, शत्रु की शक्ति को डाइवर्ट करो, चीन इस नीति पे चलता है। तो पूरब में रखा है नॉर्थ कोरिया को और पश्चिम में रखा है पाकिस्तान को। भारत के साथ उसके प्रॉब्लम जब भी होंगे आप देखिएगा, बॉर्डर एरियाज पे भारत और पाकिस्तान के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, यानी कि डाइवर्ट हो जाए। तो फौज क्या कहता है कि अगर भविष्य में वॉर होगा भी तो टू फ्रंट वॉर होगा, एक फ्रंट चाइना का होगा, एक फ्रंट पाकिस्तान का होगा। क्लियर है? तो चर्चा करेंगे इन सब चीजों के बारे में। इसका मतलब है कि पावर का मतलब केवल सॉफ्ट पावर नहीं है, मतलब इकोनॉमिक पावर, सांस्कृतिक पावर, हार्ड पावर भी है। तो वियतनाम को मिसाइल देना पड़ेगा, चीन भी तो सोचे कि क्या फीलिंग होती है, पाकिस्तान को दे करके तो बड़ा खुश हुआ, नॉर्थ कोरिया को दे करके मतलब नॉर्थ कोरिया के रास्ते से सब पाकिस्तान पहुंचा तो बहुत खुश हुए ये सब। अब ये खुश हुए तो जरा वियतनाम को मिले तो वही खुशी वो भी महसूस करे कि ब्रह्मोस मिल जाने से आपके सारे शहर अब उसके रेंज में है, वो भी एंजॉय करे इस बात को। तो हम केवल और केवल सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे, डिफेंस का भी सहयोग करेंगे,
हार्ड पावर की भी डिप्लोमेसी करेंगे, जरूरत पड़ा तो चीन को कहेंगे कि आओ बैठते हैं, बात करते हैं, व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं, और जरूरत पड़ेगा तो दोखलाम का विवाद भी करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो गलवान में जो भी हुआ है ना, उसने तो अपना आंकड़ा कभी दिया नहीं, हमारे फौज के लोग गुजरे थे लेकिन उसने कभी अपना आंकड़ा नहीं दिया, उसके लोग कम गुजरे थे तो बता देता कि 5 लोग गुजरे हैं, 4 लोग गुजरे हैं, क्यों नहीं बोला? अगर कम गुजरे होते तो बोल देता, ज्यादा गुजरे हैं तो नहीं बोल रहा है, समझ रहे? तो कहने का ये मतलब है, द पॉइंट इज कि जरूरत पड़े तो हार्ड पावर, जरूरत पड़े तो सॉफ्ट पावर। जोसेफ नाई ने कहा था वही देश जरूरत पड़ने पे पावर को स्विच कर सकता है जो सशक्त राष्ट्र हो। अमेरिका समझाएगा समझाएगा और नहीं समझेगा तो बम गिरा देगा। अफगानिस्तान में तालिबान को समझाता रहा, तालिबान ने बम फोड़ा, पूरे तालिबान को 20 साल तक तहस नहस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसके पास क्षमता थी, कैपेसिटी थी दोनों की, इकोनॉमिक सहयोग भी कर सकता था और जरूरत पड़ने पे हार्ड पावर का भी इस्तेमाल कर सकता था। तो जोसेफ नाइन ने कहा कि दुनिया में 3 तरह के देश होते हैं। एक देश वो होता है जो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है, सहयोग सहयोग पे काम करता है, कोई भी सहयोग, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग, है ना, किसी भी स्तर से, इकोनॉमिक रूप से, चाहे अलग अलग तरीके से, जो भी आप कुल मिलाकर के सहयोग कर रहे हैं, है ना, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो हो सकता है सॉफ्ट पावर, दूसरा होता है एक ऐसे देश जो हार्ड पावर है ना, कि बार बार धमकाएं, है ना, कि बम गिरा दूंगा, बम गिरा दूंगा, ये कर दूंगा, हार्ड पावर। और तीसरा देश होता है स्मार्ट पावर, जो जरूरत पड़ने पे सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करे, जरूरत पड़ने पे हार्ड पावर का इस्तेमाल करे। तो अगर हमको सशक्त देश बनना है तो हमको क्या बनना पड़ेगा? स्मार्ट पावर। हम लंबे समय तक सॉफ्ट पावर रहे हैं, इसी का फायदा चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने उठाया कि सॉफ्ट है, कुछ नहीं करेंगे, है ना, कुछ भी करो नहीं करेंगे, सॉफ्ट पावर। लेकिन हमने समय समय पे मैसेज दिया कि सॉफ्ट पावर के साथ साथ अब धीरे धीरे करके हम हार्ड पावर का भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे, और ऐसे देशों को कहा जाता है स्मार्ट पावर। लेकिन इसके लिए आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब आपको लगातार सशक्त होना पड़ेगा दोनों ही फ्रंट पे। तो भारत स्मार्ट पावर बनना चाहता है और स्मार्ट पावर बनने की तरफ हम अग्रसर है। यही बैलेंस ऑफ पावर है कि बैलेंस ऑफ पावर में केवल सॉफ्ट पावर से काम नहीं चलेगा, केवल हार्ड पावर से काम नहीं चलेगा, जरूरत पड़ने पे सॉफ्ट पावर, जरूरत पड़ने पे हार्ड पावर। हम प्रेम से चीन को समझाएंगे, नहीं समझेगा तो कान भी पकड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। तो ये हार्ड पावर की डिप्लोमेसी। तो सॉफ्ट और हार्ड दोनों की जरूरत पड़ेगी, और चीन पाकिस्तान जैसे देशों के लिए इन दोनों की जरूरत है, तो स्मार्ट पावर कहते हैं। तो जोसेफ नाई थे, एक जोसेफ नाई ने कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, कि कुछ देश होते हैं वो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ देश जो होते हैं हार्ड पावर। हार्ड पावर का मतलब समझ गए? हाँ, एक और तरीका बताता हूं। देखिए, सॉफ्ट पावर हार्ड पावर भी हो सकता है। जैसे चीन दुनिया के देशों को आर्थिक सहयोग करता है, ये तो हो गया सॉफ्ट पावर, मतलब आप उसको सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर वो देश डिफॉल्ट कर दें, पे नहीं कर पाए, इंटरेस्ट नहीं दे पाए, तो चीन उनको क्या कहता है? चीन कहता है कि कंसेशन दो, मेरे पैसे वापस करो, और नहीं तो अपना कोई क्षेत्र मुझे दे दो, कोई पतन दे दो, कोई पोर्ट दे दो, या कोई क्षेत्र दो जहां पर मैं आके अपना कुछ जो भी है ना, कुल मिला के उसका मूल पर्पज है अपनी नवल क्षमता को इनहेंस कर पाऊं या अपने मिलिट्री क्षमता को वहां पर स्थापित कर पाऊं। तो क्या हुआ? ब्लैकमेल नहीं हुआ ये एक प्रकार का, है ना, उसको एक तरह से कि आप डिफॉल्ट किए हैं और आपको पे करना पड़ेगा, और अगर पे नहीं करेंगे तो आपको हमको कंसेशन देना पड़ेगा, तो उनसे अतिरिक्त कंसेशन लेता है। ये क्या हो गया? इकोनॉमिकली उसको ब्लैकमेल करना, यह है हार्ड पावर। तो चीन रियल सेंस में सॉफ्ट पावर नहीं है, हार्ड पावर है। वो किसी को आर्थिक सहयोग देता है तो इस मंशा से देता है कि मैं इसको ऐसा फंसाऊंगा या ऐसे प्रोजेक्ट में इसको इन्वॉल्व कर दूंगा जहां पर मुझे रीपे नहीं कर पाएगा, और रीपे नहीं कर पाएगा तो मैं इससे और कंसेशन डिमांड करूंगा, और कंसेशन डिमांड करके अपने हितों को और प्रभावी रूप से उस देश में साधूंगा। कंबोडिया लगभग लगभग श्रीलंका वाली स्थिति में पहुंच चुका है ना, उसके बगल में लाओस है, उसकी भी कुछ यही स्थिति है, और श्रीलंका की स्थिति तो देख ही लिए। मालदीव तो बेचारा फंस ही गया था, हमने 16 की गवर्नमेंट 2018 में बनी है ना, मोहम्मद सोलह वहां के प्रेसिडेंट है, और वो इमिडिएटली जैसे ही प्रेसिडेंट बने भारत आए और बताया कि हमारी हालत तो खराब है ना, 2 बिलियन से ज्यादा का चीन से ऋण लिया है और वो कंसेशन मांग रहा है, हम पे करने की स्थिति में नहीं है, तो कह रहा है कि आइलैंड दे दो, है ना। तो इमिडिएटली हमारे पास है, हमने $2 बिलियन का उनको सहयोग किया, और मालदीव्स जो है चीन के ट्रैप से बाहर आ गया, नहीं तो लगभग मालदीव्स भी फंस गया था। चर्चा करेंगे, अफ्रीका के बहुत सारे देश परेशान है, अफ्रीका के बहुत सारे देश चीन के इसी निवेश के मॉडल से परेशान है। जहां जाता है चीन, अपने पूरे निवेश को वहां पर लगाता है,
और वहां पर जो भी लोकल कम्युनिटीज हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है, चीन से ही लोगों को लेकर के जाता है, उन्हीं से काम कराता है, वहां के पर्यावरण के नियमों को का वॉयलेशन करता है, क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा तो एनवायरमेंटल लॉज का वॉयलेशन करता है, यानी कि वहां के लोगों को न स्किल में फायदा होता है, न एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और उसका पर्यावरण अलग खराब होता है। और जो बजट या जो फंड वो इन्हेंस करता है, लगाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, और इस पूरी प्रक्रिया में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी उसे आर्थिक रूप से कुछ खास निकल नहीं पाता है, और इस पूरी प्रक्रिया में अफ्रीका के बहुत सारे देश कर्ज के जाल में फंस रहे हैं चीन के। इसलिए भारत और जापान मिलकर के अफ्रीका में नया निवेश कर रहे हैं, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार का हार्ड पावर है, पैसा आपने दिया, इकोनॉमिक सहयोग किया, लेकिन किस मंशा से किया, इस मंशा से किया कि बाद में तो ये पे नहीं कर पाएगा, और बाद में पे नहीं कर पाएगा तब इससे मैं वो करूंगा। जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि गांव में जो आर्थिक मॉडल था उसमें शोषण की एक रणनीति थी, है ना, उसमें कुछ महाजन थे, और उसके बाद जब वो ट्रैप में फंस जाता था तो किसान तो उसी चक्र में फंसा रहता था। वो चीन का डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है, कर्ज के जाल का एक आप कह सकते हैं कि साइकिल है। तो इसको हम सॉफ्ट पावर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हार्ड पावर। तो चीन इसको सॉफ्ट पावर के उसमें हार्ड पावर एक्चुअली अपने साधने या उसके ब्लैकमेल की रणनीति के माध्यम से उसको साधता है। सॉफ्ट पावर कैसे कहेंगे, इसको ऐसे समझे कि हमने किसी देश को ऋण दिया, ठीक है, LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ क्रेडिट। भारत रियायती दर पे दुनिया के बहुत सारे देशों को ऋण देता है, और आज से नहीं दे रहे, 1965 से दे रहे, 1965 जब हमारे पास खुद के लिए खाने के लिए नहीं था, ध्यान है, हरित क्रांति की शुरुआत 67-68 से होती, उससे पहले हमारी खुद की हालत खराब थी, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, लेकिन हमने कहा कि जीना केवल अपने लिए जीना नहीं होता है, कम्युनिटी के लिए भी जीना होता है, केवल आप अपनी समस्याओं से ही परेशान रहें और आसपास की समस्याओं के समाधान को लेकर के अगर आप सजग नहीं है तो आप एक जीवंत नहीं है या लाइवली नहीं है, केवल आप अपने इंटरेस्ट के लिए जी रहे हैं। तो भारत ने 1965 से ही LOC की शुरुआत की, लाइन ऑफ क्रेडिट, रियायती दर पर ऋण प्रोवाइड करना, सबकी चर्चा होगी आगे, LOC की चर्चा की, लाइन ऑफ क्रेडिट 1965 से ही हम दे रहे हैं। दुनिया के जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, अफ्रीका के 34 देश हैं जो LDC में आते हैं, दुनिया के विकास के सबसे पिछले पायदान पे हैं, उनको हम लगातार सहयोग कर रहे हैं 1960 के दशक से, क्लियर है। अब इसमें बहुत सारे देश को हमने, मान लीजिए कि किसी को हमने $10 मिलियन का कर्जा दिया या रियायती दर पर ऋण दिया, और हमने कहा कि काम करना 10 साल के बाद वापस कर देना, ये देश नहीं कर पाया तो हम क्या कहेंगे इसको कि अपना एक एरिया दे दो, अपना एक पतन दे दो, अपना एक क्षेत्र दे दो, अपना कोयला दे दो, क्या कहेंगे? हम ऐसा नहीं करते, हम कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं दे पाए हो तो इसको एक काम करो, 10 साल में नहीं 15 साल में दे दो, ऋण का अवधि बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, ओवरऑल उसका EMI कम हो जाता है। 15 साल में नहीं हो पाए तो आप बताओ कितने साल में दे दोगे, 20 साल में दे दोगे? वो कहता है 20 साल में दे देंगे, तो हम कहते हैं चलो 20 साल में दे देना। ये है सॉफ्ट पावर, ब्लैकमेल नहीं करना, पैसा देने के बाद ब्लैकमेल, चीन ऐसा करता है। तो चीन की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर के दायरे में नहीं आती है, हार्ड पावर के दायरे में। जब भी किसी देश से आप अननेसेसरी में कुछ कुछ आप कंसेशन चाहते हैं और दबाव के माध्यम से चाहते हैं तो वो सहयोग नहीं है, वो एक भार की तरह, एक दबाव की तरह, एक प्रेशर टैक्टिक की तरह, यह है हार्ड पावर। तो चीन एक मेजरली एक हार्ड पावर का कंट्री है ना, एक हार्ड पावर का है, भारत सॉफ्ट पावर का। लंबे समय से खूब एग्जाम्पल देंगे अफगानिस्तान के संदर्भ में, दुनिया के अन्य देशों में खूब सारे एग्जाम्पल दूंगा मैं, सोलर मामाज, बहुत सारे उदाहरण है, चर्चा करूंगा, ठीक है, समय आने पे चर्चा करूंगा। बस आपको बताना चाहते हैं, पावर का आपने सवाल पूछा, तो वैसे में सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर इन दोनों को मिला दिया जाए, समय पे कभी सॉफ्ट पावर और समय पे जरूरत पड़ने पे हार्ड पावर, ऐसे देश को कहा जाता है स्मार्ट पावर। भारत स्मार्ट पावर की तरफ बढ़ता हुआ देश है। आज के संदर्भ में देखें तो चीन अगर हम पे कोई चुनौती देता है तो हम उसको eye-to-eye कॉन्टैक्ट के माध्यम से हम उसको जवाब देते हैं, है ना। पाकिस्तान भारत में उरी और पठानकोट का अटैक करता है तो इमिडिएटली हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, मतलब काउंटर अटैक करते हैं। 90 के दशक से लगातार हम ऐसी नीतियों पे चल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ हिंसा करो और हम आपको छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। आप हमारे साथ हिंसा करो और हम आपके साथ सार्क का समिट करें, नहीं होगा। हम आपके साथ वार्ता तभी करेंगे जब आप शांति के रास्ते पे आगे बढ़ोगे। यानी कि भारत स्मार्ट पावर की तरफ बढ़ता हुआ देश है। अमेरिका भारत के ऊपर खूब दबाव बनाता है बहुत सारे इश्यूज पे, लेकिन हम उसके दबाव में नहीं आते हैं। यानी कि मेजर अमेरिका जैसे देश भी
दुनिया के वर्ल्ड के लीडर्स भी भारत के ऊपर कई बार दबाव नहीं बना पाते और कई बार दबाव बना भी लेते हैं। जब बना लेते हैं तो उसे कुछ उदाहरण, उसकी सीमाएं, उसकी चुनौतियों के संदर्भ में चर्चा करूंगा। और कई बार नहीं बना पाते हैं, रशिया के लेवल पे नहीं, या रशिया के मामले में नहीं बना पा रहे, नहीं छोड़ सकते हैं रशिया को। यूक्रेन के विवाद में नहीं बोलेंगे कि रशिया की गड़बड़ी है ना, आपका मामला है, देखो आप। हम कहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से मामले को सॉल्व कर लीजिए, हम यही कहेंगे, हमारा यही पोजीशन रहेगा। लेकिन हम स्मार्ट पावर बनना चाहते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और अब एक एक सीक्वेंस में चीजों को बताने दीजिए। उपनिवेशवाद के बारे में चर्चा कर लिया था, नव उपनिवेशवाद के बारे में भी आपसे चर्चा किया था और थोड़ा सा नैम के बारे में भी चर्चा किया था। थोड़ा नैम के बारे में डिटेलिंग कर लेते हैं या विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, ताकि नैम के ऊपर कभी भी मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल बन सकता है। तो जहां जहां पर भी मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बन सकता है, उसको थोड़ा सा डिटेल में करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए 1961 में, 1961 में नैम की शुरुआत हुई थी, है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन बेलग्राद के समिट से इसकी शुरुआत हुई थी। तो थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, है ना। पहले एक बार अच्छा, चलिए इसके बारे में बाद में ही आते हैं, थोड़ा सा इस सिद्धांत पे आ जाएंगे, है ना। तो हमारी विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत सारे कारकों की मैंने चर्चा आपसे की। इसमें से एक वैचारिक, एक भौगोलिक कारण है, दूसरा और इसके अलावा वैचारिक कारण, है ना, विचार। उसमें से गुट निरपेक्ष एक महत्वपूर्ण विचार था। दुनिया को हमने एक नया नजरिया दिया कि हर समय रशिया के साथ या सोवियत संघ का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है, हमेशा यूएस के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो जो कहे वही स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आप संप्रभु देश हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति तय कर सकते हैं, इसके लिए किसी गुट का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, गुट निरपेक्ष के माध्यम से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट विचार था, गुट निरपेक्ष था जो हम लोगों ने दिया। इसके अलावा क्या पब्लिक ओपिनियन, कुछ और बातों की चर्चा आपसे करता हूं और आगे और विस्तार से इसकी चर्चा मैं करता रहूंगा, क्या पब्लिक ओपिनियन भी विदेश नीति को शेप देता है? पब्लिक ओपिनियन देता है। तो इस संदर्भ में मैं आपके सामने एक शब्दावली रखता हूं, पब्लिक ओपिनियन, कि पब्लिक ओपिनियन भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, है ना, पब्लिक ओपिनियन। तो डिप्लोमेसी दो प्रकार की होती है, एक को कहा जाता है ट्रैक वन डिप्लोमेसी और एक को कहा जाता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ठीक है। डिप्लोमेसी का मतलब है वार्ता के माध्यम से कोई एक नीतियां बना रहे हैं, कोई उद्देश्य तय कर रहे हैं कि कैसे उस देश के साथ सहयोग करें। तो इसमें एक होता है, एक को कहा जाता है ट्रैक वन डिप्लोमेसी। कौन सा डिप्लोमेसी? ट्रैक वन। ये सब पूछेगा नहीं, बस समझते चलिए, ट्रैक वन डिप्लोमेसी। एक होता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ठीक है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक वन डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? ऑफिशियल लेवल पे। ऑफिशियल लेवल का मतलब है जब आप फॉरेन सर्विस में जाएंगे तो आपको ब्लू कलर का नहीं रेड कलर का पासपोर्ट मिलेगा, है ना। ब्लू कलर का पासपोर्ट मतलब बाकी लोगों के लिए, और ऑफिशियल पोजीशन पे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपको रेड कलर का पासपोर्ट मिलेगा। तो जो ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या जो भी व्यक्ति रिक्रूट किया गया है या डेपुटेशन पे गया हुआ है, ये भारत को नेतृत्व या भारत के विचार को रख रहा है कि भारत का ये मानना है, उसको हम कहते हैं ऑफिशियल पोजीशन। तो जब मान लेते हैं कि रशिया के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री आपस में मिलते हैं तो हम इसको कहेंगे ट्रैक वन डिप्लोमेसी। अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहां जा रहे हैं, ये कहां है? बाली में है, बाली में है। आसियान क्यों गए हैं सिंगापुर? G20 का मीटिंग फाइनल करने गए। G20 की मीटिंग में भी गए हैं और 2023 में भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है G20 का। और कहां कह रहे हैं? हम लद्दाख में करेंगे, है ना। तो समझाने गए हैं कि भैया लद्दाख में ही करेंगे, क्लियर है। तो ये सब करने के लिए हम, मतलब कुल मिला करके हम अपना, ये क्या है, भारत का ऑफिशियल पोजीशन है कि हम लद्दाख में G20 की मीटिंग, नेक्स्ट बहुत सारे मीटिंग्स हम लेह में करेंगे। पहले लद्दाख में तो हो जाए, मतलब, है ना। तो लद्दाख इसलिए क्योंकि अरुणाचल को चीन कहता है कि मेरा क्षेत्र है, लेकिन लेह को नहीं कहता है, क्लियर है। लेकिन उसके आसपास जो विवाद हुआ है, तो हम मैसेज देना चाहते हैं कि भारत का संप्रभु क्षेत्र है,
तो ऐसी स्थिति में हम बहुत ज्यादा विवाद में नहीं जाते क्योंकि चीन अरुणाचल में आने से मना कर देगा, G20 का वो भी मेंबर है तो अरुणाचल में नहीं आएगा क्योंकि वो कहता है कि अपने ही क्षेत्र में क्यों जाएंगे और पासपोर्ट वीजा लगवा करके इंडिया का तो नहीं जाएंगे, है ना। ले तो हमारा है, लद्दाख हमारा है, तो हम एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं। तो ट्रैक वन डिप्लोमेसी का मतलब आप समझ गए, ऑफिशियल पोजीशन, भारत का ऑफिशियल पोजीशन। जैसे हमसे पूछा जाएगा कि रशिया के बारे में क्या मानना है, तो अगर जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो वो एक ऑफिशियल पोजीशन हो गया कि भारत का ये मानना है, और भारत का ये मानना है कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो आप, है ना, हम एब्सटेन करेंगे। आपको पता ही नहीं है कि हम चाहते क्या है, हम क्यों बताएं हम क्यों क्या चाहते हैं, है ना। हम जो भी चाहते हैं हम एब्सटेन करेंगे, क्योंकि एक का भी साथ दिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा, और लड़ाई हमसे पूछ करके नहीं किया हो तो आपस में ही आप करो। तो हम क्या कहेंगे, हम चाहते हैं शांतिपूर्ण सॉल्यूशन। ये भारत का क्या हो गया, ऑफिशियल पोजीशन। इसको हम कहते हैं ट्रैक वन डिप्लोमेसी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी का मतलब होता है पब्लिक ओपिनियन, जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन। ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर के चर्चा करते हैं विदेश नीति पे, है ना। जैसे कुछ इंडिया से बच्चे जाएंगे वो रशिया जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए सपोज मैं रशिया गया था क्योंकि मैं रशिया पे मेरा स्पेशलाइजेशन था, PhD, है ना, रशिया की विदेश नीति पे। तो मैं वहां गया, मान लीजिए कि मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया, उसमें मैंने कुछ पहलू रखा, ये क्या था, पब्लिक ओपिनियन, कि स्टूडेंट्स का मानना ये है या हम इस तरह से सोचते हैं, ये क्या है, पब्लिक ओपिनियन। ये हमारा ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, लेकिन जो रिसर्च नए नए हो रहे हैं उन बातों को जब आप रखते हैं तो भविष्य में वो कई बार पब्लिक ओपिनियन से ऑफिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है। मान लेते हैं कि मैं रशिया गया और रशिया में जो यूनिवर्सिटी थे, है ना, या जो टीचर्स थे, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया या हमारे साथ उन्होंने कहा कि इंडिया के बारे में हम ये सोचते हैं, ये मानते हैं, तो मैंने क्या एक्सचेंज किया, मैंने ये एक्सचेंज किया कि रशियंस इंडिया को हाई रिगार्ड में देखते हैं, तो मुझको मैं उनको कैसे देखूंगा, मैं उनको देखूंगा कि मेरे देश का बहुत सम्मान करते हैं, तो मेरा रिस्पेक्ट उनके प्रति बढ़ जाएगा। ऐसे ही मैं भी उनको अप्रिशिएट करूंगा, यार आप बहुत अच्छे हो, मॉस्को बहुत अच्छा है, आपकी विदेश नीति बहुत अच्छी है, आपने लगातार भारत को 60-70-80 के दशक में सहयोग किया, मैं भी कह दूंगा। वो भी कहेंगे कि यार इंडियन हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में ओवरऑल जो पब्लिक ओपिनियन बनेगा वो ये बनेगा कि रशिया भारत का मित्र है, और रशिया में भारत का ओपिनियन क्या बनेगा कि भारत एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। तो ये जो स्थिति है, ये पब्लिक ओपिनियन क्या है कि दोनों देश एक सहयोगी के रूप में है। ऐसी स्थिति में जो ट्रैक वन डिप्लोमेसी होगा, जो ऑफिशियल्स होंगे, वो इस पब्लिक ओपिनियन के विरुद्ध नहीं जाना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि पब्लिक ओपिनियन का सम्मान करते हुए हम इन देशों के साथ सहयोग करें। जैसे अगर पाकिस्तान भारत पे अटैक कर दे तो भारत में एक स्ट्रांग रिसेंटमेंट होगा, भारत कहेगा कि पाकिस्तान को एक लेसन सिखाया जाना चाहिए, पाकिस्तान को हम बताएं, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक दबाव होगा कि हमको कोई एक स्ट्रांग मैसेज देने की जरूरत है। तो कई बार पब्लिक ओपिनियन विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में वो प्रभाव ठीक भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि कई बार सेंटिमेंट होते हैं, है ना, और इमोशंस के आधार पर जब निर्णय लिए जाएंगे तो चैलेंज होगा। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, है ना। स्टेटमेंट आ रहा था उरी और पठानकोट के समय कि भारत जो है पानी देता है सिंधु घाटी का या सिंधु नदी का, और पाकिस्तान हमारा खून बहाता है, तो खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। पानी को रोक दो, रोकोगे कैसे और रोक के ले जाओगे कहां, है ना। रोक लोगे, चलो रोक लिया, लेकिन ले जाओगे कहां, जम्मू कश्मीर में फ्लड लाना है क्या, क्योंकि उसका डैम तो कहीं पर है नहीं, कोई बड़ा डैम बनाने का अधिकार ही नहीं है सिंधु नदी के जल समझौते के माध्यम से। तो आप कहें कि खून और पानी नहीं बह सकता है, तो पानी को लेके कहां जाओगे। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि पानी को रोकें और पानी से अपने आप को ही फ्लड कर ले, लेकिन इसका कुछ समाधान निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक ओपिनियन हमेशा ठीक नहीं हो सकता है, है ना, क्योंकि कई बार वो सेंटिमेंट से होता है। कुछ उदाहरण आपको देते हैं, इतिहास के पन्नों को निकालते हैं ताकि आप समझ पाए। श्रीलंका और भारत के संबंधों को खराब होने में पब्लिक ओपिनियन की एक बड़ी भूमिका रही। कैसे रही है, अब उसको समझते हैं। आप लोगों ने गवर्नेंस पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, 90 का दशक भारत के राजनीतिक इतिहास में किस काल के रूप में माना जाएगा, रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय पार्टियों के उद्भव विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से है, रीजनल पार्टीज का इमर्जेंस होता है, उस पूरी प्रक्रिया में छत्रप हो जाते, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स और भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है या महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे रीजनल पार्टीज इमर्ज हुए, तमिलनाडु में DMK और AIDMK, है ना।
अब ये दोनों है और तमिल बेस्ड है, या इनका जो वोट बैंक है वो तमिल बेस्ड है, और श्रीलंका में अगर तमिल के विरुद्ध कुछ भी होता है तो ये हल्ला करेंगे, करेंगे कि नहीं? और हल्ला करेंगे और केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि श्रीलंका को लेसन दो, श्रीलंका का विरोध करो, है ना, उसको, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसको क्रिटिसाइज करो। 2004 से लेकर 2009 के बीच में जो यूपीए 1 का सरकार भारत में था, उसमें एआईडीएमके, नहीं मेरे ख्याल से डीएमके, एआईडीएमके, है ना, जयललिता की पार्टी थी या डीएमके की पार्टी थी, जयललिता की पार्टी थी, ठीक है, एआईडीएमके, देख लीजिएगा, डीएमके या एआईडीएमके, दोनों में से एक पार्टी सत्ता का हिस्सा थी, और उस समय यूपीए 1 में जो मेजर पार्टी थी उसके पास मेजोरिटी नहीं था, यानी कि जो रीजनल पार्टीज हैं उसके सहयोग से सत्ता मिली हुई थी या बैलेंस बना हुआ था। ऐसे में अगर जो रीजनल पार्टीज हैं अगर वो निकल जाएं तो सरकार गिर जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार बचाने के लिए उनकी बात माननी पड़ेगी। और इसी काल में, इसी पीरियड में 2005 से लेकर 2010 के बीच में एलटीटी को खत्म किया जाता है श्रीलंका में, प्रभाकरण 2009 में किल कर दिए जाते हैं, और जो राजपक्षे की सरकार है श्रीलंका में, जो राजपक्षे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो कभी प्रेसिडेंट हुआ करते थे 2005 से 10 के बीच में, पहला कार्यकाल था, वो भारत या एलटीटी के विरुद्ध एक्शंस ले रहे थे, और हम तो चाहते थे कि एलटीटी का एक्शन ले, क्योंकि अगर एलटीटी एक तमिल एलम बनाना चाहती थी ना, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, एलम का मतलब है तमिल में एक फ्री कंट्री, एक आजाद देश, तो श्रीलंका में अगर एक आजाद देश बन जाता एलटीटी, तो इमेजिन करिए कि भारत में भी ऐसे जो डिविजिव पावर से वो मजबूत हो जाते, तो भारत तो कभी भी नहीं चाहेगा कि एलटीटी मजबूत हो। और जब एलटीटी के अगेंस्ट में कार्रवाई हो रही थी, तो हम तो चाहते थे कि ऐसा हो ताकि एक नेशन सशक्त रूप में रहे, वो डिवाइड ना हो, और अगर रीजनल या इथनिक लाइंस पे डिवाइड होता है तो ये चुनौती भारत के लिए या भारत की संप्रभुता के लिए फ्यूचर में तो चैलेंज ही होता। तो 2005 से 9 के बीच में एलटीटी को खत्म किया गया, और जो जो तमिल पार्टीज हैं वो लगातार यूपीए 1 या सरकार पे दबाव बना रही थी कि श्रीलंका का क्रिटिसिज्म करिए। इस पूरी प्रक्रिया में हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर श्रीलंका को क्रिटिसाइज किया, इवन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, मानवाधिकार आयोग में जो रिपोर्ट आती है उसका हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उसमें हम लोगों ने श्रीलंका को कहा कि हाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, अकेले में बोल देते, समझा देते कि मत करो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जैसे ही हमने विरोध किया, चीन ने कहा कि नहीं श्रीलंका बहुत अच्छा कर रहा है, श्रीलंका के सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से चुनौती है, श्रीलंका की संप्रभुता के पॉइंट ऑफ व्यू से चुनौती है, तो मानवाधिकार की रिपोर्ट फॉल्स है, ऐसा चीन ने कहा, और हमने क्या पोजीशन लिया कि कर रहा है। राजपक्षे और कहां गए, चीन की तरफ चले गए, उनको लगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत विरोध कर रहा है, तो क्या पब्लिक ओपिनियन हमेशा ठीक हो सकता है? श्रीलंका में जो एक या तमिलनाडु में जो एक स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन बना कि श्रीलंका के अगेंस्ट में कार्रवाई करने की जरूरत है भारत को, और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके ऊपर दबाव था कि लोग जो है, चूंकि वो सत्ता में है, तो चाहते हैं कि श्रीलंका को मैसेज दिया जाए, श्रीलंका को एक लेसन सिखाया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में इस स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन ने भारत श्रीलंका के संबंधों को दूर किया या उसमें चुनौतियां पेश की। तो पब्लिक ओपिनियन हमेशा बेहतर नहीं हो सकता है, इसी को हम कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ठीक है। तो पब्लिक ओपिनियन भी विदेश नीति को शेप देते हैं, उसको निर्धारित करने में एक भूमिका निभाते हैं, और कई बार इमोशंस अगर बहुत स्ट्रांग होते हैं तो पब्लिक ओपिनियन बहुत स्ट्रांग होता है, और ऐसी स्थिति में अगर हम लॉजिकली, तार्किक या रैशनल रूप से उस पर निर्णय ना लें तो कई बार देश के हितों के विरुद्ध जा सकता है। 2005 से 10 के बीच में जो श्रीलंका में हुआ और जो स्ट्रांग रिसेंटमेंट भारत में हुआ, उसका परिणाम आज तक भारत भुगत रहा है, या आज तक हम श्रीलंका को कोशिश कर रहे हैं कि यार हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाए, क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि पब्लिक ओपिनियन हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसी को हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं। और आज के सोशल मीडिया के संदर्भ में, है ना, जो ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जाता है, वैसी स्थिति में पब्लिक ओपिनियन एक स्ट्रांग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है विदेश नीति को। तो ऐसे में सजग होने की जरूरत है कि हमेशा ट्रैक टू डिप्लोमेसी को अगर ट्रैक वन डिप्लोमेसी बनाने की कोशिश करेंगे, तो जैसे स्थिति श्रीलंका के पब्लिक ओपिनियन या श्रीलंका में जो स्थिति 2005 से 10 के बीच में थी, उससे भारत को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, भारत के लिए चुनौती बढ़ी। लेकिन कई बार ट्रैक टू डिप्लोमेसी बेहतर होती है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स जुड़े होते हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्रीज के, अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स होते हैं। और जब हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करने जाते हैं कि क्या हमको आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहिए,
ऐसे में ये जो ट्रैक टू है, जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो बच्चे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने उस पार्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च किया है, उनका विचार ट्रैक वन डिप्लोमेसी को मजबूत करता है कि क्या हमको मुक्त व्यापार समझौता चीन से करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना है। तो ट्रैक वन डिप्लोमेसी क्या हो गई? चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं होगा। क्लियर है? क्या आशियान के साथ मुक्त व्यापार होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए। सारे गुड्स में नहीं होना चाहिए, एसेंशियल गुड्स में, या एक लिस्ट होना चाहिए, है ना। पाम ऑयल, भारत में पाम की भी खेती है, होती है, और जो किसान पाम ऑयल की खेती करते हैं उनका प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, तो अगर हम इसमें मुक्त व्यापार कर दें तो भारत में पाम इंडस्ट्री क्रैश कर जाएगी। तो ऐसे में हमको इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स बोलते हैं ऐसा, भारत सरकार उसको मानता है। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी ट्रैक वन डिप्लोमेसी को प्रभावित करती है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। क्लियर है? इसके अलावा एक और शब्द है, उसका नाम है ट्रैक 2.5 डिप्लोमेसी। ठीक है, ये क्या है? ट्रैक 2.5 की डिप्लोमेसी, मतलब एक ऐसा मंच जिसमें ट्रैक 2 के अनऑफिशियल पोजीशन पे एक्सपर्ट्स हैं और साथ ही साथ उस मंच में ऑफिशियल्स भी हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी नहीं है एक्सपर्ट की कैटेगरी में है, अनऑफिशियल पोजीशन पे है। ये दोनों एक मंच बनाए और किसी मुद्दे पे लगातार विचारों को साझा करते रहे, तार्किक रूप से, लॉजिकल तरीके से। अगर ट्रैक 2.5 डिप्लोमेसी को आप प्रभावी रूप से, यानी कि एक्सपर्ट्स को आप इंगेज करें, है ना, ऑफिशियल्स के साथ, तो ज्यादा प्रभावी रूप से ट्रैक वन डिप्लोमेसी बनाई जा सकती है, और ज्यादा बेहतर और ज्यादा अपडेटेड और ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि इनडेप्थ एनालिसिस किसी चीज का हो सकता है। क्लियर है? इसको कहा जाता है ट्रैक 2.5 की डिप्लोमेसी। तो ट्रैक 1, ट्रैक 2 और ट्रैक 2.5, तो ये जो है ट्रैक 2 और ट्रैक 2.5, ये पब्लिक ओपिनियन के दायरे में आएगा, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं, बातों को रखते हैं। जैसे आप जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो हमेशा जयशंकर ही आर्टिकल नहीं लिखते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो अपनी बात को लिखते हैं, आप उनको पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के बाद आप सोचते हैं कि इस बात को मैं लिखूं या नहीं लिखूं, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल पढ़ेंगे वो कहेंगे कि नहीं, भारत को रशिया पे अटैक कर देना, रशिया का भारत को विरोध करना चाहिए, है ना, यूक्रेन के युद्ध में हमको खुल करके अमेरिका का समर्थन करना चाहिए। कुछ ऐसे भी आर्टिकल, कुछ ऐसे भी स्कॉलर आपको मिलेंगे, और कुछ कहेंगे कि नहीं, भारत को यही चीज मेंटेन करनी चाहिए। तो दो विपरीत धुरी हो गई, एक कह रहा है कि अमेरिका के साथ खड़े हो जाए, और एक कह रहा है कि नहीं, जो स्थिति है रशिया के साथ ही बने रहो। ऐसे में आप अपने आंसर में क्या इंक्लूड करेंगे? तो आपको ऑफिशियल पोजीशन लेना है, लेकिन सुझाव में दोनों के बातों को इंक्लूड किया जा सकता है, कि आपसे पूछे सजेशन क्या होगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या दिया जा सकता है, तो कुछ सॉल्यूशन इधर से, कुछ सॉल्यूशन इधर से, यानी कि आपसे सुझाव मांग रहा है। तो ट्रैक 2.5 डिप्लोमेसी, ऑफिशियल पोजीशन में सुझाव, और अनऑफिशियल पोजीशन में जो एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है उन बातों को आप इंक्लूड कर दें, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सजेशन मांगा है ना कि क्या करें जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो क्या करें का मतलब है कि अभी वो ऑफिशियल पोजीशन नहीं हुआ है, सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए। तो ये क्या है? ट्रैक 2.5 की डिप्लोमेसी। क्लियर है? तो क्या पब्लिक ओपिनियन विदेश नीति को शेप करती है? करती है। कुछ उदाहरणों से तो ये तय हो गया, उदाहरणों की कमी नहीं होगी, खूब सारे उदाहरण होंगे, मतलब उसकी चर्चा आने वाले समय में बनेगा। बस ट्रैक 1 क्या होता है, ट्रैक 2 क्या होता है, ट्रैक 2.5 क्या होता है, ये समझ गया, क्लियर हो गया। अब ट्रैक 2 में केवल और केवल अनऑफिशियल, जैसे कि प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, और कहीं पर कोई एक यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर हो रहा है ना, कि भारत रशिया रिलेशंस, उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग टॉपिक के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स नहीं है, है ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन वो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कि इसका मतलब है कि वो अपनी बातों को रख रहे हैं अलग अलग मंचों पे। ये क्या है? पब्लिक ओपिनियन है ना, वो सरकार की नीति का सेम पोजीशन नहीं ले रहे हैं, वो अपनी बात को मुक्त होकर के रख रहे हैं। ये क्या है? ट्रैक टू डिप्लोमेसी। आप किसी सोशल मीडिया के मंच से भारत रशिया रिलेशंस के बारे में लिखते हैं, पर्सनल कैपेसिटी में लिखते हैं, ऑफिशियल पोजीशन के माध्यम से नहीं लिखते, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो ट्रैक 2.5 डिप्लोमेसी में ऐसा हो सकता है, एक ऐसा मंच, एक ऐसी मीटिंग या एक ऐसा कॉन्फ्रेंस जिसमें अनऑफिशियल्स भी हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स नहीं है,
पर्सनल कैपेसिटी में अपने विचार को रख रहे हैं, एक्सपर्ट हैं उस टॉपिक के तो अपनी बात को रख रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है। सिंगापुर या आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता उद्योग में होना चाहिए, एग्रीकल्चर में होना चाहिए, तो अपनी बात को रख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोजीशन नहीं। और वहां पर कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स भी हैं, वो उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको लगता है कि बड़ी तार्किक बात है, बड़ी लॉजिकल बात है, तो यहां पर बड़ी जल्दी अनऑफिशियल पोजीशन ऑफिशियल तक पहुंच जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर इनकी बात बेहतर होगी, तार्किक होगी, तो ऑफिशियल्स उन पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद उसको ट्रैक वन डिप्लोमेसी का हिस्सा बना लेंगे, मतलब भारत उसको अपना ऑफिशियल पोजीशन बना लेगा। तो ट्रैक 2.5 डिप्लोमेसी होनी चाहिए। और खास करके आज के संदर्भ में जब इंडिया सशक्त भारत की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में पब्लिक ओपिनियन और खास करके इन्फॉर्म्ड पब्लिक ओपिनियन, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके विचारों को हमको इंक्लूड करें, और करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से स्पेशलाइज, ज्यादा गंभीरता के साथ विदेश नीति बनाई जा सकती है। 2.5 पूछिए, एक बार और बोलिएगा यार। हाँ देखिए, ऐसे नहीं, अब ये सब चर्चा नहीं करना है, ठीक है। ये जैसे किसी के बारे में या किसी पार्टिकुलर उसके बारे में कि कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो है क्या विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने में तो महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे भारत अगर चाहता है, जैसे मैंने कहा था कि अगर हम दुनिया के देशों के साथ सहयोग करेंगे तो सॉफ्ट पावर का सहयोग, सॉफ्ट पावर का मतलब है कि आर्थिक रूप से सहयोग करें, तो आर्थिक रूप से सहयोग करने में या तो भारत सरकार स्वयं किसी दूसरे देश में जाए, वहां ऋण दे, वहां निवेश करे, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अपने कॉर्पोरेट्स को कहे कि आप जाइए वहां पर जाकर के निवेश करिए। अफ्रीका में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निवेश ज्यादा नहीं है, अफ्रीका में इंडिविजुअल्स का निवेश ज्यादा है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने सबसे ज्यादा निवेश किया है, सरकार के द्वारा निवेश कम है। तो वैसे स्थिति में अफ्रीका में अगर भारत की छवि बेहतर है, बॉक्सर मोटरसाइकिल ध्यान है, बॉक्सर एक आता था, बॉक्सर है ना, अफ्रीका में बॉक्सर बहुत पॉपुलर है, आज हीरो का होता था ना बॉक्सर, किसका था बॉक्सर, हाँ बजाज का, बजाज टीवीएस और ये क्या नाम है हीरो, इन तीनों के मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा अफ्रीका में बिकते हैं। चाइना ने बहुत कोशिश किया कि मैं अपना बाइक यहां पर बेच लूं, लेकिन सबसे ज्यादा इंडियन बाइक्स आपको अफ्रीका में मिलते हैं, सबसे ज्यादा। इसका मतलब है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहां पर ज्यादा है, और चाइना से बहुत सारे दुनिया के देश कंपीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा ऑटोमोबाइल का सेक्टर जो है वो चाइना से प्रभावी रूप से अफ्रीका में कंपीट कर रहा है। हर आदमी के हाथ में या तो हीरो का, नहीं तो टीवीएस का, और नहीं तो बजाज का बाइक है वहां पर, मतलब अफ्रीका में मैक्सिमम जो है इंडियन बाइक से सेल होती है। तो भारत की छवि उससे मजबूत हो रही है, इंडियन प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, यानी कि भारत का आर्थिक रूप से भी प्रभाव बढ़ा है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली कॉर्पोरेट हाउसेस भारत के हितों को आगे बढ़ाने में और विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के आर्थिक हितों को बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं। क्लियर है, इस तरह से उसको चर्चा करना है आगे। अब इसको छोड़ दीजिए, लेटरल एंट्री अब बाद में चर्चा करेंगे, इसी के इर्द गिर्द रहते हैं, ठीक है। चलिए, पब्लिक ओपिनियन क्लियर हुआ, यानी कि पब्लिक ओपिनियन भी विदेश नीति को एक दिशा दे सकता है। मतलब मैंने बस कुछ उदाहरण आपको दिए हैं, लेकिन मैं बस ये चाहता था कि आप ट्रैक वन शब्द समझ जाएं, ट्रैक टू सब समझ जाएं और ट्रैक 2.5 समझ जाएं। तो आप अपने आंसर में ट्रैक वन लिख सकते हैं, है ना, ऑफिशियल ऑफिशियल मिले तो ट्रैक वन, अनऑफिशियल पोजीशन में मिले तो ट्रैक टू, और ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों मिले तो ट्रैक 2.5 के डिप्लोमेसी। तो कई जगह पे सुझाव आ सकता है ना, कि जहां पर अगर दोनों देशों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रिजोल्व नहीं हुआ है, तो आप वहां सुझाव दे दें कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे बल दिया जाए, मतलब लोगों को आपस में पास लाया जाए, सहयोग उससे बढ़ेगा, छवि बेहतर होगी। ट्रैक 2.5 की डिप्लोमेसी पे बल दिया जाए, ऑफिशियल अनऑफिशियल इन दोनों को आपस में डिबेट डिस्कशन उसका हिस्सा बनाए, उससे भी पब्लिक ओपिनियन शेप होगा। दे सकते हैं ना बहुत सारे मुद्दों पे, मतलब जब जरूरत पड़ेगा तो सुझाव दिया जा सकता है। जहां पर रास्ता नहीं निकल रहा हो, हमारे एक ऑफिशियल गए, उनके एक ऑफिशियल आए और आपस में एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोल करके चले आए, या गए और ऐसे क्रॉस करके चले गए, बात तक नहीं किए, तो इसका मतलब है कि ट्रैक वन डिप्लोमेसी काम नहीं कर रहा है। तो ट्रैक टू 2.5 पे आगे बढ़ जाओ, क्योंकि रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा। क्लियर है, तो वहां पर आपको कभी ट्रैक वन, कभी ट्रैक टू, कभी ट्रैक 2.5 डिप्लोमेसी जैसे शब्दों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब क्या कुछ एक दो मुद्दे और आपके सामने रखते हैं, कि क्या देश में कि
आर्थिक स्थितियां या देश के आंतरिक जो स्थितियां हैं क्या वो भी विदेश नीति को प्रभावित करती हैं? तो डेफिनेटली प्रभावित करती हैं। जो हमारी आर्थिक स्थिति या देश के जो आंतरिक समस्याएं होती हैं उनके अनुसार हमारी विदेश नीति तय होती है। क्लियर है? आज हम फ्रांस से, इसराइल से हथियार मंगा रहे हैं और जिस दिन हमारा खुद का इंडिजनाइजेशन हो जाएगा, डिफेंस के एक्सपोर्टर हो जाएंगे, हम क्यों मंगाएंगे इसराइल से? हम क्यों मंगाएंगे यूएस से? तो हम क्या चाहते हैं? हम डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग पे बल देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले देख तो लें कि बेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, इसराइल को कहते हैं कि आप हमको सामान दो लेकिन इसका 20% भारत में बनेगा। फ्रांस को क्या कहते हैं कि आप हमको सामान दीजिए लेकिन 20-25% भारत में बनेगा, ताकि हमारा टेक्निकल स्किल नो हाउ बढ़े, ताकि भारत हमेशा इंपोर्टर नहीं बनना चाहता है, हम डिफेंस के मेजर एक्सपोर्टर भी बनना चाहते हैं। अपनी जरूरतों के लिए इसराइल की तरफ या यूएस और रशिया की तरफ नहीं देखना चाहते, हम अपनी जरूरतों को स्वयं भी पूरा करना चाहते हैं। जो देश अपनी सुरक्षा को स्वयं पूरा ना कर पाए, चाहे वो कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो देश लॉन्ग टर्म में कभी भी मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड नहीं बन सकता है। दुनिया की किसी भी मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड को देखें, डिफेंस के मामले में वो आत्मनिर्भर है, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। यूएस को कहें कि वो मेजर डिफेंस का इंपोर्टर है तो नहीं, रशिया को कहें कि मेजर डिफेंस का इंपोर्टर है तो नहीं। इसराइल वेस्ट एशिया में लगातार खड़ा है हार्ड पावर के कारण, क्या वो डिफेंस का मेजर इंपोर्टर है? तो नहीं, मेजर एक्सपोर्टर है। तो कहने का मतलब है कि अगर मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड आपको बनना है तो आपको अपने डिफेंस की कैपेबिलिटीज को इनहेंस करना पड़ेगा, उसको बेहतर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि देश की आंतरिक स्थितियां जो है आपकी विदेश नीति को शेप देती हैं। आज हमको जरूरत है तो इसराइल से 40% इसराइल के जीडीपी का जो साइज है या इसराइल का जो डिफेंस का बजट है उसमें अगर वो 100 रुपए का दुनिया भर में सामान बेचता है डिफेंस का, तो 40 रुपए केवल भारत को बेचता है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमेशा 40 रुपए का मुझे बेचता ही रहे, हम चाहते हैं कि हम इसको धीरे धीरे करके कम कर दें, वो स्वयं बनाने लग जाए। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में हो सकता है कि भारत और इसराइल के बीच में आफ्टर 10 इयर्स, 15 या 25 इयर्स के बाद डिफेंस के मामलों में भारत और इसराइल का ऐसा संबंध ना रहे, है ना, हम किसी और आयामों में सहयोग करें लेकिन डिफेंस में हम आत्मनिर्भर हो जाएं। तो जो हमारा इंटरनल स्थिति है वो हमारी विदेश नीति को तय करता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण पहलू है आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक स्थिति या आर्थिक स्थितियां। 1991 से पहले एक भारत क्लोज्ड इकोनॉमी था, अर्थव्यवस्था में आपने पढ़ा होगा, है ना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति पे काम करते थे, ना मंगाना पड़े, है ना, ताकि भारत का फॉरेक्स रिजर्व बाहर ना चला जाए, तो हम उसी चीज को अपने देश में बनाने की कोशिश करते थे। क्लियर है? लेकिन 90 के दशक में जो भारत के सामने आर्थिक संकट आया, उस आर्थिक संकट में आईएमएफ ने हमारे सामने कंडीशन रखा कि हम तभी आपका सहयोग करेंगे जब आप अपने इकोनॉमी को ओपन करेंगे, लिबरलाइजेशन की नीति, आप प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करेंगे और वैश्वीकरण की तरफ यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होंगे। इसी को हमने एलपीजी का मॉडल कहा। तो हमने इस नीति को क्यों माना? क्योंकि देश के सामने आर्थिक संकट था, हमारे पास पूंजी नहीं थी, 14 डेज तक कभी आयात का हमारे पास पैसा नहीं था, तो हमने इन नीतियों को माना। तो हमको क्या करना पड़ा, अपने देश में कुछ आर्थिक रिफॉर्म करने पड़े। नरसिम्हन 1, नरसिम्हन 2 पढ़ा होगा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब हमने ये रिफॉर्म किया, यानी कि हम कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को ओपन करेंगे, बैंक भी, फॉरेन बैंक भी आ सकते हैं, प्राइवेट बैंक भी होंगे। हमने प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति को आगे बढ़ाया, तो चलिए हमने बढ़ाया इसको। लेकिन हमको ये भी तो सोचना पड़ेगा कि अगर हम इस नीति में आगे बढ़ रहे हैं तो किन देशों के साथ सहयोग करें, क्योंकि जब आप अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन कर रहे हैं और किसी मजबूत और सशक्त देश के साथ आपने अर्थव्यवस्था को ओपन कर लिया, तो वो देश तो आपके देश में सामान से आपको पाट देगा, यानी कि देश केवल इंपोर्ट करता हुआ रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं या लिबरलाइज कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को और वैश्वीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना उन देशों से सीखें, उन देशों को चुने जो कभी भारत की तरह ही थे। भारत जैसे आजाद हुआ और जब भारत की स्थिति 47 में थी, उन देशों की भी स्थिति कुछ वैसी हो, और लेकिन उन देशों ने इसी एलपीजी के मॉडल को भारत से पहले अपनाया हो और उसी रास्ते पे चलते हुए वो सक्सेस स्टोरी बने, सफलता की राह पे आगे बढ़े। अगर हम उन देशों को चुने, उन देशों को साधें, उन देशों के साथ सहयोग करें, तो ज्यादा संभावना है कि हम भी एलपीजी के मॉडल को प्रभावी रूप से लागू कर पाएंगे, उससे सफल हो पाएंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में जब 1991 में एलपीजी का मॉडल आया, तो हमको देखना पड़ा कि चलो सिंगापुर की तरफ देखते हैं, इंडोनेशिया की तरफ देखते हैं, थाईलैंड की तरफ देखते हैं, फिलीपींस की तरफ देखते हैं।
क्योंकि इन देशों ने एलपीजी के मॉडल को 1967 में मान लिया था, और 1967 से लगातार इस मॉडल पे चलते हुए ये देश आज टाइगर इकोनॉमी कहलाते हैं, या 90 के दशक में टाइगर इकोनॉमी कहलाते थे, एशिया के टाइगर इकोनॉमीज, तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। तो हमने क्या देखा कि ये देश उसी समय आजाद हुए जब भारत आजाद हुआ, थाईलैंड को छोड़ करके, वो कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा, तो इन देशों के साथ सहयोग करते हैं। तो हमारी विदेश नीति में क्या परिवर्तन हुआ, इस आर्थिक नीति ने पूरब को या पूर्व को भारत के लिए महत्वपूर्ण बना दिया। इसी को कहा गया पूरब की तरफ देखो की नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी। तो 90 के दशक में भारत लुक ईस्ट, पूरब की तरफ देखना शुरू करता है। उसका मूल कारण है एलपीजी के मॉडल को अपनाना और इन देशों के द्वारा एलपीजी के रास्ते पे ऑलरेडी पिछले 25-30 सालों में चलना, 67 से 70 या पूरा 70, 80 और 90 या 90 का मिड, तो लगभग 20-25 साल का इन देशों का अनुभव है। अगर हम इनके साथ जुड़ेंगे तो ये हमारी स्थिति को समझते हैं, हम भी धीरे धीरे करके अपनी इकोनॉमी को इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और हम भी इस टाइगर इकोनॉमी की तरह तेजी से आगे बढ़ेंगे। और ये प्रूफ भी हुआ कि इस लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से हमने इन देशों से जो सीखा और प्रभावी रूप से जो अपने एलपीजी के मॉडल को साधा, लागू किया, उसका प्रभाव हमको आफ्टर 2001 नजर आता है। शाइनिंग इंडिया या इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ा, 7% 8% के रेट से हमारी अर्थव्यवस्था 2001 से 2008 के बीच में बढ़ती है। यानी कि 8-10 सालों में जो हमने मेहनत किया, एलपीजी के मॉडल को अपनाया, रिफॉर्म किए और कैलिब्रेटेड तरीके से रिफॉर्म किया, उसका हमको एक बेहतर रिजल्ट 2001 से 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले नजर आता है। क्लियर है? अब इसमें एक दो बातों को आपको बताते हैं, क्या इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट है, क्या फुल्ली कन्वर्टेबल है? चालू खाता और पूंजी खाता होता है ना, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो क्या हम फुल्ली कन्वर्टेबल है कि कोई भी अपना फॉरेक्स रिजर्व जब लाए ले आए और जब ले जाना चाहे ले जाए? करंट अकाउंट में है, कैपिटल अकाउंट में नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है? क्यों नहीं है मालूम है? ये हमने कैसे निर्णय लिया? ये निर्णय हमने इन्हीं देशों से, थाईलैंड से सीखा, सिंगापुर से सीखा। 1997 में इन देशों में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, इसको एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस कहा जाता है। ये देश फुल्ली कन्वर्टेबल है। फुल्ली कन्वर्टेबल मतलब है कि चालू खाता तो कन्वर्टेबल है ही, पूंजी खाता भी, कैपिटल अकाउंट में भी जब पैसा लाना है लाइए और जब ले जाना है वापस ले जाइए। एक छोटा सा संकट आया इनके सामने और ऐसा लगा कि ये देश क्रैश होने वाले हैं, सारा पूंजी खाता से पैसे या फॉरेनर्स अपने चीजों को निकाल करके, केवल एक पैनिक के सिचुएशन से ये पूरी की पूरी इकोनॉमी स्लैश कर गई, क्रैश कर गई। इसका मतलब है कि हमने क्या सीखा कि छोटा सा भी एक सिचुएशन जो है एक बड़े संकट को जन्म दे सकता है, हमको फुल्ली कन्वर्टेबल होने की जरूरत नहीं। हमने अनुभव से सीखा, या कि इन देशों की तरफ जो हम आगे बढ़े तो हमने सीखा कि अर्थव्यवस्था को कंप्लीटली ओपन करने की जरूरत नहीं है, पार्शियली ओपन रखो। फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं बनाओ, पूंजी खाते में तो मत बनाओ, चालू खाते में बना लो। आज भी हम उसी पे हैं, हम सोचते हैं कि करना चाहिए लेकिन अभी वह स्थिति नहीं है। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में आपने इकोनॉमी में चर्चा किया होगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो आर्थिक स्थितियां हैं आपकी नीति को तय करती है, आपकी विदेश नीति को तय करती है, उसको दिशा देती है। तो हम जो हमारी स्थिति थी, आर्थिक स्थिति 391 में हमने नेहरू और महलनोविस मॉडल को माना, हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति पे आगे बढ़े। लेकिन आफ्टर 1991 हम आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हमको पूरब की तरफ भी देखने की जरूरत है। 1991 से पहले हमारा एक ही मित्र था, मेजर पावर, वो था रशिया या सोवियत संघ। लेकिन 1991 में वो भी बिखर जाता है। तो हम सोचते हैं, देखिए भारत में जो स्पेस है या स्पेस का डेवलपमेंट है या जो न्यूक्लियर का डेवलपमेंट है या जो मिसाइल का डेवलपमेंट है, उसमें सोवियत संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सोवियत संघ ने इन सारे सेक्टर्स में लगातार भारत के साथ सहयोग किया है। तो एक देश भारत को स्पेस के मामले में, डिफेंस के मामले में, या मिसाइल के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या न्यूक्लियर के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बहुत कुछ सिखा सकता है, लर्न कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, तो इमेजिन करिए कि दुनिया में अमेरिका भी है, इसराइल भी है, जापान भी है, बहुत सारे, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, अगर इन देशों के साथ भी अगर हम सहयोग किए होते इस दशक में, तो भारत की गति या प्रगति का दर और भी तेज होता। तो ऐसे में क्या हमको केवल एक देश के साथ अलाइनमेंट करना चाहिए या बहुत सारे देशों के साथ सहयोग करने की नीति पे आगे बढ़ना चाहिए? तो 91 में हमने कहा कि केवल एक देश पे निर्भर नहीं रहेंगे, मल्टी अलाइनमेंट। नन अलाइनमेंट किसमें बदल जाता है? मल्टी अलाइनमेंट।
यानी कि 90 के दशक का भारत कहता है कि हमको अमेरिका से भी सहयोग करना है, हमको जर्मनी से भी, ब्रिटेन से भी, फ्रांस से भी, हमको रशिया के साथ भी, हमको इसराइल के साथ भी। इसराइल से हमने 40 साल तक डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित नहीं किया है, 1947 से लेकर के 40-50 साल तक। 92-93 में दोनों के बीच में एम्बेसी लेवल पे, या दिल्ली में इसराइल की एम्बेसी स्थापित हुई और तेल अवीव में भारत की एम्बेसी स्थापित हुई, क्योंकि हम हमेशा इसराइल को पश्चिमी एशिया के चश्मे से देखते रहे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, मल्टी अलाइनमेंट, हम इसराइल के साथ भी सहयोग करेंगे, हम सऊदी अरेबिया के साथ भी सहयोग करेंगे, हम ईरान के साथ भी करेंगे, ताकि हम प्रभावी रूप से भारत के विकास को आगे बढ़ा पाए। तो 91 का जो, या पोस्ट 91 का जो भारत है, वो मल्टी अलाइनमेंट का भारत है, कि हम दुनिया के हर देशों की तरफ आगे बढ़ेंगे, उनसे सहयोग करेंगे, लर्न करेंगे। क्यों? आर्थिक स्थितियों ने हमको बताया कि केवल एक देश पे निर्भर नहीं रही है ना, एलपीजी का मॉडल है, और कह ही रहे हैं कि वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण में किसी एक देश को क्यों चुने, दुनिया के अन्य देशों की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। तो उस तरह से भारत आगे बढ़ता है ना। तो आर्थिक स्थितियां कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति को तय करती है। बाकी कुछ मुद्दों की चर्चा 60-70 के दशक जब चर्चा करूंगा भारत की विदेश नीति की, तो वहां पर चर्चा करूंगा। तो यहां कुछ समझदारी बनी कि भारत की विदेश नीति में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, उसमें से आर्थिक स्थिति भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पब्लिक ओपिनियन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, भौगोलिक कारण हमारी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, इतिहास और परंपरा हमारी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, इसके अलावा आर्थिक स्थितियां हमारी विदेश नीति को प्रभावित करती हैं, वैचारिक कारण हमारी विदेश नीति को, जैसे कि गुट निरपेक्षता ने हमको कहा कि दोनों ध्रुवों से दूर रहो, हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो एक विचार है ना, इसने हमारी विदेश नीति को प्रभावित किया। और भी बहुत सारे विचार हैं, चर्चा करेंगे 60-70 के दशक की जब चर्चा करेंगे। नेतृत्व की प्रकृति, नेचर है ना, कि जो नेतृत्व की प्रकृति का मतलब है कि शुरुआती दौर में भारत संकट की स्थिति में था, 47 में जस्ट हम आजाद हुए थे, ऐसी स्थिति में हमको एक ऐसे लीडरशिप की जरूरत थी, या एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो विजनरी हो, जो दूरदृष्टि का हो, या मतलब वो आगे के बारे में एक विजन रखता हो। ये वही व्यक्ति हो सकता है जो ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा हो, जिसने बेहतर तरीके से रिसर्च किया हो, जितना बेहतर रिसर्च होगा उतना बेहतर प्रेडिक्शन होगा, है ना। मॉनसून के बारे में आपने पढ़ा है ना, उसकी एक समझ बनाई है, जब भी न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे तो उसको पढ़ करके एक समझ बनती होगी कि इस महीने मॉनसून बेहतर रहेगा या कैसा रहेगा, नॉर्मल रेनफॉल चल रहा है या कैसा चल रहा है। रेनफॉल अभी नॉर्मल है, 10% ज्यादा या कम अगर होता है ना लॉन्ग टर्म एवरेज का, तो उसको नॉर्मल रेनफॉल कहा जाता है। तो मॉनसून इस साल नॉर्मल रहने की संभावना है या एबनॉर्मल रहने की संभावना है? एबनॉर्मल, पढ़ रहे हैं आप लोग, एबनॉर्मल लिखा होता है, नॉर्मल एल नीनो का साल है कि ला नीना का साल है? ये वाला साल एल नीनो का है या ला नीना का है? ला नीना का है, पक्का पढ़े नहीं है, है ना, ला नीना का ईयर है, ला नीना मजबूत है इस साल, यानी कि पेरू की धारा ज्यादा मजबूत है। अगर पढ़ेंगे तो ला नीना का जिस साल होता है उस साल भारत में मानसून मजबूत होगा कि कमजोर होगा? मजबूत होगा। तो इस साल मतलब जुलाई अगस्त के महीने में वर्षा होने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि ला नीना का फेज है। तो लॉन्ग टर्म एवरेज में भारत का रेनफॉल नॉर्मल ही रहने की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि पेरू की धारा अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो ला नीना पढ़ते ही आप चिंता से दूर हो गए, घबराने की जरूरत नहीं, वर्षा तो होगी, सूखा नहीं पड़ेगा, ज्यादा वर्षा भले ही हो जाएगी क्योंकि ला नीना है तो ज्यादा वर्षा हो जाएगी, लेकिन सूखा नहीं पड़ेगा, सूखे की स्थिति नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब यह है कि नेतृत्व जो है, लीडरशिप आता है विजन से, और विजन आता है नॉलेज से, क्लियर है। तो जरा सोच करके देखिए, जब भारत शुरुआती दौर में था तो 47 से 62 के बीच में हमारे, या 64 तक, 47 से 64 के बीच में प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर एक ही व्यक्ति है ना, मतलब जो प्रधानमंत्री है वही फॉरेन मिनिस्टर भी है, यानी कि एक स्टेबिलिटी मिलता है भारत को कि 14 और 17 सालों तक लगातार एक ही प्रधानमंत्री और एक ही विदेश मंत्री रहता है, यानी कि कंटिन्यूटी एक तरह से। तो नेतृत्व की प्रकृति में अगर विजन आपके पास नहीं है तो चुनौती होगी। मैं कुछ उदाहरणों की चर्चा आपसे करता हूं, है ना। लोकतंत्र में व्यक्ति मजबूत होता है या संस्थाएं मजबूत होती हैं?
लोकतंत्र में व्यक्ति का मजबूत होना ज्यादा जरूरी है, संस्थाओं का मजबूत होना ज्यादा जरूरी? संस्थाएं, व्यक्ति ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो संस्थाओं की इज्जत नहीं करेगा या संस्थाओं को कॉम्प्रोमाइज करेगा। इसलिए संस्थाएं, रूल्स या रूल ऑफ लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, मतलब कानून का शासन हमेशा महत्वपूर्ण होता है। और संस्थाएं अगर कानून के दायरे में काम करें तो लोकतंत्र सशक्त रहता है, मजबूत रहता है। लेकिन अगर कोई एक इंडिविजुअल हाईजैक कर ले या संस्थाओं को कॉम्प्रोमाइज कर दे, रूल रेगुलेशन के हिसाब से ना चले, तो लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं उन पे सवाल उठने लगता है। और लोकतंत्र में संस्थाएं इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है। अब जरा सोच करके देखें, मतलब इस तर्क से तो सहमत है ना कि संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है ना, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कानून व्यवस्था, रूल्स लॉ, संविधान, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और अगर सब लोग उससे बंधे होंगे तो इश्यूज जनरेट नहीं होंगे, बहुत बेहतर तरीके से लोकतंत्र सशक्त होगा, मजबूत होगा और स्मूथली फंक्शन करेगा। तो अब इसको जरा, इस कॉन्सेप्ट को जरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करके देखें कि दुनिया में गरीब से गरीब देश भी हैं और दुनिया में मजबूत से मजबूत देश भी हैं। अब अमेरिका जैसे देश हैं जिसके जो सबसे मजबूत है ना, उसको कौन कंट्रोल करे? उसको नियमों से बांधेंगे तभी कंट्रोल होगा, नहीं तो उसका मनचाहा तरीके से अगर चलने लग जाए तो किसी भी देश को शांति से नहीं रहने देगा, अपने हितों के अनुरूप हर नीतियों को तय करने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में दुनिया के छोटे छोटे देशों की तो हालत खराब हो जाएगी, और जो भारत जैसे मिडिल पावर हैं उनको हर समय धमकाएगा, करो नहीं तो ये कर देंगे, करो नहीं तो ये कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में हर चीज के लिए, हर इश्यूज के लिए, व्यापार के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए, दुनिया में कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, न्यूक्लियर का कोई इशू हो जाए, इन सब के लिए कोई एक देश अपनी बात मनवाने की कोशिश करे तो ऐसी स्थिति में संकट की स्थिति होगी। तो ऐसे में संस्थाओं का मजबूत होना जरूरी है, इंस्टीट्यूशंस का मजबूत होना जरूरी है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मजबूत होंगी तो नियम आधारित विश्व व्यवस्था बन सकती है, जिसको कहा जाता है रूल बेस्ड ऑर्डर, कि दुनिया में कोई बड़ा देश हो, दुनिया में कोई छोटा देश हो, दुनिया में कोई बड़ा देश हो या दुनिया में कोई छोटा देश हो, अगर उन सबको बराबर या सहमति के माध्यम से निर्णय लेना है तो संस्थाओं को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो नेतृत्व की प्रकृति में जो भारत में जो प्रधानमंत्री शुरुआती दौर में है ना, नेहरू जी, वो देश के विदेश मंत्री भी, उनका संस्थाओं पे एक सशक्त विश्वास था कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए। तभी जब 24 अगस्त 1945 को यूनाइटेड नेशंस बनता है तो भारत उस समय आजाद नहीं हुआ है, लेकिन हम उसके फाउंडर मेंबर हैं। हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सशक्त हो, हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न बॉडीज सशक्त हो, नियम आधारित एक विश्व व्यवस्था बने। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं क्रिएट हो रही हैं, है ना, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बन रही हैं, भारत उसका हिस्सा बनता है, भारत उसमें सहयोग करता है। क्योंकि भारत जैसे देशों को अगर अपने हितों को साधना है तो नियम आधारित विश्व व्यवस्था से ही साधा जा सकता है, नहीं तो दुनिया के देश येन केन प्रकारेण अपने हितों के अनुसार दुनिया के देशों का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि भारत एक मिडिल पावर है, आज भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि रूल बेस्ड ऑर्डर को वो आगे बढ़ाए। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सशक्त बनाने, उनका रिफॉर्म करने में लगातार फोकस करते हैं कि 1950 या 40 के दशक में जो संस्थाएं बनी थी आज की जरूरतों को पूरा नहीं करती। तो आज की जरूरतों को पूरा करना है तो वैसी स्थिति में इन संस्थाओं में रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो भारत रूल बेस्ड ऑर्डर पे चलता है। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि लीडरशिप को मालूम था कि हम एक मेजर पावर दुनिया के नहीं है, हम मिडिल पावर है, हम गरीब देश है। ऐसी स्थिति में कोई भी देश हम पे या हमारे हितों के विरुद्ध जा सकता है। ऐसी स्थिति में रूल बेस्ड ऑर्डर का होना जरूरी है। इसलिए भारत लगभग लगभग हर जो भी संस्थाएं बनती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका भारत मेंबरशिप लेता है, भारत उसका मेंबर बनता है, उसको प्रमोट करता है, उसको आगे बढ़ाता है। इसी पूरी प्रक्रिया में कश्मीर विवाद की चर्चा आपसे करेंगे। इसी ट्रैप में हम फंस गए थे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अगर ये समाधान निकाल देगी तो और मजबूत हो जाएगी, तो देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे आगे। तो नेतृत्व की प्रकृति जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एक उदाहरण नेहरू जी का, मतलब एक आदर्शवादी है, आइडियलिज्म है उनमें, एक आदर्श है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, कैसी है उनसे लेना देना नहीं है, कैसी होनी चाहिए, है ना। और कैसी होनी चाहिए उसके लिए रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए। तो इस पूरी प्रक्रिया में इसी आदर्शवाद ने भारत को पंचशील दिया, क्योंकि पंचशील एक आदर्श है, है ना। इसी आदर्शवाद ने भारत को गुट निरपेक्ष दिया कि हमको ना इस गुट का हिस्सा बनना है ना हमको इस गुट का हिस्सा बनना है,
हमको एक दुनिया में एक बेहतर स्थिति चाहिए, इन दोनों स्थितियों से एक बेहतर विश्व व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कल्पना की कि ऐसी विश्व व्यवस्था होनी चाहिए। आदर्शवाद ने दुनिया को बेहतरीन चीजें दी है, इसी आदर्शवाद ने पंचशील दिया, इसी आदर्शवाद ने शांति का सिद्धांत दिया, इसी आदर्शवाद ने गुटनिरपेक्ष की नीति दी, जो बहुत सारे विकासशील देशों के काम आया। वो सोवियत संघ और अमेरिका के टकराव में नहीं एंटर हुए, वो अपने विकास पे फोकस किए और सहयोग के रास्ते पे और विकास के रास्ते पे आगे बढ़े। तो यहाँ पर आदर्शवाद भी महत्वपूर्ण है। तो आदर्शवाद हमारी विदेश नीति का हिस्सा हो जाएगा, यानी कि 47 से 64 के बीच में हम आदर्श आदर्श पे चलते रहेंगे। ये क्या था? नेतृत्व की प्रकृति। आगे लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, वो कहते हैं कि केवल आदर्श से काम नहीं चलेगा, यथार्थवादी होना पड़ेगा। 1962 में चीन ने भारत पे अटैक किया, 65 में चीन को लगा कि अक्साई चीन ले लिया है, हम भी थोड़ा ले लेते हैं। तो 65 में पाकिस्तान ने इसी मंशा से भारत पे अटैक किया कि जब चीन ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूं, क्लियर है? तो उसने अटैक किया और समझ में उसको आ गया कि अब भारत 1962 का भारत नहीं है, भारत भी रिटेलिएट करेगा। हमने क्या किया? पाकिस्तान को आपने देखा है ना, चौड़ाई तो बहुत कम है, लंबाई ही लंबाई है, लंबा थोड़ा ज्यादा है, चौड़ा कम है, यानी कि एक बार घुसना शुरू करेंगे तो पूर्व से पश्चिम तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1965 के युद्ध में एलबी शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने फौज को फुल अथॉरिटी दिया कि जहां तक जा सकते हो चले जाओ, कुछ मत सोचना कि पेशावर पहुंचे हो कि इस्लामाबाद पहुंचे हो, चलते चले जाना। ये क्या था? एक रियलिज्म का भाव कि आप पे अटैक किया है तो जितना एरिया उसका ले सकते हो ले लो, क्लियर है? तो यहां पर क्या हुआ कि हम पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट नहीं कर रहे थे, हम पाकिस्तान को एक हार्ड लेसन देना शुरू किए। और जैसे ही हमने एरिया हथियाया, पाकिस्तान अपने जो है बिग ब्रदर के पास पहुंच गया, अमेरिका के पास, कि प्लीज बचाइए, ये तो मान ही नहीं रहा है, अटैक किया जा रहा है, 20 किलोमीटर अंदर आ गया है, हर दिन हम 5-7 किलोमीटर अंदर एंटर कर रहे थे, मतलब 15-20 दिन अटैक चलता तो हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पे खड़े होते, क्लियर है? तो अमेरिका के पास गया, अमेरिका ने भारत को समझाया, तो अमेरिका से हमको क्या लेना देना था, लेकिन अमेरिका ने सोवियत संघ को कहा और सोवियत संघ से हमारी मित्रता हो रही थी, सोवियत संघ ने भारत को समझाया और कहा कि आ जाओ ताशकंद, ये हमारी बस एक गलती थी, है ना? लेकिन द पॉइंट इज, नेतृत्व की प्रकृति बदल रही है, यानी कि आदर्शवाद के साथ साथ यथार्थवाद भी आ रहा है। तो हमने कहा कि नहीं, हमको तो करना पड़ेगा, हम अटैक करेंगे, हमने कर दिया। आगे चल के उससे भी ज्यादा यथार्थवादी आ जाती है इंदिरा गांधी, वो कहती है कि पाकिस्तान में तो अंदर गए थे, इस बार पाकिस्तान को तोड़ देंगे, 1971 में बांग्लादेश बना देते हैं। ये क्या है? समस्या का समाधान। दो तरफ से पाकिस्तान अटैक करता है, कहता है कि इधर से भी अटैक करेंगे, इधर से भी अटैक करेंगे, उन्होंने कहा कि रहोगे तभी तो अटैक करोगे, इसको ब्रेक कर दिया, तो ये बन गया बांग्लादेश, अब रह गया पाकिस्तान। ये क्या है? नेतृत्व की प्रकृति, हार्ड पावर का इस्तेमाल करने से नहीं गुरेज कर रहे। और नेहरू जी शांति के रास्ते पे, सहयोग के रास्ते पे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत बनाने के रास्ते पे, यानी कि थोड़ा सा आदर्शवाद का भाव ज्यादा था। लेकिन उसके बाद के लीडर्स ने देखा कि आदर्श आदर्श से काम नहीं चलेगा, तो यथार्थवादी हुए, रियलिस्ट हुए, है ना? हार्ड पावर का इस्तेमाल करने से नहीं गुरेज करते, क्लियर है? तो नेतृत्व की प्रकृति विदेश नीति को तय करती है, विदेश नीति को शेप देती है, क्लियर है? तो ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपके साथ आगे कि नेतृत्व की प्रकृति जो है वो विदेश नीति को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। करंट का जो भारत है वो आदर्शवादी भी है और यथार्थवादी भी है। जो हमसे सहयोग मांगता है हम उसको सहयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को लेकर के हमारा यही मत है कि संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए। क्यों मजबूत होनी चाहिए? इसके एक दो विषय आप लोग समझ लें। WTO विश्व व्यापार संगठन दुनिया में व्यापार को बढ़ावा देता है, और व्यापार में अगर विवाद हो तो क्या व्यापार बढ़ेगा? तो अगर दुनिया भर में व्यापार को बढ़ाना है तो विवादों को कम करना पड़ेगा, खास करके WTO के मंच में अगर कुछ विवाद आ रहे हैं तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से प्रभावी रूप से साधेंगे, तभी दुनिया में व्यापार बढ़ेगा। और भारत दुनिया का एक मेजर एक्सपोर्टर बनना चाहता है, हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, इसके लिए हमको WTO की तो जरूरत है, क्लियर है? और 2014 से 2018 के बीच में ट्रंप आ गए, ट्रंप US के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और वो क्या करते हैं? वो किसकी शुरुआत करते हैं? चीन के साथ वॉर शुरू होता है, ट्रेड वॉर कहते हैं उसको, व्यापार युद्ध में क्या होता है? अमेरिका कहता है कि चीन हमको बहुत सामान बेचता है, और हमारा सामान जब चीन के बाजार में जाता है तो टैक्स लगा देता है, तो US ने बहुत सारा टैक्स इंक्रीज करना शुरू किया। इधर US टैक्स इंक्रीज करता था, और जैसे US ने घोषणा की
तो चीन उधर से अमेरिका के सामान पर टैक्स इंक्रीज करता था। 2014 से 18 के बीच में दोनों टैक्स टैक्स खेल रहे थे कि एक टैक्स बढ़ाए तो दूसरा बढ़ाए, दूसरा बढ़ाए तो तीसरा बढ़ाए, इस तरह से लगातार टैक्स, यानी कि दोनों का व्यापार को लेकर विवाद था। और दोनों डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, दोनों विश्व व्यापार संगठन के, और विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के विवाद का निपटारण का प्रणाली है। तो अगर आपका विवाद था तो क्यों नहीं गए डब्ल्यूटीओ के उस विवाद के निपटारण प्रणाली में? न चीन गया न अमेरिका गया, क्यों? क्योंकि दोनों का मानना यह है कि जब हमारी समस्या आएगी तो हम खुद निपटेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर निर्भर नहीं रहेंगे। और दुनिया के जब गरीब देश का समस्या आएगा तो कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर निर्भर हो जाओ। तो इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर बनाया, या इस व्यापार युद्ध ने डब्ल्यूटीओ की छवि को धूमिल किया, यानी कि एक तरह से मैसेज दिया कि अगर किसी छोटे मोटे देशों का भी अगर व्यापार का प्रॉब्लम हो तो डब्ल्यूटीओ में मत जाओ, ऐसे ही करो जैसे इन दोनों ने किया। तो फिर डब्ल्यूटीओ के मायने क्या रह गए? और विवादों को अगर डब्ल्यूटीओ रिजॉल्व ना कर पाए तो हर देश अपने अनुसार अगर किसी देश से आयात कर रहा तो उस पर टैक्स इंपोज कर दे, बढ़ा दे, दूसरा भी ऐसा ही करे, तीसरा भी ऐसा ही करे, चौथा भी ऐसा ही करे, यानी कि नियम आधारित विश्व व्यवस्था से निर्धारित ना हो। ये भारत के हितों के विरुद्ध नहीं जाता है? सोच के देखिए कि अगर हमको अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो हमको क्या डब्ल्यूटीओ की जरूरत नहीं है? डब्ल्यूटीओ के नियमों की जरूरत नहीं है, है ना? और अगर डब्ल्यूटीओ के नियमों का कोई भी देश प्रभावी रूप से पालन ना करे तो दुनिया भर में व्यापार कैसे प्रमोट होगा, या व्यापार को लेकर कैसे प्रभावी रूप से नियम बनाए जा सकते हैं? तो भारत जैसे मिडिल पावर, हम मेजर पावर नहीं है, हम कमजोर देश भी नहीं, भारत जैसे मिडिल पावर के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का होना जरूरी है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो आज भी जो हमारा नेतृत्व है वो क्या कह रहा है? सहयोग करना चाहता है। हम अमेरिका के साथ सहयोग करेंगे, दुनिया के देशों के साथ सहयोग करेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत बनाने की भी कोशिश करेंगे, और उस पर हमारा एक पूर्ण विश्वास भी रहेगा। लेकिन साथ ही साथ हम आदर्शवाद के साथ यथार्थवादी भी है ना। अब अगर अक्साई चीन का विवाद आएगा तो हम यूनाइटेड नेशंस के पास नहीं जाएंगे, हम उस विवाद को स्वयं से साधने की कोशिश भी करेंगे, हमको वहां पर अपना फोर्स डिप्यूट भी करना पड़ेगा, हम अपने क्षेत्र को स्वयं लेंगे भी। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि हम धीरे धीरे करके आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों को सीख रहे हैं, दोनों को समझ रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगा तो यथार्थवाद, जब जरूरत पड़ेगा तो आदर्शवाद, क्योंकि हमको चाणक्य भी चाहिए, हमको गांधी भी चाहिए। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि नेतृत्व की प्रकृति जो है धीरे धीरे करके मैच्योर हुई है। और विस्तार से चर्चा 60-70 के दशक में और आपसे करूंगा, तो आपको और लीडरशिप के रोल के बारे में एक समझ बनेगी। पब्लिक ओपिनियन के बारे में आपसे चर्चा किया, ट्रैक टू डिप्लोमेसी की भूमिका होती है, उसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ चुनौतियों के बारे में आपसे सामने बात रखी। इसके अलावा ये भी हमारी विदेश नीति को शेप करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ पावर ब्लॉक। शीत युद्ध का काल 1945 से 1990 के काल को विश्व के इतिहास में शीत युद्ध का काल के रूप में जाना जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आप लोग नहीं पढ़े ना, यहां तक नहीं पहुंचे, 45 से 90 के काल तक नहीं पहुंचे ना वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो विस्तार से इसके बारे में चर्चा वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में आपसे सर करेंगे। पावर ब्लॉक्स है ना, पावर पॉलिटिक्स, एक तरफ साम्यवादी और पूंजीवादी विचार, एक तरफ साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा है और दूसरी तरफ पूंजीवाद का मॉडल है, इन दोनों में से किसको चूज करें, है ना? इसने हमारी विदेश नीति को काफी हद तक प्रभावित किया कि हम क्या करें। तो एक तो हम लोगों ने शुरुआती पोजीशन लिया कि हमको पावर ब्लॉक का हिस्सा बनना ही नहीं, गुट निरपेक्षता की तरफ आगे बढ़ना है। तो भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता क्यों आया? क्योंकि ये पावर ब्लॉक्स थे, अगर ये पावर ब्लॉक नहीं होते तो शायद भारत को गुट निरपेक्ष आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम दुनिया के देशों के साथ सहयोग करते। तो हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं इससे, या जो पावर ब्लॉक्स है उसकी नीतियों से प्रभावित हुई। और बाकी इसका उदाहरण अभी थोड़ी देर में 1960 और 1970 के दशक में जो भारत की नीतियां रही हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे शीत युद्ध के समय भारत की नीतियां प्रभावित हुई। क्लियर है? कुछ सोवियत संघ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें से एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? गुट निरपेक्ष भारत का आंदोलन, जो कि इसी शीत युद्ध की देन है, यानी कि हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है। खूब सारे उदाहरण है, अगर पाकिस्तान भारत के साथ सहयोग करता, 90 के दशक में प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत नहीं करता, छदम युद्ध कहा जाता है कि उसने कितनी बार ट्राई किया, 1947 में युद्ध लड़ा, कबीलाई को भेजा, 1965 में युद्ध लड़ा, है ना,
71 में युद्ध लड़ा, 1999 में कारगिल का इन्वेजन किया, 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक किया, है ना, 2008 का मुंबई का टेरर अटैक है, 2016 का उरी और पठानकोट का अटैक है, लगातार अटैक करता रहा है। लेकिन डायरेक्ट कब लड़ा है, 47 में, 65 में, 71 में और 99 में, और चारों बार हारा है, चारों बार थैंक यू हो गया उसका, मतलब वापस गया है। तो ऐसे में उसको क्या समझ में आएगा, बार बार इमेजिन करिए कि पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तानी कैसे देखते होंगे, जाते हैं हार के चले आते हैं, ऐसा इमेज बन रहा होगा ना, सोच करके देखिए फौज का क्या इमेज बन रहा होगा, यही इमेज बन रहा होगा। अब इस इमेज से घबराते भी होंगे पाकिस्तानी फौजी, सोचते होंगे कि बार बार हार के चले आते हैं यार, तो इसका रणनीति क्या सोचेंगे, कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ ऐसा। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, है ना, आतंकवादियों को भारत में भेजते हैं और मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हम थोड़े ना लड़ने गए थे। यानी कि पाकिस्तान की फौज का परसेप्शन या इमेज भी पाकिस्तान में खराब नहीं होगा और भारत को लगातार हम चुनौती भी देते रहेंगे। पाकिस्तान की आर्मी और ISI की एक नीति है, मेक इंडिया ब्लीड थ्रू 1000 cuts, भारत के ऊपर 1000 जख्म दो और भारत धीरे धीरे उससे कमजोर हो जाएगा। इसलिए अलग अलग तरह से भारत को कमजोर करने की नीतियों पे पाकिस्तान काम करता है। इसको आप लोग सिक्योरिटी की क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सुरक्षा को कमजोर किया जाए। पाकिस्तान लगातार ऐसी नीतियों को आगे बढ़ाता है, मेक इंडिया ब्लीड थ्रू 1000 cuts, ये उसकी नीति का हिस्सा है। और इसमें वो चाहता है कि अब डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, इंडिया को 1000 जख्म देंगे। तो उसका सबसे सिंपल तरीका है प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा या आतंकवाद को बढ़ावा देना। अब अगर आतंकवाद को इमेजिन करिए कि अगर पाकिस्तान बढ़ावा नहीं देता तो आज पाकिस्तान भी एक सशक्त देश होता, दूसरों को खत्म करने की उस पूरी प्रक्रिया में खुद ही खत्म होने जा रहा है। हम तो खत्म नहीं हुए लेकिन खुद की स्थिति खराब हो गई, और आने वाले समय में ऐसा ही करता रहेगा तो और स्थिति खराब हो जाएगी। क्लियर है? द पॉइंट इज कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारी विदेश नीति को तय करता है। अगर पाकिस्तान भारत के विरुद्ध युद्ध और छद्म युद्ध को बढ़ावा नहीं देता तो भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर होते, है ना, हम सहयोग कर रहे होते, सार्क जो डिसफंक्शनल हो गया है एक क्षेत्रीय संगठन वो फंक्शनल होता, सहयोग करता, दक्षिण एशिया ज्यादा वाइब्रेंट होता, आपस में सहयोग होता, सब आपस में जुड़े हुए हैं। म्यांमार से क्या, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम से शुरू करें और अफगानिस्तान से ईरान से लेकर सऊदी अरेबिया के तट तक चले जाएं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपस में जुड़ा हुआ है, है ना। आज ऊर्जा के लिए भारत जहाज से ऑयल मंगाता है, गैस मंगाता है, और तुर्कमेनिस्तान, है ना, तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन बन जाता तो अफगानिस्तान मजबूत होता, भारत मजबूत होता, पाकिस्तान का भी इकोनॉमिक हालत बेहतर होता। IPI पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, ईरान से पाइपलाइन से पाकिस्तान को भी बेनिफिट होता, हमको भी होता, ऊर्जा संकट नहीं होता, एनर्जी सिक्योर देश होते, ज्यादा बेहतर तरीके से विकास को बढ़ा पाते, और पाइपलाइन से जो पैसा ट्रांजेक्शन होता उससे पाकिस्तान को पैसा भी मिलता ट्रांजेक्शन राइट्स के रूप में, उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती। तो मिला क्या आतंकवाद बढ़ा के, सब तो खो ही दिया। और हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए पाकिस्तान से हम रास्ता बना के अफगानिस्तान नहीं जा सकते, सेंट्रल एशिया नहीं जा सकते, तो हम घूम करके जाएंगे ईरान के थ्रू, तो हमारा फोकस विदेश नीति का क्या हो जाएगा, ईरान, क्योंकि पाकिस्तान के बगल में ईरान है और हमको अफगानिस्तान जाना है, सेंट्रल एशिया जाना है और पाकिस्तान जाने नहीं दे रहा है, तो हम कैसे जाएंगे, ईरान के थ्रू, तो हमारी विदेश नीति शिफ्ट हो जाएगी ईरान की तरफ। तो इसका मतलब यह है कि जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है वो भारत की विदेश नीति को तय करता है, है ना, सिचुएशंस को तय करता है। ठीक है, कुछ उदाहरण और आगे आपको देंगे, चर्चा करेंगे। एक उदाहरण आर्थिक स्थिति में दिए कि अगर, है ना, वो आंतरिक एनवायरमेंट था लेकिन एक्सटर्नल जो सिचुएशंस इमर्ज हो रहे हैं वो हमारी विदेश नीति को तय करेंगे, वो शेप देंगे। एक आतंकवाद का इशू इसमें डिस्कस करें, इसी में एक टेररिज्म के पॉइंट को जोड़ते हैं। ठीक है, भारत चाहता है कि दुनिया पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर एक कानून बने, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर के कानून नहीं अभी तक। यानी कि यूनाइटेड नेशन सारे मामलों पर चर्चा करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, सब पे, लेकिन पूछा जाए कि बताइए आतंकवाद क्या होता है तो यूनाइटेड नेशन का परिभाषा तक नहीं है आतंकवाद का। यानी कि यूनाइटेड नेशन ने अभी तक आतंकवाद को लेकर कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं बनाया। तो क्या अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं होना चाहिए?
क्या आतंकवाद एक वैश्विक समस्या नहीं है? दुनिया का कौन सा महाद्वीप जो है वो इससे प्रभावित नहीं है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कौन सा देश या कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो आतंकवाद से प्रभावित नहीं? तो आतंकवाद अगर एक वैश्विक समस्या है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को वैश्विक समाधान खोजना चाहिए। भारत 1996 से कह रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बना लो, एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन बना लो आतंकवाद को लेकर के, और दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद को सपोर्ट करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। लेकिन दुनिया के कोई भी देश आज तक इसका इस पे सहमत नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हर देश आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। अमेरिका को आतंकवाद की जरूरत है, पाकिस्तान को आतंकवाद की जरूरत है, चीन को आतंकवाद की जरूरत है। इन सब देशों ने अलग अलग तरीके से आतंकवाद को समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। जैसे सीरिया में फ्री सीरियन आर्मी असाद की सरकार को हटाना चाहती है, अमेरिका ने सपोर्ट किया है, आर्म्स एम्यूनिशन फंड प्रोवाइड किया है। 70 के दशक में जब अफगानिस्तान में जो तालिबान आप देख रहे हैं, अलकायदा आप देख रहे हैं, ये अमेरिका का बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उस समय सोवियत संघ अफगानिस्तान में एंटर कर गया था, तो अमेरिका के लिए आतंकवाद चुनौती नहीं थी, अमेरिका के लिए सोवियत संघ चुनौती थी। सोवियत संघ को कैसे भी अफगानिस्तान से हटाइए, तो तालिबान का समर्थन किया, हकानी नेटवर्क का समर्थन किया, अलकायदा को फंड प्रोवाइड किया, और बाद में वही अलकायदा ने बम फोड़ दिया उस पर, क्लियर है, 2001 में। तो कुल मिलाकर के आतंकवाद का इस्तेमाल देश अपने हितों के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। पाकिस्तान भी ऐसा ही करता है। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान ने 47 में युद्ध लड़ा, 65 में युद्ध लड़ा, 71 में लड़ा, मिला क्या? कुछ खास नहीं, गवाया तो बहुत कुछ है ना। पाकिस्तान से बांग्लादेश चला गया, एक तो मेजर वही, और संसाधन और रिसोर्सेज जो पाकिस्तान की फौज ने लगाया वो अलग। तो ऐसे स्थिति में पाकिस्तान क्या चाहेगा कि बिना पैसा खर्च किए भारत को मैं क्षति पहुंचाता रहूं, और बिना पैसा खर्च किए अगर क्षति पहुंचाना है तो करना क्या पड़ेगा? भारत में आतंकवाद का समर्थन करना पड़ेगा। और आतंकवाद के समर्थन के लिए ये जो तालिबान है या जो अफगानिस्तान है, ये कभी लोकतंत्र नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये लोकतंत्र बन गया ना, उस दिन पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट में प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ सकता है, छदम युद्ध नहीं लड़ सकता है। तो अफगानिस्तान तो हमेशा अनस्टेबल ही रहना चाहिए, ये आतंकवादी ही रहे, तालिबान जैसी शक्तियां यहां मजबूत हो, पाकिस्तान हमेशा यही चाहेगा। क्योंकि पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है, जब ये 1971 का युद्ध हार गया और बांग्लादेश बन गया, तो एक कॉन्सेप्ट निकला फौज ने डीप स्टेट का। डीप स्टेट का मतलब है कि सपोज करो कि नेहरू जी या लाल बहादुर शास्त्री जी का दिमाग थोड़ा आउट हो गया था कि यार पाकिस्तान ने बहुत तंग कर दिया, तो चलो पाकिस्तान में एंटर करते चले जाते हैं, कोई ऐसा ही प्रधानमंत्री आ गया तो ईस्ट से वेस्ट तक पहुंच जाएगा, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के मेजर एरिया पे कंट्रोल हो जाएगा, तो पाकिस्तान क्या करे? तो पाकिस्तान ने सोचा कि अफगानिस्तान हमेशा पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए, ताकि संकट वाली स्थिति में अगर ऐसा क्राइसिस हो तो पाकिस्तान यहां से ऑपरेट कर सके और अटैक कर सके। तो डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि अफगानिस्तान एट एनी कॉस्ट पाकिस्तान के प्रभाव में रहना चाहिए। अब कैसे रहेगा? अगर सशक्त होगा, लोकतांत्रिक होगा, तो अपने हितों को समझेगा, अपने हितों के अनुरूप निर्णय लेगा, तो पाकिस्तान के हितों को कैसे साधेगा? तो इसका मतलब है कि हमेशा ट्रबल्ड रहना चाहिए। और ट्रबल्ड कैसा रहेगा? यहां पर जो आतंकवादी ताकतें हैं उनको समर्थन दिया जाए, तो तालिबान जैसी ताकतों को, हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान समर्थन देता है। अब ये जो तालिबान है ये कैसे ऑपरेट करे? तो पाकिस्तान के पास तो खुद खाने के लिए नहीं है, तो तालिबान को क्या देगा? अगर इनको मजबूत बनाना है तो इनको फंड देना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान फंड कहां से लाएगा? खुद के पास तो है ही नहीं। तो फंड कैसे उपलब्ध कराएगा? तो तालिबान को कहेगा कि ओपियम उगाओ, अफीम उगाओ। और भारत में 130 करोड़ लोग रहते हैं और मेरा बहुत लंबा बॉर्डर लगता है, मैं पहुंचा दूंगा, आप बस अफीम को उगाइए, और यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से आपके इस जो भी ड्रग है इसको मैं भारत के बॉर्डर एरिया से एंटर करा दूंगा, और एंटर करा दूंगा, आपको फंड मिलेगा, उस फंड का इस्तेमाल आप करना, और कैसे करोगे ये पाकिस्तान बताएगा कि आप टेररिज्म टेरर कैंप्स ऑपरेट करो, मैं आपको सहयोग करूंगा, ट्रेनिंग देना है, आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाई करनी है तो मैं आपको दे दूंगा, आप बस यहां पर आतंकवादी कैंप चलाइए, ट्रेन करिए। और तालिबान क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान पे निर्भर है फंड के लिए, क्योंकि पाकिस्तान रास्ता प्रोवाइड कर रहा है भारत जैसे बड़े बाजार तक पहुंचाने के लिए। तो एक तरह से तालिबान को क्या मिल गया? टेरर फंडिंग। और इस टेरर फंडिंग से तालिबान क्या हुआ? एक आतंकवाद या आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश बन गया, क्लियर है। और पाकिस्तान का बेनिफिट क्या हुआ? पाकिस्तान का बेनिफिट यह हुआ
कि उसको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़े। बिना पैसे खर्च किए हुए ही आतंकवाद पलवित पुष्पित हो रहा है, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। कहने का मतलब है कि हमको कुछ भी खर्च न करना पड़े और भारत में लगातार आतंकवाद की स्थितियां बनी रहे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या, पाकिस्तान में हार्ड लाइनर्स हुए, पाकिस्तान में ऐसे विचारों को प्रमोट किया गया जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम विचारधारा के हैं, तो दूसरों को जलाते जलाते पाकिस्तान खुद ही जलने लग गया। आज वहां पर अधिकतर ऐसे ही विचारधारा है, हार्ड लाइनर है। हमसे ज्यादा बम तो पाकिस्तान में हर दिन फूटते हैं, कुछ बलूचिस्तान वाले फोड़ देते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के लोग फोड़ देते हैं, और बाकी बचा हुआ काम वो शिया और सुन्नी का विवाद है, तो वैसे में वहां पर विवाद चलता रहता है, तो वैसी स्थिति में चुनौतियां बढ़ती रहती हैं। शिया और सुन्नी से रिलेटेड जो विवाद है उसका सऊदी अरेबिया और ईरान की क्लास में विस्तार से चर्चा करें, लेकिन कुछ वैसी स्थितियां लगातार इस क्षेत्र में बनी हुई है, क्लियर है। लेकिन जो भारत में जो बाहरी स्थिति बनी वो क्या है, आतंकवाद एक मेजर चैलेंज। और मेजर चैलेंज 90 के दशक में ये समस्या और भी गंभीर हुई क्योंकि पाकिस्तान अब भारत के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ना चाहता है, इसी रास्ते से भारत में अलग अलग तरीके से एंटर करता है। अब कैसे एंटर करेगा, तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा FICN फेक इंडियन करेंसी नोट्स भारत में एंटर कराओ, है ना, और फेक इंडियन करेंसी नोट्स के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करिए, और जो भी ट्रांजेक्शन इसके माध्यम से हुआ है उसकी फंडिंग टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देता है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से जो पैसे उगाता है या उगाहता है उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए करता है। तो ISI या पाकिस्तान की फौज को कहें तो एक प्रकार से आतंकवादी संगठन है, टेरर को प्रमोट करने वाले संगठन है। और भारत यही कह रहा था 90 के दशक में कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाओ, और दुनिया के किसी भी देशों का हाथ उसमें पाया जाता है कि ये आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं तो इमिडिएटली उसके ऊपर एक्शन लो। 1996 में भारत ने प्रमोट किया या भारत ने बात रखी, और आज हम 2022 में खड़े हैं, 26-27 साल हो गया, लेकिन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पे एक कंसेंसस नहीं बन पाया है दुनिया के देशों का। क्यों? क्योंकि दुनिया के देश अपने अपने अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरेबिया भी इस्तेमाल करता है, ईरान भी इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है, US भी इस्तेमाल करता है, तो हर कोई अपने अनुसार आतंकवाद का इस्तेमाल अपने हितों के अनुरूप करता है, क्लियर है। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट भारत के लिए क्या बना, संकट की स्थिति। दक्षिण एशिया में लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं, पाकिस्तान एक ब्रीडिंग ग्राउंड है आतंकवाद का, और उसके बगल में अब तालिबान की सत्ता है, तो तालिबान एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। अब यहां पर केवल तालिबान और अलकायदा नहीं है, अब यहां पर ISIS भी है, यानी कि ऑलरेडी ISIS ने अफगानिस्तान में अपना बेस बना लिया है ना। और ईस्टर बॉम्ब अटैक 1.5-2 साल पहले श्रीलंका में जो बॉम्ब अटैक हुआ था, ईस्टर का बॉम्ब अटैक, वो ISIS ने उसकी जिम्मेदारी ली। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे ISIS ऑलरेडी एक्टिव है। कहने का मतलब है कि भारत का एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट जो है वो चुनौतीपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में हमको सिक्योरिटी के अपरेटिस पे या सिक्योरिटी के मामलों में दुनिया के देशों के साथ लगातार सहयोग करना पड़ रहा है। अगर इतना संकट इतनी चुनौती नहीं होती तो डिफेंस के मामले में दुनिया के देशों के साथ इतना सहयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लियर है। तो उसका मतलब है कि बाहरी इन्वॉल्वमेंट भारत की विदेश नीति को तय करती है। संधियां, क्या संधि भी भारत की विदेश नीति को तय करती है ना। कोई भी हम संधि करते हैं तो उससे बंधते हैं, है ना, कोई भी एक संधि करते हैं तो हम उसके साथ बंधते हैं या उसका सम्मान करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया में हमारी विदेश नीति तय होती है। जैसे अगर हमने कहा कि हम पेरिस क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस या उसमें जो बातें हुई थी हम उसको स्वीकार करते हैं, तो भारत उसको स्वीकार करेगा तो देश में उसमें बदलाव करने पड़ेंगे, दुनिया के देशों के साथ क्लीन एनर्जी में सहयोग करना पड़ेगा, है ना, ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी पे लगातार हमको काम करना पड़ेगा। हमने कहा कि हम जो ग्लासगो में समिट हुआ उसमें हमने कुछ कमिटमेंट किया, उसमें कमिटमेंट के माध्यम से हमने कहा कि 40-42% इंटेंसिटी में कमी लाएंगे कार्बन की, तो अब हम उसको कम करने के लिए दुनिया भर से EV पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जीज टेक्नोलॉजीज पे दुनिया के साथ, जर्मनी के साथ, नीदरलैंड के साथ, डेनमार्क के साथ हम सहयोग कर रहे हैं, US के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी नीति को साइन या किसी ट्रीटी को या किसी संधि को साइन करते हैं तो हम उस पूरी प्रक्रिया में अपने आप को भी बदलने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पे हमने कहा प्लास्टिक को बैन करेंगे क्योंकि प्लास्टिक एक बड़ा चुनौती है, तो उस पूरी प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, हम प्लास्टिक के बैन को आगे बढ़ाने के लिए हमने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक संधि की, और इस पूरी प्रक्रिया में अब हमको अल्टरनेटिव के बारे में सोचना पड़ेगा कि प्लास्टिक की जगह पैकेजिंग के लिए किसका इस्तेमाल करें।
तो दुनिया के उन देशों के साथ सहयोग करना पड़ेगा जो ऑलरेडी इस क्लीन या ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग पे काम कर रहे हैं। क्लियर है? इसका मतलब है कि नीतियां हमारी विदेश नीति को, या जो भी हम संधि साइन करते हैं वो हमारी विदेश नीति को प्रभावित करता है। एक उदाहरण इतिहास से निकाल करके भी आपको देते हैं। वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पे एक इशू इमर्ज हुआ परमाणु का 1961 में, 1967 में, परमाणु अप्रसार की संधि। भारत ने साइन नहीं किया, भारत ने कहा कि नहीं साइन करूंगा, हमारे पूर्ण स्वराज के विचारों के विरुद्ध है, हमारे हितों के विरुद्ध जाता है, तो हमने साइन नहीं किया। उसका परिणाम यह हुआ कि वैश्विक या ग्लोबल लेवल पे जो डिप्लोमेसी चल रहा था न्यूक्लियर का, उससे भारत बाहर हो गया। दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ न्यूक्लियर सहयोग नहीं कर रहा था। 67 के बाद का जो भारत है, या 67 के बाद या 1970 में एनपीटी की घोषणा की गई थी, परमाणु प्रसार की संधि, उसके बाद से दुनिया का कोई भी देश हमको न्यूक्लियर में सहयोग नहीं किया लंबे समय तक, है ना? ना हमको न्यूक्लियर तकनीक दिया, ना न्यूक्लियर रॉ मटेरियल दिया, कोई भी चीज हमको देने को राजी नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत परमाणु अप्रसार की संधि का सिग्नेटरी नहीं है। और दुनिया के कुछ देशों का संगठन बना 1975 में, जिसका नाम था NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। क्योंकि 1974 में हमने बम फोड़ दिया था, टेस्टिंग कर दी थी न्यूक्लियर की, और 1975 में NSG बन गया। अमेरिका के लेड में अमेरिका ने बनाया कि उन देशों के साथ सहयोग नहीं करना है जो परमाणु अप्रसार की संधि के सिग्नेटरी नहीं। तो एक तरह से हमारे विरुद्ध बनाया गया। और जितने भी ये न्यूक्लियर सप्लायर थे, चाहे तकनीक के हों चाहे रॉ मटेरियल के हों, ये इनके ऊपर एक दबाव बनाया गया या एक संधि की गई NSG के माध्यम से। मतलब उसमें एक संविधान में एक बात रखी गई कि NSG के देश उन देशों को न्यूक्लियर तकनीक या रॉ मटेरियल नहीं देंगे जो देश परमाणु प्रसार की संधि के सिग्नेटरी नहीं। तो भारत की जो संधि थी कि हम इस संधि पे साइन नहीं करेंगे, उसका परिणाम ये हुआ कि भारत दुनिया के न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन साइन कर देते तो बन जाते, लेकिन साथ ही साथ हम न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश नहीं थे, नहीं बन पाते। तो हमारे लिए संधि से इंपॉर्टेंट हमारी संप्रभुता थी। तो संप्रभुता के लिए हमने संधि नहीं साइन किया, उसका परिणाम यह हुआ कि भारत न्यूक्लियर डिप्लोमेसी से लंबे समय तक बाहर रहा। और किसने बाहर किया? अमेरिका ने। और वही अमेरिका 2005 में हमसे संधि करता है कि मेरा न्यूक्लियर तकनीक आपका है, ले लीजिए जो भी चाहिए। पूरा चक्र घूम गया। वही देश जो भारत के अगेंस्ट में न्यूक्लियर की नीति बनाया था, NSG तक बना लिया और NSG को आगे बढ़ाया, वही देश 2005 में कह रहा है कि भारत को सारी न्यूक्लियर तकनीक देने के लिए हम एग्री करते हैं। क्लियर है? तो बाकी के जो NSG के मेंबर हैं वो भी एक एक करके भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 48 देश हैं NSG में, 32 देशों ने भारत के साथ न्यूक्लियर संधि कर ली। लेकिन उस समय क्या था? उस समय भारत एक तरह से न्यूक्लियर की डिप्लोमेसी में अलग थलग था इस संधि के कारण। क्लियर है? लेकिन संधि से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? संप्रभुता, सोवरेनिटी, देश की सुरक्षा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नहीं किया, उसका परिणाम हमने भुगता लंबे समय तक। लेकिन उससे क्या हुआ? उससे न्यूक्लियर साइंटिस्ट आए इंडिजिनस, और आज जो IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अब वो भारत आता है 2005 में अमेरिका की संधि के माध्यम से हमारे सिविल न्यूक्लियर जो रिएक्टर से उसका भ्रमण करता है, मतलब आता है, देखता है सेफ्टी के मेजर्स, तो देखता है कि भारत में जो डेवलपमेंट हुआ है न्यूक्लियर का वो दुनिया से बिल्कुल अलग है। हमारे सेफ्टी के मेजर्स दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादा बेहतर है। तो IAEA कहता है कि भारत के सेफ्टी मेजर्स दुनिया के देश शामिल करें। ये भारत जिस तरह से अपने न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उसको जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी और जिसमें अगर क्राइसिस आए तो कैसे रेडिएशन लीक ना हो, उसके लिए जिस तरह की रणनीति भारत की है, अगर दुनिया के देश उसको साधे माने तो ज्यादा प्रभावी तरीके से न्यूक्लियर सेफ्टी के गाइडलाइंस को फॉलो किया जा सकता है। क्लियर है? तो अब वही जो हमको बाहर किए थे अब वही हमसे सीख रहे हैं। क्लियर है? मतलब हमसे लर्न कर रहे हैं। IAEA कह रहा है कि सीखो, भारत से सीखो, जाओ देखो कैसे काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि संधियां कई बार आपकी नीतियों को या आपके विदेश नीति को प्रभावित करता है। तो हम न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं लेकिन हमको अलग कर दिया गया। क्यों अलग कर दिया? क्योंकि हम एक संधि का साइन नहीं किया। तो मैंने आपको दो तरीके से बात बताई, संधि का साइन करते हैं तो उसका हिस्सा बन जाते हैं, नहीं करते हैं तो उसके अपने परिणाम रहते हैं, यानी हमारी विदेश नीति को प्रभावित करता है। दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ 75 के बाद न्यूक्लियर डिप्लोमेसी पे हम काम ही नहीं कर पाए क्योंकि हम संधि का हिस्सा नहीं बन पाए। फेथ इन यूनाइटेड नेशन, ये हमारा अटूट विश्वास है ना? संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करो, उसकी संस्थाओं को मजबूत करो। क्यों? मिडिल पावर है, जिस दिन मेजर पावर बन जाएंगे ना उस दिन कहेंगे कि संस्थाएं रहे या ना रहे, लेकिन अभी तो जरूरत है ना।
क्योंकि हम मिडिल पावर है, क्योंकि हमसे ऊपर भी ये मेजर पावर्स हैं, अगर वो येन केन प्रकार में अपने प्रभाव को स्थापित करें तो कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए नियम आधारित, जो फैसला दे सके सही और गलत क्या है। तो एटलीस्ट एज ए मिडिल पावर हमको यूनाइटेड नेशंस की जरूरत है, और हम शुरू से इस बात को समझते हैं, इसीलिए हम 1947 जब आजाद हुए उससे पहले से ही हम इसके फाउंडर मेंबर यूनाइटेड नेशंस के हैं, और लगातार ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रिफॉर्म की बात करते हैं, इन संस्थाओं को सशक्त और मजबूत बनाने की हम बात करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, यानी कि भारत के विदेश नीति को प्रभावित करने में डोमेस्टिक फैक्टर्स और इंटरनेशनल, ये बाहरी कारक और आंतरिक कारक दोनों ही विदेश नीति को तय करने में भूमिका निभाते हैं, मतलब दिशा देते हैं क्या करें क्या नहीं करें। ये डोमेस्टिक फैक्टर से भी तय होता है और ये बाह्य या एक्सटर्नल फैक्टर से भी तय होता है। क्लियर है? मतलब थोड़ा बहुत तो समझ बना ना, एक थोड़ा बहुत कुछ 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 इधर उधर से कुछ कहानियां। कभी भी यूपीएससी आपसे पूछेगा नहीं कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक कारकों की चर्चा करें, है ना, ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन ये समझदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारी विदेश नीति कैसे शेप लेती है, यानी कि हमारा विदेश नीति एक पार्टिकुलर सिचुएशन में बनता है, तो कभी भी किसी लीडर को जज करें तो सिचुएशन को कभी ना भूलें, क्योंकि एक सिचुएशन में वो निर्णय लिए जाते हैं, वैक्यूम में कभी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, एक पार्टिकुलर सिचुएशन, एक कंटेक्स्ट, एक संदर्भ में एक निर्णय लिया जाता है, और वो संदर्भ क्या है अगर आप समझेंगे तभी उस विदेश नीति को अप्रिशिएट कर पाएंगे, और अगर हमने उस संदर्भ में उसको देखा तो हम सोचेंगे कि क्या उस संदर्भ में यही निर्णय लिया जा सकता था या कुछ और भी निर्णय लिए जा सकते थे। जब हम जज करेंगे तब हम उसका क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। इसलिए कभी कोई कह दे, जैसे एक जनरली बोलचाल की भाषा में, यार नेहरू ने तो कुछ नहीं किया, है ना, ऐसा कह देते हैं, या इसने कुछ नहीं किया उसने कुछ, ये क्या है, जनरलाइजेशन है, कि आप एक लीडर को जनरलाइज कर देते हैं, और जनरलाइजेशन इज एन आर्गुमेंट ऑफ फूल कहा जाता है, मतलब इसमें तार्किक रूप से कि कभी भी आप जनरलाइजेशन करते हैं तो कभी भी आप उस ऑब्जेक्टिव वस्तु ने इस तरीके से उस निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि जनरलाइजेशन फूल्स का आर्गुमेंट है, मतलब वो लोग करते हैं जिनको गहराई या जिनको सारे विषय के बारे में समझ नहीं। क्लियर है? तो कभी किसी व्यक्ति को या व्यक्ति विशेष को ये मत कहिए कि ये खराब है वो खराब है, एबीसीडी एक्सवाईजेड कोई भी हो, हम उसको संदर्भ में देखेंगे कि उस संदर्भ में उसने क्या निर्णय लिया है, इसलिए हम विदेश नीति को पढ़ रहे हैं। तो अब अगला जो पहलू है जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं वो यही है। हाँ पूछे पूछे। और थोड़े जोर से बोलिएगा। हाँ किसको नकारा, किसको नकारा, उत्पीड़ित छवि जो भारत की थी, ये कह रहे हैं? हाँ ये आप बात कर रहे हैं, है ना, कि ये 47 से लेकर के ये 2014 या 2015 के बाद तक अभी तक का भारत इस फेज से गुजरा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, यही कह रहे हैं ना? जब आएंगे तो करूंगा चर्चा विस्तार से, खूब चर्चा करूंगा, मतलब कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मतलब इनका सवाल यही है कि 1947 में भारत एक उत्पीड़ित देश था, उसके बाद से हम धीरे धीरे एक सशक्त नेशन के रूप में इमर्ज हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करें, है ना, एक ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आ ही सकता है लिखने के लिए, है ना, कि उसके बारे में चर्चा करें। तो यहां पर इसलिए मैंने इसको अलग अलग भागों में, जनरली आप पढ़ेंगे 1990 के पहले का भारत, 1991 के बाद का भारत, जनरली आप विदेश नीति में किताबों में पढ़ेंगे तो यही, लेकिन मैंने इसको अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि बारीकी से मैं कुछ मुद्दों के बारे में आपसे चर्चा कर पाऊं, ताकि आप समझ पाए कि कैसे एक उत्पीड़ित भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में इमर्ज किया है, तो विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, सब चर्चा करूंगा, इसमें सहिष्णुता भी आ जाएगा, इसमें सारे इश्यूज आएंगे, कुछ कुछ इसमें उदाहरणों के माध्यम से ही तो चर्चा होगा ना। अगर मैं सहिष्णु कह रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि भारत ने ऐसा किया है, अगर मैं कह रहा हूं कि भारत एक सशक्त है तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि ऐसे सशक्त है,
तो बिना उदाहरण के तो नहीं होगा। तो यहां पर इसलिए इनको अलग अलग कालों में बांटा हूं, और इसमें देखेंगे कि कहां सहिष्णु है कहां असहिष्णु है, दोनों होना पड़ेगा, यथार्थवादी भी होना पड़ेगा और आदर्शवादी भी होना पड़ेगा। तो इसलिए इसको डिवाइड करके खूब सारे इसमें उदाहरण डाले हैं ताकि आप लोग समझ पाए कि हमारी विदेश नीति मैच्योर कैसे हुई है। मेरा यहां पर कोई एक पार्टिकुलर इंसिडेंट चर्चा करना नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और हम जो अच्छा करते हैं उससे भी हम सीखते हैं, और ये दोनों चीजें ही हमको इंसान बनाती हैं, हमको बेहतर बनाती हैं। तो एक देश जो है इंसानों से ही बना हुआ है, ह्यूमन से ही बना हुआ है। हम गलती करेंगे सीखेंगे, और कुछ अच्छा करेंगे उससे भी सीखेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो गलतियों का भी ध्यान रखेंगे और अपनी अच्छाइयों या जो बेहतर हमने किया है उसको भी ध्यान रखेंगे, और उसके बेसिस में हम अपनी नीतियों को लगातार बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे। तो यही एक यात्रा है, इसी यात्रा को तो समझना है, केवल इंसिडेंट नहीं समझना है, हम मैच्योर कैसे हैं हुए हैं एज ए कंट्री, एज ए फॉरेन पॉलिसी हमारी मैच्योरिटी कैसे हुई है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसकी चर्चा करेंगे और विस्तार से करेंगे। कोशिश यही था कि आज पहुंच जाएं, देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं, लेकिन चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद फिर शुरू करता हूं। बस अभी ना देखिए, दो चार तीन चार दिन हमको बस समय दीजिए, खूब कहानी सुनिए, सवाल नहीं आएंगे लेकिन समझदारी डेफिनेटली बढ़ेगी, कलम की ताकत बढ़ेगी। डायरेक्टली सवाल नहीं आएंगे लेकिन इनडायरेक्टली आप इन सब पॉइंट्स को कभी ना कहीं, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ कहानियां याद रहती हैं, आप जब लिखते हैं तो आपको विश्वास होता है कि मैं लिख रहा हूं ठीक लिख रहा हूं क्योंकि आपको स्टोरी मालूम है ना। तो ये आपको आत्मविश्वास देगा कि आप कलम से उन बातों को निकाल सकते हैं, लिखेंगे तो उस संदर्भ में ये सारी स्टोरीज चल रही हैं। तो तीन चार दिन के बाद फिर एक टॉपिक पे एक एक करके चर्चा विस्तार से करेंगे। चलिए 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोगों ने देख लिया कारक, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं, एक पहलू हम लोगों ने समझ लिया। अब कारक तो हम लोगों ने समझ लिया, अब कुछ सिद्धांत समझ लेते हैं, है ना। ये सिद्धांत फाउंडेशन बेड है, यानी कि ये सिद्धांत हमारी विदेश नीति को पहले भी तय करते थे और आज भी तय करते हैं। यानी कि हमेशा एक तरह से आप समझ लीजिए कि हमारा कंपास है ना, जो हमको दिशा देता है ना, कि हमको कौन सी सही दिशा है जीवन की। कंपास बताता है, इनर कंपास होता है कि नहीं, अंदर एक है ना, अंदर की आवाज जो हमको बताता है ये सही है ये गलत है। तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सिद्धांत है, हमारी विदेश नीति के बेड हैं, बेड रॉक है, फाउंडेशन है। इन्हीं के आधार पे हमारी विदेश नीति तय होती है। जीवन सिद्धांतों के आधार पे ही होता है ना, कि सिद्धांतों के आधार पे नहीं होता है ना। लाइफ एक प्रिंसिपल्ड या कुछ नियमों से, कुछ सिद्धांतों से चलता है। तो जीवन में जो भी आप उद्देश्य हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको आप पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ नियमों के आधार पे, कुछ शर्तों के आधार पे, कुछ प्रिंसिपल्स आपके होते हैं जीवन के, है ना, उसके बेसिस पे आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारा कुछ सिद्धांत होगा, इन्हीं सिद्धांतों पे हम चलते हुए अपने विदेश नीति के उद्देश्यों को हासिल करेंगे, लेकिन अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सिद्धांतों के इतर नहीं जाएंगे, उनके आधार पे ही हम आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब है कुल मिलाकर के मींस और एंड, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जो हम अचीव करना चाहते हैं, जैसे इस एग्जामिनेशन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन कैसे, एक नॉलेजेबल पर्सन बनकर के, एक बेहतर पोजीशन या एक बेहतर पर्सन बनके, बेहतर तरीके से अपने स्किल्स को इनहेंस करके, राइटिंग स्किल्स है ना, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो स्पीकिंग स्किल्स, ज्यादा बेहतर तरीके से अपने थॉट को ऑर्गेनाइज कर पाए, अपनी बातों को प्रभावी रूप से रख पाए। ये कैसे होगा, आत्मविश्वास से होगा, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता जाएगा और हर मुद्दों पे एक समझ बढ़ती चली जाएगी, एक बेहतर ओपिनियन आप ले सकते हैं। यानी कि आप अपने जीवन को सिद्धांतों के आधार पे जीना चाहते हैं, और सिद्धांत ही आपके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो सिद्धांत और उद्देश्य ये आपस में जुड़े रहने चाहिए, क्लियर है। जैसे कि मींस और एंड है, कि एंड हमारा एम है कुछ अचीव करना, लेकिन रास्ता क्या है वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मींस और एंड का डिबेट जो है वो महत्वपूर्ण डिबेट हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट डिबेट हो जाता है। तो मींस के आधार पे ही एंड निर्धारित होगा, एंड से जस्टिफाई नहीं करेंगे कि चलो ये अचीव कर लिया, कैसे भी अचीव कर लिया, हो तो गया। कई बार कहते हैं ना कि चलो हो गया, कैसे भी हो गया, वो नहीं। एक नियमों के आधार पे उन चीजों तक पहुंचना है, ये हमारा सिद्धांत, प्रिंसिपल, विदेश नीति का फाउंडेशन है, क्लियर है।
सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन सिद्धांतों के साथ कुछ भी मतलब उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। वो सिद्धांत हमारे फाउंडेशन है, तर्कसंगत है, लॉजिकल है, बहुत सोच करके हमने उस सिद्धांतों को बनाया है और उस सिद्धांतों से हम इतर नहीं जाएंगे। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि हम इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे। तो ऐसे में कुछ सिद्धांत जो हमारी विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, एक है पंचशील, पांचशील चर्चा किए थे, है ना, जैन दर्शन के जो पंच महाव्रत है उससे वो प्रभावित होते हैं और पंचशील का सिद्धांत जो है वो हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण पहलू है। सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, है ना, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करना, परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, आप भी रहें और हम भी रहें, यह पंचशील का सिद्धांत है ना। जरा सोच करके देखिए, दुनिया के सभी देश अगर इस सिद्धांत को मानने लग जाएं तो दुनिया में कोई विवाद होगा क्या, लड़ाई होगा क्या, युद्ध की स्थिति होगी क्या? तो बहुत सोच समझ करके एक सिद्धांत बनाए गए हैं और भारत इसको शब्दशः मानने का प्रयास करता है कि हम दुनिया के किसी भी देश के साथ, चाहे बड़ा से बड़ा हो चाहे छोटा से छोटा हो, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव, आक्रमण नहीं करेंगे, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। छोटा सा देश है, रीयूनियन, सीशेल्स, है ना, हमारे दिल्ली के 1/10 के बराबर भी नहीं है, 2 करोड़ की जनसंख्या है, उसका 10 लाख 15 लाख का भी पॉपुलेशन नहीं है। मालदीव्स, टोटल पॉपुलेशन 25 लाख का है, लेकिन संप्रभुता केवल पॉपुलेशन से तय तो नहीं होगी, संप्रभुता अगर एक भी पर्सन का देश हुआ तो संप्रभु है, हम उसकी संप्रभुता का सम्मान करेंगे, क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता या संप्रभुता का सम्मान हम करेंगे, है ना, ये प्रभुसत्ता नहीं होगा, संप्रभुता होगा, सोवरेनिटी होगा, हम उसका सम्मान करेंगे, चाहे देश बड़ा हो चाहे देश छोटा हो, हम उसको इक्वली ट्रीट करेंगे, समान रूप से हम उसका आदर करेंगे, है ना, यानी कि हम बड़े छोटे का भेदभाव नहीं करेंगे। भारत ने ये कुछ बेसिक फाउंडेशन बातें रखी, कुल मिलाकर के सभी देशों को हम उसी नजरिए से देखेंगे, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव, ये भारत की विदेश नीति है। हम जब भी किसी देश के साथ सहयोग करते हैं तो हमारा आधार स्तंभ यही रहता है, इसी के माध्यम से हम सहयोग करने की कोशिश करते हैं, यह है हमारा पंचशील का सिद्धांत। इसको हमने स्वीकार किया, कुछ समय के बाद इंडोनेशिया ने, और आज यूनाइटेड नेशंस इस पंचशील के विचार को स्वीकार करता है कि दुनिया में अगर शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, दुनिया में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सहयोग को बढ़ाना है तो पंचशील ही वो विचार है। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस विचार को भी आत्मसात किया गया है। तो यह हमारा महत्वपूर्ण सिद्धांत हो जाएगा। सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन कोई ये तो नहीं कहेगा कि हम पंचशील के सिद्धांत को नहीं मानते, सब कहेंगे कि हम पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। क्लियर है, ये हमारा बेडरॉक है, हम इसको स्वीकार करेंगे और इसके पीछे का स्टोरी तो आपको बताया ही है, ये एक लंबे इतिहास और परंपरा से ये विचारधारा निकली है, एक लंबा हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है। अगर हम इस विचार से दूर होते हैं तो लोकतंत्र के मूल भावना को नहीं समझते, पूर्ण स्वराज के भाव को नहीं समझते, है ना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव, जो अहिंसा का विचार भारत ने दुनिया को दिया है, उस विचार से हम दूर हो जाएंगे। तो ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा एक जीवन जीने का तरीका है। क्लियर है, तो हमारी विदेश नीति इस संप्रभुता के सिद्धांत या सह अस्तित्व के भाव से निकलता है, जिसको हम पंचशील का सिद्धांत या पंचशील की फिलॉसफी कहते हैं। नैम के बारे में अभी विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे, अभी थोड़ी देर में नैम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उपनिवेशवाद का हर फॉर्म में हम विरोध करते हैं, है ना, कोई भी समय हो, 47 का समय हो चाहे अभी का समय हो, हर फॉर्म में उसका विरोध करते हैं। उपनिवेशवाद चाहे वो नौ उपनिवेशवाद का फॉर्म हो, भारत हर मंच से उसका विरोध करता है। IMF का रिफॉर्म नौ उपनिवेशवाद, अमेरिका का संस्था है, विश्व का संस्था नहीं, इसका लोकतांत्रिकरण करना पड़ेगा या डेमोक्रेटाइजेशन करना पड़ेगा, है ना, क्लियर है। WTO में विकासशील देशों के ऊपर विकसित देश जबरदस्ती अपनी बात को थोपना चाहते हैं, ये एक नौ उपनिवेशवाद है, नियम के आधार पर कंट्रोल करना चाहते हैं, हम उन नियमों का विरोध करेंगे जो विकासशील देशों के हितों के विरुद्ध जाएगा, नौ उपनिवेशवाद। चाहे अमेरिका के साथ हमारा कितना भी सहयोग हो लेकिन WTO पे हम वही फैसले या वही पोजीशन लेंगे जो भारत के हितों के अनुरूप हो, जो उपनिवेशवाद की विचारधारा का विरोध करता हो। साउथ अफ्रीका के भारत के बेहतर संबंध थे, है ना, जब भारत आजाद हुआ, लेकिन साउथ अफ्रीका रंग भेद की नीति को फॉलो करता था, रेसिज्म, ये एक प्रकार का क्या है, भारत एक विविध देश है ना, एक डाइवर्स कंट्री है, मल्टी इथनिक सोसाइटी है, यहां अगर रेसिज्म को प्रमोट किया जाए कलर के बेसिस पे, है ना,
अगर हम करें तो देश देश नहीं रहेगा, डिवाइड हो जाएगा। तो रेसिज्म क्या है? एक डिविजिव फोर्स है जो देश को ब्रेक करता है और मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन करता है। जो व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा दिखता है, उसके दिखने से अगर हम उसका उसको ग्लोरीफाई करने लगे या किसी को हम उससे हेट करने लगे, तो ये एक प्रकार का क्या है, ह्यूमन या मानवीय मूल्यों के अगेंस्ट में है। भारत ऐसे किसी भी नीति का विरोध करता है। साउथ अफ्रीका है ना, नेशनल मंडेला को 60 के दशक में जेल में रखा गया या पकड़ा गया और 1990 तक उनको जेल में बंद रखा गया, 27 साल तक वो जेल में रहे, है ना। किस लिए? क्योंकि उन्होंने रंग भेद की नीति का विरोध किया। भारत ने नेशनल मंडेला का समर्थन किया कि कोई भी देश अगर रंग भेद या रेसिज्म को प्रैक्टिस करते हैं तो भारत उसका विरोध करेगा। साउथ अफ्रीका के साथ हमने कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखा, कोई यहां तक कि कोई क्रिकेट मैच नहीं खेला साउथ अफ्रीका से 67 से 90 के बीच में, है ना। साउथ अफ्रीका से कोई टूर्नामेंट, कोई बायलेटरल सीरीज हम नहीं खेलते थे, हम मना कर देते थे कि हम ऐसे देशों के साथ नहीं खेलेंगे, यानी कि हमने उस देश के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखने से या सहयोग करने से मना कर दिया। ये हमारा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि हम रेसिज्म या रंग भेद का या ऐसे किसी भी अमानवीय मूल्यों का, ये जो अमानवीय तरीके हैं, उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, और कोई देश ऐसा प्रैक्टिस करता है तो हम उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे। तो हम सिद्धांत को चरितार्थ करते हैं, मतलब उसको हम जीते हैं। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आज भी हम इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है लोकतंत्र का, विविधताओं का और मानवीय मूल्यों का आधार रेसिज्म नहीं है, बल्कि उस विविधता को सेलिब्रेट करना है। इमेजिन करिए कि आप भारत में रहते हैं, है ना, इंडिया में, सोचिए कि कितना बड़ा देश है ना। अगर उसकी विविधता को ही समेटने की कोशिश करें तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, है ना। देश इतना ज्यादा डाइवर्स है कि अलग अलग हिस्सों में, है ना, अब आप दाल खाते हैं नमक डाल के, कहीं पर चीनी डाल के भी दाल खाया जाता है। आप सोचें यार ये चीनी डाल के कैसे खा लेते हैं, खा लेते हैं, कल्चर है, हिस्सा है, मीठा खाने का है तो खाते हैं। कुछ लोगों का पहनावा अलग है, कुछ लोगों का कुछ अलग है, कुछ लोग दिखने में अलग है, कुछ लोग दिखने में अलग है, तो क्या इसके आधार पर हेट करने लगे, इसके आधार पर कहने लगे कि हमको ढोकला पसंद नहीं, हम तो यही खाएंगे, जो पसंद है खा लीजिए, लेकिन ढोकला के बारे में बुरा बोलना तो जरूरी नहीं है, जो अच्छा लगता है खा लीजिए, लेकिन जो अच्छा लगता है वो खा रहे हैं उसके लिए किसी दूसरी चीज को छोटा महसूस कराना या उसको बुरा बोलना, ये तो जरूरी चीज नहीं है ना। जो अच्छा लगता है खाइए, जो अच्छा लगता है पहनिए, जो अच्छा लगता है बोलिए, लेकिन बोलने के माध्यम से किसी दूसरे को बुरा बोल के अच्छा महसूस करें, ये सार्केज्म है, मतलब इसकी जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है, द पॉइंट इज, उस विविधता को, उस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करिए। इसी को इंडियननेस कहा जाता है, इसी को भारतीय कहा जाता है ना। दुनिया में आप इमेजिन करिए कि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां को, जहां आपको बहुत कुछ सीखने समझने का मौका है। बहुत सारे देश में तो एक ही इथनिसिटी के लोग रह रहे हैं, आपके पास तो डाइवर्स इथनिसिटी के लोग रह रहे हैं, बहुत लोगों से बहुत प्रकार की चीजें आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, है ना, आइडिया का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यही डेमोक्रेसी है, इसी को सपोर्ट करना है, इसी को सेलिब्रेट करना है, इसी को अप्रिशिएट करना है, और ये तीनों चीजें उसके विरुद्ध जाती हैं, तो हम कैसे इसको मान लें? ये तो लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद या रंग भेद की नीति, तो हमको उसका विरोध करना पड़ेगा। और भारत पहले भी करता था, आज भी करता है और भविष्य में भी करता रहेगा। जहां जहां पर भी ऐसे सिचुएशन इमर्ज होंगे हम पोजीशन लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा सिद्धांत है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग करें, ये हमारा पहला पोजीशन है। यूक्रेन के मामले में भी हम यही बोल रहे हैं, आराम से निपटा लीजिए जो प्रॉब्लम है। हमको क्यों बार बार कहते हैं कि समर्थन करो, विरोध करो, है ना, हम तो पोजीशन ही हमारा यही है। रशिया से भी बात करते हैं तो पुतिन को यही कहते हैं, देख लीजिए आराम से इसको शांतिपूर्ण तरीके से रिजोल्व कर लीजिए, तो पुतिन भी अपनी बात को रखते हैं, लेकिन हमारी बात तो यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से रिजोल्व कर लीजिए। अमेरिका भी हमसे बात करता है तो हम यही कहते हैं कि हमारा पोजीशन यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का निपटारा होना चाहिए। चीन आता है तो चीन को भी यही कहते हैं कि अननेसेसरी में अपने सेना को भेज देते हो, उसकी जगह शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करो, है ना, डिबेट करो, डिस्कशन करो, ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा सिद्धांत है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून, एक न्याय संगत और समान विश्व व्यवस्था का समर्थन करना, तर्क क्या है बताए हैं आपको, लेकिन हमारा सिद्धांत कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है। भारत एक मिडिल पावर है, अपने हितों को प्रभावी रूप से साधना है तो हमको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जरूरत है, और यही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मध्यस्थ है, मेडिएटर है, जो दो पक्षों के विवादों को रिजोल्व कर सकती है, है ना। हर पक्ष तो अपनी बात ही कहेगा कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, तभी तो कोर्ट की जरूरत पड़ती है ना, तब कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता है और निर्णय देता है। तो ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है
या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मध्यस्थ है, मीडिएटर है, विभिन्न मुद्दों को लेकर के यहाँ पर एक्सपर्टीज है, और ये अगर इन मुद्दों को न्यूट्रल या निष्पक्ष भाव से साधे तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभावी रूप से शांतिपूर्ण तरीके से रिजोल्व हो सकता है, यानी कि दुनिया शांति के रास्ते पे आगे बढ़ेगी। तभी लीग ऑफ नेशंस बना, और लीग ऑफ नेशंस ठीक नहीं हुआ तो यूनाइटेड नेशंस बना। अब अगर यूनाइटेड नेशंस ठीक नहीं होगा तो उसका भी रिफॉर्म करना पड़ेगा या उस संस्था को बदलना पड़ेगा। दो ही चीजें होंगी, या तो यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म कर दें या उसकी जगह नई संस्था बना दें। तो भारत क्या करेगा? दोनों करेगा, दोनों कर सकता है। आज हम वैसी स्थिति में हैं, हम दोनों कर सकते हैं। अभी हम बोल रहे हैं यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म करते हैं, क्लियर है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो उसकी जगह एक अल्टरनेटिव विश्व व्यवस्था, अल्टरनेटिव एक वर्ल्ड ऑर्डर भी क्रिएट किया जा सकता है। जैसे IMF, बहुत समझाने की कोशिश की अमेरिका को कि मान जाओ, कोटा कम करो, है ना, एक इसका रिफॉर्म करो, लेकिन नहीं मान रहा है। तो हमने क्या किया, हमने ब्रिक्स बैंक की शुरुआत कर दी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, IMF की तरह ही काम करेगा, और धीरे धीरे करके उस पर फंड रेस कर रहे हैं, दुनिया के देशों को जोड़ रहे हैं कि IMF की जगह या वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म की जगह अगर दुनिया में रिफॉर्म नहीं हो रहा है और विकसित देश उसमें सहमत नहीं है तो क्यों ना एक नई विश्व व्यवस्था क्रिएट की जाए। इसी को नियो कहा गया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एक नई आर्थिक व्यवस्था, वैश्विक व्यवस्था क्रिएट किया जाए। तो भारत दुनिया के देशों के साथ मिल करके या तो रिफॉर्म करेगा, अगर रिफॉर्म नहीं हो पाता है, दुनिया के देश सहमत नहीं होते, तो वैसी नई संस्थाएं बना दी जाए, क्लियर है। तो आज हम उस स्थिति में हैं जहां पर नई संस्थाएं भी बना सकते हैं, तो भारत वो काम कर रहा है। उदाहरण के लिए मैंने ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में आपके सामने बात रखी, क्लियर हो गया। तो यहां पर यही एक विश्व व्यवस्था को समर्थन करना है। 90 के दशक में जब भारत ने 1996 में नया परमाणु का विस्फोट किया, 1974 में हमने न्यूक्लियर बॉम्ब का विस्फोट किया था, तो हमने दुनिया को बस ये कहा था कि हमको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने आता है, क्लियर है। हमने ये नहीं कहा था कि हम न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश है, हमने बस बताया था कि बम बनाना आता है। 1998 में हमने दुनिया को कहा कि भारत एक न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश है, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, ऐसा हमने 1998 में बोल दिया। तो दोनों में अंतर है, एक में हम कह रहे हैं कि आता है और दूसरे में हम कह रहे हैं कि हमारे पास है, क्लियर है। अब जब हमारे पास है बम तो हमको जिम्मेदार होना पड़ेगा कि हम बम किस लिए बनाए हैं। हम किसी पे अटैक करने के लिए नहीं बनाए, हमने बम इसलिए बनाया है ताकि हम अपनी सुरक्षा को मजबूत कर पाए। तो उस पूरी प्रक्रिया में भारत नो फर्स्ट यूज का सिद्धांत देता है। आगे भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में विस्तार से इसकी चर्चा आपसे करेंगे। नो फर्स्ट यूज यानी कि भारत क्लियरली कहता है कि मैं पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन करूंगा तो जबरदस्त करूंगा, है ना, करूंगा तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के लिए करूंगा, ये भी भारत कहता है। तो इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन ये हमारा सिद्धांत है, नो फर्स्ट यूज, मतलब दुनिया को हम मैसेज दे रहे हैं कि कभी भी भारत न्यूक्लियर युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा। आपको लगता नहीं है ये बड़ा ही शानदार रणनीति है, क्या लगता है? अभी तो पढ़े नहीं है इसके बारे में, लेकिन जरा सोच करके देखिए, अगर भारत नो फर्स्ट यूज नहीं बोलता, जस्ट इमेजिन करिए, नो फर्स्ट यूज नहीं कहता कि मैं पहली बार इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो पाकिस्तान को हमेशा भय रहता कि कभी भी इस्तेमाल कर देगा, कभी भी इस्तेमाल कर देगा, तो वो इस्तेमाल कर ले उससे पहले मैं ही इस्तेमाल कर देता हूं, ये भी तो हो सकता है। इमेजिन करिए कि दो देश लड़ रहे हैं, और अगर पाकिस्तान को जरा सा भी एंटिसिपेट करे कि यार भारत मेरे अगेंस्ट में न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है, तो सोचेगा कि ये इस्तेमाल करे इससे पहले मैं ही कर देता हूं, न्यूक्लियर युद्ध की संभावनाएं प्रबल नहीं हो जाएंगी। छोटा मोटा युद्ध भी न्यूक्लियर में तब्दील हो सकता है, अगर कैलकुलेशन थोड़े से भी गलत हो गए तो, दोनों देशों के लीडरशिप ने गलत कैलकुलेशन किया तो न्यूक्लियर युद्ध की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। हमने न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश भी हो गए और साथ ही साथ न्यूक्लियर युद्ध की संभावनाओं को भी कम कर दिया इस नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत से। तो एक डिप्लोमेटिक, आप मास्टर स्ट्रोक नहीं कहेंगे इसको, जरा सोच करके देखिए कि हमने कहा नो फर्स्ट यूज। अच्छा, इतना ही रहने दीजिए, आगे चर्चा करूंगा मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस के बारे में, लेकिन ये हमारा सिद्धांत है, हम क्लियरली इस बात को कहते हैं और स्वीकारते हैं और हम इसको फॉलो भी करते हैं। एक और जो हमारा सिद्धांत है वो है गुजराल का सिद्धांत, नाम सुना होगा। गुजराल 90 के दशक में 96-97 में देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और देश के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, पहले फॉरेन मिनिस्टर रहे और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी रहे। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है गुजराल का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या था, तो उसका बस थोड़ी सी बात इसमें यह है कि गुजरात का सिद्धांत जो है वो पंचशील का सिद्धांत है,
गुजराल का सिद्धांत कुछ नहीं है, पंचशील का ही सिद्धांत है। पड़ोसियों के साथ जो पंचशील है या जो आप बात करते हैं पंचशील, वो पड़ोसी देशों पे लागू कर दें तो ये गुजराल का सिद्धांत हो जाता है। यानी कि ये सिद्धांत यही कहता है कि पड़ोसी देशों के सह अस्तित्व की रक्षा करें, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, आपस में सहयोग करें, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से रिजोल्व करें। क्लियर है? और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही जाती है कि देखिए, बगल में जितने भी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, है ना, ये सारे देश भारत के इर्द गिर्द हैं। 8 देश हो गए, 7 देश हो गए, BCPNMB, ये सातों देश, उसके अलावा 9 देश हो गए, 7 और 2 9, श्रीलंका और मालदीव को मिला के समुद्री सीमा लगती है। इन सब देशों के क्षेत्रफल को मिला ले, इन सब देशों की जनसंख्या को मिला ले, है ना, इन सब देशों की अर्थव्यवस्था की GDP के साइज को मिला ले, तब भी भारत की 50% के बराबर भी नहीं, भारत के 50% तक भी नहीं पहुंचते। ऐसी स्थिति में जरा सोच करके देखिए कि 2015 में, अभी आपदा प्रबंधन की क्लास हुई है क्या? नहीं हुई ना। 2015 में नेपाल में एक मेजर भूकंप आया, लगभग काठमांडू के आसपास का मेजर इलाका तबाह हो गया। भारत ने $1 बिलियन के आसपास का सहायता किया। अगर भारत में कोई भूकंप आ जाए या कोई आपदा आ जाए तो क्या नेपाल उतनी सहायता भारत की कर पाएगा? कैपेसिटी नहीं है, छोटे छोटे देश हैं। तो अगर हम ये सोचें कि जितनी मदद हम इनकी कर रहे हैं उतना ही ये हमारी मदद करें, तो क्या ये बेहतर है, क्या ये ठीक है? क्योंकि छोटे छोटे देश हैं, हमारी क्षमता ज्यादा है तो हम ज्यादा मदद कर सकते हैं, लेकिन ये देश छोटे छोटे हैं, है ना, इनकी कैपेसिटी अपेक्षाकृत कम है, तो हम उनसे उनकी उनसे उतनी अपेक्षाएं ना करें। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी का सिद्धांत, कि हमको ज्यादा मदद करना है लेकिन उनसे उतनी अपेक्षाएं नहीं करनी। कई बार हम इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, जो मित्रता है, जो आपके फ्रेंड है, हम कहते हैं कि हमने इतना किया, उसने इतना नहीं किया, और उसके आधार पे डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं। गुजराल ने कहा कि ये आधार ना बनाए डिस्टेंसेस बढ़ाने का, दो देशों के बीच में दूरियों का, वो जितनी क्षमता उसकी है वो मदद कर पाए और जितनी क्षमता मेरी है मैं मदद कर पाऊं। और ये सिद्धांत गुजराल का सिद्धांत है। क्लियर है? कुल मिलाकर पड़ोसियों के साथ कैसे बेहतर संबंधों को साधे, और इसके पीछे का एक इतिहास है, वो चर्चा करूंगा कि क्यों गुजराल कह रहे हैं कि पड़ोसियों को साधो। इससे पहले जरूर हमने कुछ समस्याएं क्रिएट की होंगी, या विदेश नीति में पड़ोसियों को लेकर डेफिनेटली कुछ समस्याएं आई होंगी। अब वो समस्या आई होगी तो गुजराल कह रहे होंगे कैसे समस्या को ठीक कर सकते हो, कैसे संबंधों को बेहतर कर सकते हो, तो वहां पर एक सिद्धांत आता है। लेकिन इससे पहले की कहानी आपसे आगे जो है फेजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी में विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन ये हमारा सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को 2014 में रिन्यू किया गया, दोबारा से स्वीकार किया गया, और आगे चर्चा करेंगे। इसी को कहा गया पड़ोसी प्रथम, पड़ोसी प्रथम की नीति, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी, कि पड़ोसी देशों को आप सबसे पहले वरीयता क्रम में ऊपर रखिए। कोई भी चीज हो, कोविड का क्राइसिस है तो कोविड वैक्सीन की जरूरत है, तो पहले भूटान को, श्रीलंका को, मालदीव को, पाकिस्तान ने, इन देशों को पहले सहयोग करें। क्लियर है? तो कहने का मतलब है, द पॉइंट इज कि गुजराल का सिद्धांत थी पड़ोसी प्रथम या नेबरहुड फर्स्ट की नीति। तो इसके बारे में भी इससे जोड़ करके आपसे विस्तार से, ये पड़ोसी प्रथम क्या है, 4-5 की आइडियाज हैं, आगे नोट्स में आपको मिलेगा लिखा हुआ, या आप कहेंगे तो लिखवा भी दूंगा, है ना, विस्तार से चर्चा आगे किए हैं इसके बारे में। लेकिन कुल मिलाकर के यही गुजराल का सिद्धांत एक नए स्वरूप में या नए शब्दावली के साथ हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी को हम पड़ोसी प्रथम की या नेबरहुड फर्स्ट की नीति कहते हैं, कि पड़ोसियों को वरीयता क्रम में ऊपर रखें, जो भी चुनौतियां चैलेंजेस आए उसमें उनको आप वरीयता क्रम में ऊपर रखें। और आर्टिकल 51, ये क्या है आर्टिकल 51? अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, तो संविधान में हमने इस बात को स्वीकार कर लिया, किया है, तो सिद्धांत हो गया हमारा। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इन्हीं को आधार बना करके हम दुनिया के देशों के साथ सहयोग करेंगे, है ना, इन्हीं को आधार बना करके हम सहयोग करेंगे। हम किसी भी देश का शोषण नहीं करेंगे, हम किसी भी देश को नौ उपनिवेशवाद के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने हितों के लिए हम उसका शोषण नहीं करेंगे। इसलिए इक्वल टर्म्स में भारत सहयोग करता है। आगे जब चर्चा करूंगा तो आपको इस सिद्धांत के बारे में समझ में आएगा कि कैसे ये नवीन आयामों को जोड़ता है, इस विचार ने या इस सिद्धांत ने कैसे हमको चाइना से बेहतर देश बना दिया है, कैसे दुनिया में भारत को अप्रिशिएट किया जाता है। दुनिया में अगर भारत, चीन के पास जितनी पूंजी हो और भारत के पास भी उतना ही कैपिटल हो,
तो दुनिया के देश भारत को चूज करेंगे, चीन को नहीं चूज करेंगे। क्लियर है? और मतलब आगे चर्चा करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि भारत के निवेश को दुनिया के देश चाहेंगे कि आए। अगर चीन और दोनों के पास उतना ही निवेश है, उतनी कैपेसिटी है, तो हमारे निवेश को दुनिया के देश प्रेफर करते हैं। जब हमारे पास नहीं होता है तभी चीन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसको काउंटर करने के लिए जो भी देश है ना, नौ उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद या रंगभेद, ऐसी नीतियों का विरोध करते हैं, शब्दशः भी और साथ ही साथ व्यवहारिक रूप से भी, भारत को उन देशों के साथ सहयोग करना चाहिए। और उन देशों के साथ सहयोग करेंगे तो चीन के नौ उपनिवेशवाद की नीति जो भारत के हितों के विरुद्ध जा रही है उसको प्रभावी रूप से साधा जा सकता है। तो भारत इसी सिद्धांत के आधार पर जापान के साथ सहयोग करेगा, क्योंकि चीन के पास पैसा है तो जापान के पास भी पैसा है। बस अंतर यह है कि जापान एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत में जापान का कितना निवेश है? दिल्ली मेट्रो है ना, बेंगलोर के मेट्रो, चेन्नई के मेट्रो में है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC जापान के द्वारा निवेश किया जा रहा है। तो जापान भारत के विकास में एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में मदद कर रहा है। और उसका जो ऋण होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से है, कंसेशनल रेट पे है, रियायती दर पे है, लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी कि भारत जैसे विकासशील देशों की जरूरतों को प्रभावी रूप से पूरा करता है। तो ऐसे ही निवेश भारत और जापान दोनों मिलकर के अगर प्रभावी रूप से दुनिया के देशों में करें जहां पर चीन निवेश कर रहा है, तो हम चीन को प्रभावी रूप से काउंटर कर सकते हैं, उसको साध सकते हैं। यही विचार भारत और जापान को एक मंच पे लाता है। और इसके माध्यम से मैं आगे आपसे इंडिया जापान सहयोग में अलग अलग आयामों से एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पे भी चर्चा करूंगा। क्लियर है? तो ये हमारा सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को हम शब्द से मानते हैं और उसके बेसिस पे अपनी विदेश नीति को तय कर रहे हैं। क्लियर है? अभी जो सिद्धांत है, जो भी सिद्धांत आपके सामने है, जो चर्चा मैंने किया उसमें पंचशील के बारे में चर्चा किया है ना, अलग अलग पहलुओं के बारे में इसमें है ना, राज्य के बारे में चर्चा किया, इन सब चीजों के बारे में आपसे चर्चा किया, उसके बेसिस पे हम अपने कुछ उद्देश्यों को ही तो प्राप्त करना चाहते हैं। ये हम जो सिद्धांत बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? हम इसलिए सिद्धांत बना रहे हैं कि इन सिद्धांतों पे चलें और इस सिद्धांतों पे चलते हुए हम अपने उद्देश्य तक पहुंचे। तो इसलिए आपको सिद्धांत को लेके कोई बिल्कुल भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भारत के सिद्धांत है, ये भारत की नीति है ना, इन नीतियों पे चलते हुए भारत अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। तो इसमें से एक मैंने कहा था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है। पहले से पहले चर्चा किया था ना कि डिटरमिनेंट्स और कारक कौन कौन से हैं जो हमारी विदेश नीति को तय करते हैं, तो उन कारकों में मैंने आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स और उसमें गुट निरपेक्षता के संदर्भ में थोड़ी बात कही थी, और मैंने कहा था कि विस्तार से चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। तो उद्देश्य समझ, सॉरी, हमने कारक समझ लिए, हमने सिद्धांत समझ लिए। क्लियर है? अब आगे बढ़ने से पहले, उद्देश्य तक पहुंचने से पहले कि उद्देश्य क्या है विदेश नीति का, आधार स्तंभ तो समझ लिए, अब इसके बाद हम चाहते क्या है, प्राप्त क्या क्या करना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने से पहले नैम की चर्चा थोड़ी आपके साथ कर लेते हैं कि नैम क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन या उससे संबंधित कुछ तथ्यात्मक रूप से बातें ये आपको ध्यान में रखनी है ना। स्वतंत्र भारत के विकास के, या अगर हम देखें तो हमारी प्रायोरिटीज क्या थी, देश का आर्थिक विकास, विदेशी मालों में स्वतंत्रता, देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा और विश्व शांति, इन सब विचारों को अगर देखें, जब भारत आजाद हुआ तो यही अचीव करना चाहता था। अब इसको अचीव करने के लिए क्या सोवियत संघ के पास जाएं, क्या US के पास जाएं, दोनों के पास जाएंगे तो विश्व शांति को खतरा होगा, लड़ाई झगड़े में फंसेंगे, देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, यानी कि हम एक तरह से उसके पिछलग्गू हो जाते तो बहुत सारे मामलों में उसकी बात सुनते मानते तो संप्रभु कहां रह जाते। क्लियर है? विदेशी मामलों में स्वतंत्र भी नहीं हो पाते, निष्पक्ष होके अपने हितों के अनुरूप से निर्णय नहीं ले पाते, और देश का आर्थिक विकास की जगह हमारा फोकस कुछ और ही होता। तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, अगर हमको इनको साधना है तो ना हम सोवियत संघ के करीब जाएं, ना हम अमेरिका के करीब जाएं, नहीं तो ये दोनों अपने ही विवादों के अनुसार हमारी विदेश नीति को तय करते रहेंगे और हम अपनी वरीयताओं को प्राथमिकता नहीं दे पाएंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत सोचता है हमको गुट निरपेक्षता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, हमको एक नई रणनीति बनानी चाहिए जहां पर हम इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट मेंटेन करें। इक्वी डिस्टेंट मेंटेन करने का यह मतलब है कि गुट निरपेक्ष मतलब ये नहीं है कि दुनिया के मुद्दों या दुनिया में जो चुनौतियां चैलेंजेस हैं उसमें भारत का कोई राय ना हो, हमारा राय हो लेकिन वो राय हमारा हो, अमेरिका का ना हो, सोवियत संघ का ना हो,
वो राय हम स्वयं यानी कि जो भी हम पोजीशन ले रहे हैं वो भारत का पोजीशन हो, भारत के हितों के अनुरूप हो, न कि सोवियत संघ या अमेरिका के हितों के अनुसार हो, ठीक है। तो यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन शीत युद्ध के दौरान हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन देख भी लेते हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या सोवियत संघ गुट में सम्मिलित ना करके स्वतंत्र तथा तटस्थ नीति का अनुसरण करने वाले देशों के एक संगठन के रूप में किया गया था कि हम अपने हितों को साधेंगे न कि अमेरिका और सोवियत संघ के हितों को पूरा करें, है ना। उत्पत्ति कब होता है, 1955 में आपको बोला था बाडुंग कॉन्फ्रेंस, ध्यान है, इंडोनेशिया में एक बाडुंग कॉन्फ्रेंस होता है जिसको एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, एशिया और अफ्रीका का सम्मेलन होता है। यहाँ पर उस समय जो नए नए देश आजाद हुए थे 40 के दशक में, 50 के दशक में, या जो आजाद होने वाले थे, उन सब देशों को बुलाया गया और पूछा गया कि क्या करोगे आप, अपनी विदेश नीति कैसे तय करोगे, किसके पास जाओगे, सोवियत संघ के साथ सहयोग करोगे, अमेरिका के साथ सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर अमेरिका ने, भारत ने नेतृत्व दिया, लीडरशिप का रोल प्ले किया। भारत ने ये बात रखी कि अगर आप किसी भी देश के करीब जाते हो तो वो अपने हितों के अनुरूप आपकी नीतियों को तय करेगा। ऐसे में हम जो नए नए देश जो आजाद हुए हैं, हमारी वरीयता ये है, और इन वरीयताओं को अगर पूरा करना है तो हमको इन दोनों गुटों से दूर रहने की जरूरत पड़ेगी। एक विचार पल्वित पुष्पित होता है बाडुंग के कॉन्फ्रेंस में, और 55 से लेके 61 तक जब नैम बनता है तो भारत लगातार दुनिया भर में घूम घूम करके या दुनिया भर के देशों के साथ मिल करके हम इस विचारधारा को प्रमोट करते हैं। अमेरिका नाराज होता है, सोवियत संघ नाराज होते हैं, दोनों ही से नाराज होते हैं, लेकिन हमारे हितों के लिए तो जरूरी था कि हम एक ऐसा एक तंत्र, ऐसी विचारधारा, ऐसा एक संगठन खड़ा करें। तो यहाँ पर यही है, नैम का प्रथम सम्मेलन भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया के नेतृत्व में 1967 में बेलग्राद में आयोजित किया गया। तो भारत एक फाउंडर मेंबर है। यहाँ पर कुछ लीडर्स हैं, इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस नैम के संगठन को मजबूत बनाने में, है ना। तो यहाँ पर नन अलाइन मूवमेंट जो है एक ग्रुप ऑफ नेशंस है, यहाँ पर उस फाउंडर मेंबर्स का नाम है, टीटो है ना, सुकार्नो है, नेहरू है, मतलब कुछ कुछ लीडर्स के नाम है अलग अलग देश के, हा? है ना, अब्दुल नासिर है, टीटो है, सुकार्नो है और नेहरू जी है, अलग अलग देश के ये लीडर्स हैं। इन सब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत बनाना है। ये आपको जरूरत नहीं है, इनके नाम जरूरत नहीं है, बस इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे लिए ये चेहरा महत्वपूर्ण है ना, कि भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, देश आजाद होता है और आजाद होते ही हम नेतृत्व, यार जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन के देश हैं, दुनिया जब खाना बदोश जीवन जी रही थी तो हम अहिंसा का पाठ दुनिया को, या हम अपने वेदों की रचना कर रहे थे, हम नए विचार या नव सृजन की तरफ थे। तो लीडरशिप का रोल तो नेचुरल ही होगा ना, सोच करके देखें, विचारों से ही नेतृत्व आता है, तो विचार तो दुनिया के लिए देखा जाए तो हम दे ही रहे थे। तो जैन बौद्ध दर्शन, नए विचार हमारे यहाँ उद्भव और विकास हो रहा है, तो उन विचारों को तो दुनिया के साथ शेयर करना ही पड़ेगा ना। यही अहिंसा का जो विचार है, यही तो गुट निरपेक्षता है कि क्यों हिस्सा बने, क्यों हिंसा का हिस्सा बने। अभी अभी तो आजाद हुए हैं, फोकस करना है गरीबी मिटाने पे, फोकस करना है विकास पे, तो ये खींच रहे हैं कि मेरे साथ रहो, अमेरिका पे अटैक करो, अमेरिका का विरोध करो। क्यों करें भाई, मतलब क्यों करें, अमेरिका ने हमारे विरुद्ध कोई काम किया है, क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि आपका और उनका नहीं बनता है, तो ये आपका मसला है, आप देखें, हमसे पूछ करके तो आप लोगों ने नहीं किया है, तो हमको इस अननेसेसरी की चीजों में नहीं पड़ना है। जो आप डे टू डे सोचते हैं ना, कुछ भी अच्छा सोचते हैं, वही देश सोचता है, वही विदेश नीति बनती है, क्लियर है, बस उसमें कुछ सिद्धांत और कुछ विचार हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, है ना, नैम की शुरुआत करने में। और जो इन्होंने एक सपना देखा, जो विजन देखा, आज 118 देश नैम के साथ खड़े, तो ये अपने आप में नैम की सफलता को बताता है। अगर नैम रेलेवेंट नहीं होता तो ये सारे देश इससे बाहर आ जाते, किसी ने रोका तो नहीं था। तो जो शुरुआत या जो विचारधारा रखी गई, उसमें आज 118 देश इस नैम के साथ खड़े हैं। बस हमको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है, आज के संदर्भों के पॉइंट ऑफ व्यू से नैम को जीवंत बनाने की जरूरत है, क्लियर है, कि आज के कुछ मुद्दों पे, अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों, चैलेंजेस पे क्या नैम की एक भूमिका है, तो उसमें देखना पड़ेगा। अगर प्रभावी भूमिका निभाएगा तो नैम रेलेवेंट हो जाएगा, अगर नहीं निभाएगा तो इररेलेवेंट हो जाएगा, है ना। तो ये एक थोड़ा सा फैक्ट था इसके संदर्भ में कि कैसे इसका विकास होता है। नन अलाइन मूवमेंट, ध्यान से देखें, कौन सा एक महाद्वीप है जिससे नैम के मेंबर ना हो, है ना, नॉर्थ अमेरिका,
नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको, साउथ अमेरिका, यूरोप का पूर्वी हिस्सा, अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा है ना, एशिया, मतलब मेजर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उससे आपके मेंबर्स आ रहे हैं। 120 सदस्य देश, 118 प्लस देश इसमें शामिल हैं। यह अपने आप में नैम की सफलता को बताता है, यानी कि जो विचार देखा गया था 1950-55 के दशक में वो डेफिनेटली जीवंत है, तभी आज 120 देश इस संस्था से जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस के बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट संस्था है ये, 190 देशों का समूह यूनाइटेड नेशंस है, 190 प्लस देशों का, और ये 120 प्लस देशों का समूह है। तो अपने आप में दुनिया में यूनाइटेड नेशंस के बाद एक सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट अंतर्राष्ट्रीय समूह है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सोच के देखिए कि इतने सारे देश अगर इसमें जुड़े हुए हैं तो क्या भारत को छोड़ देना चाहिए संस्था, भारत को इररिलेवेंट बना देना चाहिए? नहीं बनाएगा भारत, है ना। कुछ समय के लिए हम ठंडे बस्ते में जरूर डाल देंगे, लेकिन इतने सारे देश जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं भारत के द्वारा हुई थी, हम लीडरशिप का रोल छोड़ दें इसका, क्लियर है? तो कभी भारत ऐसा नहीं करेगा। कुछ फेजेस आ सकते हैं अप एंड डाउन के, लेकिन हम कंप्लीटली इस नेम को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इनफैक्ट हमको इसको रेलेवेंट बनाने की जरूरत है, नए तरीके से, नए नजरिए से नेतृत्व देने की जरूरत है। तो देखते हैं इसको, इस टॉपिक को और। नैम के मुख्य सिद्धांत, ध्यान से इन चार पांच बातों को देखें और मुझे बताएं कि कुछ समानता नजर आ रही है इससे पहले के कुछ सिद्धांतों में। नैम का सिद्धांत देखें, क्या समानता नजर आ रही है? जो बातें हैं इसको देखें ध्यान से, ये नैम का सिद्धांत है। ऐसी मिलती जुलती बातें कहां सुना था आपने? पंचशील का सिद्धांत ही नैम का सिद्धांत बना दिया, यानी कि जो बात भारत ने अपना सिद्धांत पंचशील का बनाया, दुनिया के देशों ने इसी बात को स्वीकार किया और आज ये नैम का सिद्धांत, यानी कि भारत का सिद्धांत ही नैम का सिद्धांत। तो इसीलिए ये भारत का कंट्रीब्यूशन, नैम भारत का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है विश्व को, एक नजरिया है कि कैसे दुनिया में शांति व्यवस्था लागू की जा सकती। तो जो सिद्धांत यहां लिखा हुआ है ये सेम सिद्धांत नैम का, या आप कह सकते हैं कि पंचशील का सिद्धांत। तो पंचशील के सिद्धांत को शब्दशः आत्मसात कर लिया गया है नैम के सिद्धांत के माध्यम से। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे नैम के सिद्धांतों की चर्चा करते हुए, एग्जामिन करिए कि नैम आज रेलेवेंट है या नहीं रेलेवेंट है, आज हमको इसको जरूरत है या इसकी जरूरत नहीं है, उसके संदर्भ में क्रिटिकली एग्जामिन करिए। तो पंचशील का सिद्धांत अगर ध्यान है, उन्हीं चार पांच बातों को लिख दें तो वो नैम का सिद्धांत हो जाएगा, क्लियर हो गया? तो पंचशील जीवंत है ना, पंचशील का सिद्धांत जीवंत है, एक संस्था जीवंत है, उस संस्था का सिद्धांत जीवंत है। वही है, फाइव नॉन अलाइनमेंट के जो प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल पंचशील के भी सिद्धांत है। भारत के लिए नैम क्या रेलेवेंट है इररिलेवेंट है? तो आप में से कल किसी ने मुझसे सवाल पूछा था और कहा था कि 2016 वही वेनेजुएला वाली मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए थे, 2019 में अजरबैजान में मीटिंग हुआ था तो वहां भी हम नहीं गए थे। तो दो मीटिंग्स नहीं जाने से क्या हमने नैम को इररिलेवेंट बना दिया है, अप्रासंगिक बना दिया है, है ना? ये एक पॉइंट है। तो नैम का रेलेवेंट अगर देखा जाए तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या टॉप लीडरशिप, प्रधानमंत्री का मतलब है टॉप, इंडिया में टॉप लीडरशिप, अगर हम उस संस्था में हिस्सा नहीं बन रहे हैं तो मैसेज यही जाता है कि भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं। तो एक तरह से दुनिया को यही मैसेज गया कि भारत के लिए रेलेवेंट नहीं है, और रेलेवेंट नहीं है तो क्या नैम आज के संदर्भ में प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, ये सवाल पूछा जाएगा, ये सवाल बनता है। लेकिन कोविड क्राइसिस में जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसके 2-3 महीनों के अंदर ही हमने जो है कोविड की मीटिंग की नैम के देशों के साथ। भारत ने कोविड फंड बनाने का सुझाव दिया, है ना, सार्क फंक्शनल नहीं था लेकिन सार्क में कोविड का फंड भारत ने बनवाया ताकि हम सहयोग कर सके। आप ध्यान से नैम का अगर मैप देखे होंगे तो देखिए ध्यान से, नैम की मेंबरशिप सबसे ज्यादा कहां से आती है? गरीब देशों से। मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो कहां से आते हैं इसमें लिखा होगा, है ना, अफ्रीका के 53 देश। सबसे ज्यादा देश कहां से आते हैं? अफ्रीका के। और दुनिया में सबसे ज्यादा लीस्ट डेवलप कंट्रीज कहां पर है? अफ्रीका में। तो सोचिए कि ये जो लीस्ट डेवलप कंट्री हैं, है ना, जो गरीब देश हैं, उनका मेंबरशिप नैम पे है, यानी कि वो नैम को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इन देशों के विकास में भारत का भागीदारी नहीं होगी क्या? भारत कैसे नैम को भूल जाएगा? कुछ समय के लिए हो सकता है कि हमारे रेलेवेंट ना हो, प्रायोरिटी में ना हो, लेकिन हम कंप्लीटली इसको इररिलेवेंट नहीं कर सकते। ये अफ्रीका के जो देश है ना, यही भारत को वर्ल्ड लीडर बनाएंगे फ्यूचर में, समझ रहे हैं? अगर भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप चाहिए
तो अफ्रीका के सारे देश भारत के पीछे खड़े हैं। अगर आज वोटिंग करा ली जाए ना किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबरशिप मिले, तो सबसे ज्यादा वोट भारत को मिलेंगे, क्योंकि दुनिया के विकासशील देश और गरीब देश दुनिया के सबसे ज्यादा है और भारत ने लगातार इन देशों को सहयोग किया है। क्लियर है? तो नेतृत्व का मतलब है कि देश आपके साथ खड़े हों, आपकी भूमिका को सराहें, आपके नेतृत्व क्षमता को एक्सेप्ट करें। तो अगर आज ये देश जुड़े हुए हैं तो उसके मूल में कहीं ना कहीं सेंटर में भारत है और भारत को भी इन देशों की जरूरत है। आने वाले समय का इसको कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट, ज्योग्राफी में अफ्रीका को कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए नहीं कि इथनिसिटी या रंग भेद के आधार पर हम उसको डार्क कहते हैं, डार्क इसलिए कहा जाता था क्योंकि अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से आज भी अनएक्सप्लोर्ड हैं, आज भी बहुत सारे हिस्सों में पहुंचा नहीं गया है, आज भी बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पर पता नहीं है कि कौन कौन से संसाधन वहां पर है। दुनिया का लास्ट मार्केट है अफ्रीका, दुनिया के सब जगह पे तो पूंजीवाद पहुंच गया है, कैपिटलिज्म पहुंच गया है, लेकिन अफ्रीका आज भी अनटैप्ड मार्केट है। तो फ्यूचर में जो डेवलपमेंट होना है मार्केट का, बाजारों का, वो है अफ्रीका। और ऐसे में भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट है कि भारत के अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो अफ्रीका एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, एक मेजर सेंटर है। तो भारत के विकास में अफ्रीका की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और नैम के अधिकतर, अफ्रीका के अधिकतर देश नैम के मंच से जुड़े हुए, तो एक महत्वपूर्ण मंच है, एक इंपॉर्टेंट और एस्टेब्लिश्ड मंच है। इस मंच को अगर हम डायनामिक बनाते हैं तो भारत प्रभावी रूप से अपने बहुत सारे हितों को इस मंच से साध सकता है। तो हम छोड़ेंगे नहीं नैम को, समझ रहे हैं? द पॉइंट इज, जो कन्वे करना चाहते हैं कि हम नैम को मतलब छोड़ेंगे नहीं, बस यहाँ पर मीटिंग में नहीं जाएंगे तो प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता पे सवाल उठ सकता है। तो ऐसे में कौन सा कलर यहां पर जो ब्लू वाला है ये ऑब्जर्वर कंट्री है और ये जो गाढ़ा रंग है ये मेंबर कंट्रीज है ना? ठीक है, चीन ऑब्जर्वर है, मेंबर नहीं। क्लियर? और मेंबर बनने भी नहीं देंगे इसको। नैम की प्रासंगिकता है ना, तो यहां पर कुछ बातों को देखते हैं, है ना, कि नैम में संलग्नता को सुदृढ़ करने हेतु औचित्य के रूप में प्रेक्षण किया जा सकता है कि क्या नैम रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है। तो अगर दो मीटिंग्स में हम नहीं गए तो सवाल तो उठता ही है, लेकिन जैसे COVID-19 के पश्चात विश्व में एक नई वैश्विक व्यवस्था के उभरने की संभावना है, वैश्विक मामलों में एक स्वतंत्र ध्रुव बनने के इच्छुक देश के रूप में भारत नैम जैसे मंचों के साथ अपने हितों को के पक्ष में अधिक संगठित समर्थन जुटा सकता है। जैसे मैंने कहा कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में या जो कोविड का टाइम है इसके बाद एक न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, देख ही रहे हैं, चीन के अगेंस्ट में रिसेंटमेंट था। आपने इकोनॉमिक्स में ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स में सप्लाई चेन रिसिलियंट इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा होगा कि वैश्विक जो सप्लाई चेन है उसमें बदलाव हो रहा है। चीन एक मेजर सप्लाई चेन का हिस्सा है, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका कुछ ना कुछ नट बोल्ट जरूर चीन में बन जाता है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है। कोई भी प्रोडक्ट फाइनल बनता है उसमें चीन का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे में अब दुनिया के देश इस कोविड के टाइम पे कि चीन में जो या जो कोविड का क्राइसिस हुआ उसमें किसी एक देश में अगर बहुत ज्यादा निर्भर करेंगे तो ग्लोबल सप्लाई चेन का डिसरप्शन होगा। तो ऐसे में जो वैश्विक व्यवस्था है या जो प्रोडक्शन है वो किसी एक देश पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, वो दूसरे जगह पे भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। साउथ कोरिया, जापान, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे देश इस ग्लोबल सप्लाई चेन में अब धीरे करके चाहते हैं कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन में केवल चीन ही नहीं भारत भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में इमर्ज हो। तो अगर भारत एक इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में इमर्ज होगा तो मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे करके भारत में शिफ्ट होगी, लेकिन भारत को उसके साथ साथ नए बाजारें भी तलाशने पड़ेंगे। तो ऐसे में नैम रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि डार्क कॉन्टिनेंट है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एरिया अनएक्सप्लोर्ड है, मार्केट प्रभावी रूप से नहीं पहुंचा है, अनटैप्ड मार्केट है जहां पर अपने प्रोडक्ट को प्रभावी रूप से आप सेल आउट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि नैम रेलेवेंट है, नैम की महत्ता है, नैम की भूमिका है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बदलाव हो रहा है, वैसे में अगर ये सारे देश लंबे समय से भारत के सहयोगी रहे, भारत के साथ खड़े रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रिफॉर्म में भारत के लिए ज्यादा सहूलियत होगी क्योंकि ये देश भारत का समर्थन करेंगे। IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, इन सब में अफ्रीकन देश भारत के नियमों या भारत के पोजीशन का समर्थन करते हैं, विकसित देश समर्थन नहीं करते हैं। वो तो एंटी इंडिया कि भारत कोई रिफॉर्म चाहता ही नहीं है, भारत तो चाहता ही नहीं है कि दुनिया का विकास हो, इस तरह के
कभी आप न्यूयॉर्क टाइम्स ओपन करेंगे और WTO एंड इंडिया, तो इंडिया के खाली क्रिटिसिज्म के अलावा कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स में आपको नहीं मिलेगा, क्लियर है, क्योंकि उनके हितों के विरुद्ध है। लेकिन अफ्रीका और बाकी देशों में आप देखेंगे तो वहां के जो लीडर्स हैं वो कहेंगे कि हम भारत के पोजीशन का समर्थन करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, भारत के साथ खड़े हैं, भारत जो निर्णय लेगा उसमें हम साथ में खड़े, इस तरह का है। तो हमको अमेरिका से क्या लेना है, हमको तो नैम में इन देशों से लेना है, तो भारत इनके हितों की रक्षा करता है। देखिए, ट्रू फ्रेंड वो होता है ना जो संकट के साथ समय आपके साथ खड़ा रहता है। तो भारत की भूमिका कुछ वैसी है कि जब संकट आता है, चुनौती आता है, तो भारत छोड़ता नहीं, भारत अपने साथ खड़ा रहता है ना। इसलिए भारत को कहा जाता है कि एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। तो अफ्रीकन कंट्री को मालूम है कि भारत शोषण नहीं करेगा, लोकतांत्रिक देश है, मूल्यों पर रहने वाला या मूल्यों के साथ जीने वाला एक देश है, तो भारत के साथ दुनिया के देश सहयोग करना चाहते हैं, क्लियर है। और चीन समय समय पर टेस्ट करता रहता है कि देखो, टेस्ट करके बताते हैं भारत सहयोग पे नहीं करेगा, और हम जब वो टेस्टिंग होता है तो हम और सहयोग कर देते हैं, तो तिलमिला जाता है चाइना कि ये कैसे हो गया। भूटान छोटा सा देश है, दोखलाम उसका क्षेत्र ले लिया, भूटान के साथ हमारा 2006 में संधि हो गया कि अब आप अपने आंतरिक मामलों को स्वयं देखो, अब आपके आंतरिक मामले में कोई भी चुनौती आएगी तो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि भूटान ऐसा चाहता था कि अब हम अपने आंतरिक मामलों को स्वयं देखेंगे। लेकिन जैसे ही दोखलाम पे क्राइसिस हुआ, भाग करके भूटान आया भारत के पास कि प्लीज सेना भेजिए, हमारे क्षेत्र को हथियार आए, हमने इमिडिएटली सेना भेज दिया, क्लियर है। चीन इससे तिलमिला गया कि यार अभी तो बड़े आराम से ले लेता, छोटा सा देश था, ये भारत आके बुलडोजर चला दिया, रोड तोड़ दिया, है ना, बुलडोजर चलाए थे वहां पर, उसका रोड तोड़े थे दोखलाम के क्षेत्र में, उसने जो रोड बना करके अपना क्षेत्र किया था, तो हमने बुलडोजर चला के उस सबको, मतलब बुलडोजर देश में नहीं चलता, बाहर भी चलता है, तो कुल मिला करके मतलब उसको ब्रेक किया। द पॉइंट इज, जो पॉइंट आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, इसी की टेस्टिंग समय समय पे करता रहता है, और हम टेस्ट देते रहते हैं कि आप टेस्ट लो, और दुनिया को मैसेज हम देते रहेंगे कि भारत एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, ठीक है। तो इसीलिए जो संकट होता है, जो चुनौती होती है, उसी में संभावनाएं भी होती हैं। तो चीन को लगता है कि हमने तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो गरीब देश हैं, उनको ये मैसेज चला गया कि भारत अगर मित्र है तो हर मौसम में वो आपके साथ ऑल वेदर फ्रेंड के रूप में खड़ा रहेगा। तो हम तो चाहते हैं कि एक दो और करो ऐसा, एक दो बार और भूटान पे भेजो, हम भी भेज देंगे, मैसेज और जाएगा भूटान पे, क्या नेपाल पे भी जाओ, और नेपाल बोलेगा तो फिर चले जाएंगे नेपाल के पास, और मैसेज पूरा डेवलपिंग और गरीब देशों में चला जाएगा कि भारत टाइम टेस्टेड फ्रेंड, हम तो यही चाहते हैं, क्लियर। तो यहां पर यही है कि अगर इसके रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जो एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बदल रहा है, उसमें ये नैम का मंच भारत के हितों को साधने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नंबर गेम है ना कि ये सारे देश आपके साथ खड़े हो सकते हैं। नैम के तहत सुदृढ़ समर्थन विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में उत्पन्न विवादों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के समाधान में सहयोग हो सकता है। जैसे ये प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ना, या WHO, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। WHO को फंड मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा फंड रेजर है WHO का, वो है USA, सबसे ज्यादा फंड प्रोवाइडर है, और यहाँ और चाइना, ये दो देश हैं जो सबसे ज्यादा फंड देते हैं। और कोई परमानेंट व्यवस्था WHO में नहीं है कि हर देशों का कंट्रीब्यूशन कितना कितना होगा, सारा टेम्पररी व्यवस्था है, कभी कोई देश ज्यादा फंड देता है, कभी कोई देश ज्यादा फंड दे देता है। इसीलिए WTO निष्पक्ष होकर कोई निर्णय नहीं ले पाता है, इसीलिए चीन के विरुद्ध बेचारा कुछ नहीं कर पाया। चीन में सितंबर में ही वहां पर जो वायरस था वो सर्कुलेट हो रहा था, लेकिन WHO को सबसे ज्यादा फंड US और चाइना से आता है, तो WHO को लगा कि अगर मैं चीन के विरुद्ध गया कि वायरस है, डेंजरस है, और चीन के साथ लॉकडाउन कर दो, कोई व्यापार ना करो, तो चीन के हितों के विरुद्ध जाऊंगा, तो अगले साल फंड नहीं देगा, तो अगले साल फंड नहीं देगा, तो चुपचाप रहो, जो होगा देखा जाएगा। पूरी दुनिया संकट में आ गई। इस स्थिति को बदला कैसे जा सकता है, इस स्थिति को ऐसे बदला जा सकता है कि WHO चीन के फंड पे निर्भर ना रहे, WHO अमेरिका के फंड पे निर्भर ना रहे। इसके लिए दुनिया के देश इक्वली कंट्रीब्यूट करें, जो भी देश हैं उसका कुछ कोटा रख दिया जाए कि आपको हर साल 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन जो है निवेश करना है। इससे एक परमानेंट फंड जनरेट हो जाएगा कि WHO उन देशों के अगेंस्ट कोई भी निर्णय ले, लेकिन वो देश फिर भी फंड देंगे। तो इसमें WHO ज्यादा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई कर सकता है, वो किसी भी प्रकार से किसी भी देश से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि नियमों के आधार पर हर देश को फंड देना पड़ेगा,
और अभी क्या है, टेम्पररी व्यवस्था है, इस साल दिया अगले साल नहीं देंगे। अमेरिका और चीन लगातार ऐसा फंड देकर WHO के नियमों को प्रभावित करते हैं या उसकी निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं, क्लियर है। तो भारत यहां चाहता है या भारत कह रहा है कि इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, दुनिया के जो भी गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो वहां पर उसके मेंबर्स हैं और उनके निर्णय ही WHO लागू करता है। तो क्यों ना WHO के माध्यम से, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के माध्यम से एक परमानेंट फंड जनरेट किया जाए और दुनिया के सब देशों का कंट्रीब्यूशन फिक्स कर दिया जाए। ये नंबर गेम से हो सकता है, दो तिहाई बहुमत से हो सकता है, 120 देश WHO के साथ, सॉरी NAM के साथ खड़े। तो अगर हम ऐसा कर पाए तो जस्ट इमेजिन करिए कि जो कोविड की क्राइसिस हुई, एक वैश्विक क्राइसिस नहीं हो सकता था, है ना। निष्पक्ष रूप से समय रहते ही उसको रोका जा सकता था, कंटेन किया जा सकता था, क्लियर है। क्यों नहीं कंटेन कर पाया? क्योंकि WHO ऐसा कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड रेजर था, समझ गए। तो ये एक पॉइंट है, मतलब कहने का मतलब है हम ज्यादा बेहतर एक वैश्विक व्यवस्था क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा एक बेहतर सिचुएशन क्रिएट किया जा सकता है। इसी में अगर देखें, NAM में नवीन अभिरुचि NAM को पश्चिमी विचारधारा के विरोध के पुनर्वर्तन के रूप में स्थापित नहीं करती है। यह इस शर्त पर आधारित है कि NAM भारत के अंतर्राष्ट्रीय हितों के अनुसरण में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मंच बना हुआ है। रेलेवेंट कैसे है, इसका रेलेवेंस कैसे है कि हम NAM को इस नजरिए से नहीं देखे कि पश्चिम का विरोध करने वाला एक संस्था है, कि हम सोवियत संघ के साथ नहीं जाएंगे, हम अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे। ये मूल पर्पज नहीं है। मूल पर्पज ये है कि दुनिया को जो हिंसा का रास्ता है या विरोध का रास्ता है या किसी एक पक्ष का साथ देने से उस देश का विकास नहीं हो पाएगा, उस रास्ते से जाने से दुनिया को रोकना था। ये NAM का रेलेवेंस था, ये NAM की महत्ता थी। तो इस संदर्भ में अगर, है ना, NAM आज भी एक रेलेवेंट है, क्योंकि आज भी रशिया और USA की वही स्थिति है, रशिया और USA आज भी उसी स्थिति में है। तो आज भी इस NAM की महत्ता इस संदर्भ में है कि एक डिप्लोमेटिक, एक इंपॉर्टेंट कूटनीतिक मंच के रूप में ये एक रोल प्ले कर सकता है या दुनिया को उस युद्ध के रास्ते पे जाने से रोक सकता है। वर्तमान में विश्व पूर्व से अधिक अंतर संबंध और परस्पर निर्भर है। चीन, जापान, भारत, है ना, आसियान कंट्रीज, ये सब इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं पश्चिम के लिए। यूरोप भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है, 2006 से कोशिश कर रहा है और अभी 2022 हो गया है, लेकिन बेचारा मुक्त व्यापार समझौता कर नहीं पा रहा है, है ना। 14 और 2, 16 साल हो गए, क्योंकि हमको भी समझ में आ गया है ना कि किस तरह से ये नीतियां बनाते हैं और नौ उपनिवेशवाद को जन्म देते हैं। तो हम भी जब तक हमारे हितों को नहीं साधोगे तब तक हम आपके साथ मुक्त व्यापार नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन पिछले 16 सालों से प्रयास कर रहा है और क्या कहता है, कहता है कि शराब बेचने दो अपने देश में, क्योंकि हम सबसे ज्यादा शराब के प्रोड्यूसर हैं, ध्यान है, चर्चा किया था, है ना, भूमध्य सागरी जलवायु, वाइन। हम कहते हैं कि चलो आप बेचना चाहते हो ठीक है, लेकिन हमारे लोगों को अपने देश में काम करने दो, फ्री सर्विसेज, मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए तो मूवमेंट ऑफ सर्विसेज भी होना चाहिए। आप अपना काम यहां क्यों भेजते हो, हम ही को बुला लो, आके काम कर देंगे वहां। कहने का मतलब है कि सर्विसेज क्यों आप, मतलब अपने काम को एक्सपोर्ट, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको आपने भारत में भेज दिया, वो आप काम अपने पास ही रखो, भारतीय वहां जाएगा और आपका काम वहीं कर देगा। फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज या लोगों को वहां पर जाने दो। यूरोप का हालत खराब हो जाता है सुनते ही कि जितने 27-28 देश हैं उतने बराबर तो इंडिया का पॉपुलेशन है, क्लियर है, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो वैसे स्थिति में अगर फ्री सर्विसेज छोड़ दिए तो सारे देश में इंडियन आके काम करना शुरू कर देंगे। तो इनको ये नहीं चाहिए, भारत का हित जुड़े ये नहीं, लेकिन भारत के बाजार को अपने सामानों से पाट दें ये जरूर चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि अच्छा आप सामान बेचना चाहते हैं, हम सेवाएं बेचना चाहते हैं, आप अपना सामान बेच लो, हम सेवाएं बेच देते हैं। तो कहता है कि नहीं, पहले वस्तुओं का कर लेते हैं फिर सेवाओं के बारे में सोचेंगे। तो हम कहेंगे कि पहले सेवाओं का ही कर लो फिर वस्तुओं के बारे में सोच लेना, हमेशा गुड्स के बारे में क्यों सोचें, सेवाओं के बारे में पहले कर लो फिर हम बाद में गुड्स के बारे में कर लेंगे। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, तो वैसे भी नहीं होता है, या तो दोनों साथ में कर लो या दोनों ही नहीं होगा। तो बेचारा 16 साल से अलग अलग तरीके से आता है, कभी फ्रांस का, कभी जर्मनी का, कभी UK के मिनिस्टर्स, और लगातार समझाते हैं हित में है, हित में है। हम भी समझाते हैं आपके भी हित में है, है ना, सेवाओं का व्यापार करना आपके भी हित में, नहीं हो पा रहा है, 16 साल हो गए और ऐसे ही करते रहेंगे और 16 साल हो जाएंगे, क्योंकि हमको समझ में आ गया है कि मुक्त व्यापार समझौता करना जरूरी नहीं है, मुक्त व्यापार समझौते के तहत अपने हितों को प्रोटेक्ट करना ये ज्यादा जरूरी पहलू है, समझ रहे हैं।
कि हम मुक्त व्यापार, हमने यूरोपियन यूनियन से मुक्त व्यापार कर लिया, ये कोई प्राइड का विषय नहीं। प्राइड का विषय ये है कि क्या हम अपने लोगों के अधिकारों को प्रभावी रूप से संरक्षित कर पा रहे हैं, क्या भारत अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा दे पा रहा है, क्या उसको संरक्षित कर पा रहा है, ये महत्वपूर्ण पहलू है। समझ रहे? तो नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो उसको भी समस्या है, वो अपने हितों को गार्ड कर रहा है और 16 साल से प्रयास कर रहा है, तो हम भी अपने हितों को गार्ड कर रहे हैं, हम भी 16 साल से प्रयास कर रहे हैं। तो वर्तमान विश्व में पूर्व से अधिक अंतर संबंध या इंटरडिपेंडेंसी बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि इन देशों को भारत की जरूरत है ना। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय निम्नीकरण, आतंकवाद, कट्टरता, निर्धनता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ट्रेड, व्यापार, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो उस पर साथ मिलकर ही काम किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में नैम का रेलेवेंस और भी बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन को साधना है तो ये डेवलपिंग कंट्री का साथ चाहिए, तो डेवलपिंग कंट्री को नेतृत्व कौन देता है? भारत। इसीलिए हर देश चाहता है, कोई भी मुद्दा जब होता है ना अंतर्राष्ट्रीय विषय का, तो चाहता है कि अगर भारत ने समर्थन कर दिया ना तो 40-50 देश तो समर्थन में खड़े हो जाएंगे, यानी कि ग्लोबल कंसेंसस बनाने में आसानी होगा। इसलिए भारत को भी अपनी महत्ता मालूम है, इसलिए भारत सोच समझ के कि कूटनीतिक कि कहीं वो 50 देश जो मेरे साथ खड़े हैं वो मेरे विरुद्ध ना हो जाए, तो हमको अपने लीडरशिप के बारे में भी सोचना है और तर्कसंगत रूप से या न्यायसंगत तरीके से या अपने सिद्धांतों के आधार पे हमको पोजीशन लेना रहता है। तो यहाँ पर रेलेवेंट या नैम की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है कि ऐसे जो वैश्विक चुनौतियां हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें विकासशील और गरीब देशों की आपको जरूरत है और ऐसे में नैम रेलेवेंट हो जाता है, है ना? नैम, ठीक है। बाकी जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं कुछ कुछ आगे उसकी चर्चा आपसे करेंगे। एक लोकतांत्रिक, प्रभावी, लोचनशील, फ्लेक्सिबल, विश्वसनीय, पारदर्शी और प्रतिनिधित्व बहुशक्तीय बहुपक्षीय संगठन जैसे कि नैम 21वीं शताब्दी की विश्व व्यवस्था हेतु आवश्यक है। नैम एक मैसेज है ना, कि ये जो संगठन बना हुआ है इसमें सभी को इक्वल वोटिंग का अधिकार है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे खड़े हैं। IMF की तरह नहीं है जहां पर अनइक्वल वोटिंग राइट्स हैं, है ना। तो यहां पर नैम एक तरह से बता सकता है कि किस तरह से संस्थाएं बनाई जा सकती हैं, कैसे उसको लगातार सींचा जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। तो अन्य वैश्विक संगठनों के लिए भी एक तरह से मैसेज है कि कैसे दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मंच बन गया है जहां पर विकासशील और गरीब देश एक मंच साझा कर रहे हैं। तो ये भी एक मैसेज है। जैसे आज क्राइसिस हम देख रहे हैं IMF का, वर्ल्ड बैंक का, WTO का, है ना, यूनेस्को का, कि कुछ देश थोड़ा सा भी उनका हित नहीं सकता है तो छोड़ करके चले जाते हैं कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी हाल ही में इसराइल यूनेस्को छोड़ दिया, US ने फंड देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन जो है उसको जो है यूनेस्को में शामिल कर लिया गया कि उसका हेरिटेज साइट है, तो यूनेस्को को लगा कि इसके हेरिटेज साइट को बचाना जरूरी है तो उसको मेंबरशिप दे दिया। अमेरिका विरोध कर रहा था, कहा कि पैसा नहीं देंगे, क्योंकि यूनेस्को को सबसे ज्यादा फंड अमेरिका देता था, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन जो है वो यूनेस्को का मेंबर बन गया। क्यों मेंबर बन गया? क्योंकि फिलिस्तीन में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, यूनेस्को को लगा कि उन सेंटर्स को बचाना जरूरी है, सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, इसलिए उसने उसको मेंबरशिप दे दिया। अमेरिका ने विरोध किया और अमेरिका ने विरोध किया फिर भी मेंबरशिप मिल गया तो संस्था छोड़ दी। यानी कि या तो हम हमारी बात मानेंगे और नहीं मानेंगे तो हम उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे। ये कोई लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक तरीका तो नहीं है कि आपकी बात से हमेशा सहमत ही हुआ जाए, और सहमत नहीं होंगे तो आप दबाव की रणनीति पे काम करेंगे कि फंड देना बंद कर देंगे। यूनेस्को का अमेरिका ने फंड देना बंद कर दिया, यूनेस्को से बाहर आ गए। क्लियर है? नैम से सीखिए, बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं। कहने का मतलब है कि द थिंग इज कि यहां पर डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय हो रहे हैं और दुनिया के देश इसमें कैसे बेहतर और लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है, ये सीखने का विषय है, क्योंकि इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे आधारित ये संस्था है, पंचशील के सिद्धांत पे आधारित एक संस्था है। क्लियर? अब बाकी की चर्चा कल की क्लास में यही नैम से कंटिन्यू करेंगे। और ये कंटिन्यू करने के बाद यहां पर नैम के पे एक बड़ा सवाल बन सकता है, ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऐसे में भी नैम की प्रासंगिकता, आप देखेंगे पहले भी फॉरेन पॉलिसी पे सवाल पूछा गया तो नैम की प्रासंगिकता पे सवाल बनता है। ये अपलोडेड है, इसको देखिएगा, और एक स्लाइड और अपलोड किए हैं, फेजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, थोड़ा थोड़ा उसको पढ़िएगा। कल की क्लास में फेजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत करेंगे और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर अपना भारत पाकिस्तान और जो भी टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा करें। ठीक है? कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा ठीक, चलिए, ऑल द बेस्ट।